नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, पूरी कंपाइलेशन में देने जा रहा हूं आपको, अभी तक जो भी करंट अफेयर्स की मैंने की है, 2017 की पूरी करंट अफेयर्स हैं। इसमें काफी सारी करंट अफेयर जो हैं 31 जनवरी 2018 तक की हैं, 1 जनवरी 2017 से। अब इसमें देखिए, अभी तक हम लोग क्या क्या कर चुके हैं, रैंकिंग जितनी भी पूरे साल में आपकी आई है, भारत की रैंकिंग प्लस किस इंडेक्स में आई है, वो इंडेक्स कौन पब्लिश करता है, ये सभी कुछ इसमें देखेंगे। बहुत सारी, मतलब एक्चुअली बहुत सारी मैंने वीडियो बना चुके हैं, लेकिन 2018 के एग्जाम्स के लिए वो जो जरूरी है वो मैं इसमें कंपाइलेशन देने जा रहा हूं आपको। पुराने वीडियोस का कंपाइलेशन है, आप इसको सुन लीजिएगा। जैसे अभी एमपीपीसीएस एग्जाम होने वाला है, सीजीपीसीएस एग्जाम होने वाला है, प्लस आरओ का जो एग्जाम आपका होने वाला है, प्लस यूपीपीसीएस का मेंस जो होने वाला है, प्लस एसएससी सीएचएसएल का जो 2018 में होने वाला है, उसमें क्योंकि लास्ट वन ईयर का करंट अफेयर आएगा ही, तो ये पूरा कंपाइलेशन है। ये पहला पार्ट अभी बना रहा हूं, वरना फिर बहुत बड़ा हो जाएगा वो। अभी देखिए बचा क्या क्या है, सिर्फ गवर्नमेंट स्कीम बची है और आपकी इंटरनेशनल वाली इवेंट बची है बस, और लगभग बाकी सब चीजें इसमें हम लोग कवर कर चुके हैं। ठीक है, पूरी चीजें कवर कर चुके हैं, प्लस अभी कुछ इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्लेस थे न्यूज में वो बचे हैं अभी। और अभी हम लोगों ने देखिए कवर क्या क्या कर लिया है, पूरा हमने पूरी जितनी भी कमिटी बनाई गई है वो कवर कर ली है, जितनी भी बुक्स लिखी गई है 2017 में वो पूरी कवर कर ली है। ठीक है, पूरा हम लोगों ने स्पोर्ट जो करंट अफेयर है 1 जनवरी 2017 से लेके 31 जनवरी 2018 तक का हमने पूरा कर लिया है ये। ठीक है, प्लस हमने इसमें काफी सारी चीजें ये जो अवार्ड्स वाली भी कर ली है। अवार्ड्स वाला थोड़ा सा बचा हुआ है, मतलब अभी लगभग 60% जो करंट अफेयर है वो हो चुका है। अभी 5 वीडियो और आएंगे, वो इसी पार्ट के बाद आपके आएंगे। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा सा वीडियो है, आप इसको पुराने वीडियोस का कंपाइलेशन है एक जगह में लाने के लिए मैंने दे दिया है, क्योंकि मुझसे लोग अलग अलग मैसेज करके पूछते रहते हैं कि वो वाला पार्ट कौन सा आ गया है। अभी तक 7 पार्ट आ चुके हैं, लेकिन लोगों को पता ही नहीं है, लोग समझ रहे हैं अभी तक 2 ही पार्ट आए हैं, इसीलिए मैं कंपाइलेशन लाया हूँ। अब इसी पार्ट के बाद इसको मैं पार्ट 1 कर रहा हूँ, इसीलिए इसका डिस्क्रिप्शन में भी नाम 1 लिख रहा हूँ। अब इसी पार्ट के बाद जो आगे आने वाले 4-5 पार्ट हैं, जैसे हमको पूरा अभी एक वीडियो आएगा आपको कल तक मिल जाएगा, मैं गवर्नमेंट स्कीम्स बना रहा हूँ एक्सेल शीट में, उसमें क्या एम होगा, देखिए मैं इसमें पूरा उसमें क्या एम होगा, किस मिनिस्ट्री के अंडर आएगी, और प्लस उससे रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं वो सभी उसमें बताएंगे, प्लस जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं वो हम लोग देख लेंगे, साइंस वाली जो कुछ न्यूज बची हुई है वो, प्लस इम्पोर्टेंट ऑपरेशंस जो कुछ बचे हुए हैं, और प्लस इम्पोर्टेंट समिट। ठीक है, बाकी ये पूरा हो चुका है, तो आप इसको कंटिन्यू करिए, पूरा कंपाइलेशन है, पहला पार्ट है ये। और आपका जो 18 फरवरी है आपका एमपीपीसीएस, उससे पहले पूरी आपको 1 जनवरी 2017 से लेके 31 जनवरी 2018 तक की करंट अफेयर मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो आरओ वाला एग्जाम आएगा वो 8 अप्रैल को है, तो उससे पहले आपको एक पार्ट इसी में और बढ़ा के दे देंगे, जो भी आपका जनवरी 2018, फरवरी 2018 और मार्च 2018 का बच जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर लिसनिंग, इसको आप कर लीजिए। और देखिए एक चीज और है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। देखिए ये टेलीग्राम ग्रुप है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का, ये फ्री वाला ग्रुप है, इसमें आपको पूरे जो भी वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ वो पब्लिश करता रहता हूँ। अब देखिए लक्ष्मीकांत की जो बुक है उसके भी हम लोग 60% कवर कर चुके हैं, लेकिन लोगों को पता ही नहीं रहते हैं, इसीलिए ये ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यूट्यूब में नोटिफिकेशन आता नहीं है, लेकिन यहाँ पे हर मैसेज का नोटिफिकेशन मिलता है, फोन में व्हाट्सएप की तरह होता है ये, इसको ज्वाइन कर लीजिए, ये है इसका एड्रेस। ठीक है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू, चलो आगे अब देखो पूरी कंपाइलेशन। फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐप गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं, ठीक है, जो भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐप किए हैं वो सभी पे डिस्कस करेंगे हम लोग। जैसे सबसे पहला इंपॉर्टेंट ऐप है गर्व ऐप। देखिए गर्व ऐप 2 बार किया था, एक बार गर्व 1 किया था, एक बार फिर गर्व 2 किया। बेसिक इसमें फोकस किस लिए किया था, ये कि जो ग्रामीण एरिया है उसमें इलेक्ट्रिफिकेशन का क्या स्टेटस है, तो उनकी निगरानी की जाएगी। तो देखिए पहले गर्व मोबाइल एप्लीकेशन किया गया था, वो पूरा बता रहा था कि रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कहाँ कहाँ हुआ है। देखिए वैसे गवर्नमेंट ने टारगेट लिया है 1 मई 2018 से पहले पूरे इंडिया में जितने भी बचे हुए जो गाँव है वहां पे इलेक्ट्रिफिकेशन करना, और उसमें ये था कि करीबन 15,000 गांव बचे थे, 15-18,000 गांव बचे थे। फिर ये गर्व जो 2 ऐप है ये लॉन्च किस लिए किया गया था, कि रियल टाइम डेटा मिल जाए, जितने भी 6 लाख जो विलेजेस हैं, जितने गांव हैं, सबका रियल टाइम डेटा मिल जाए। तो इसमें देखिए पीपल पार्टिसिपेशन को भी प्रमोट करता है गर्व 2 ऐप रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए। इसमें एक और चीज दी गई है कि एक सिटीजन इंगेजमेंट विंडो दी गई है, संवाद,
ठीक है। संवाद भी इसी से रिलेटेड है, घर वेब से। इसमें ये पूरा जो लोग हैं वो बता सकते हैं अपने फीडबैक कि कहाँ पे कितना इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है, या फिर उनका कोई सजेशन है अगर लोगों का, जो भी कंसर्न अथॉरिटीज हैं उनको इस एसएमएस और ईमेल के थ्रू ये लोग पहुंचा सकते हैं। तो घर वेब किससे रिलेटेड है? ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण की निगरानी की जाती है, ठीक है, कि इलेक्ट्रिफिकेशन का क्या स्टेटस है, ये आप याद रखिएगा। और कब तक पूरे इंडिया को इलेक्ट्रीफाई करना है? 1 मई 2018 तक। दूसरा ऐप है दिव्यांग सारथी ऐप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस का ऐप है ये, और सामाजिक न्याय और अधिकारिता इसको बोलते हैं हिंदी में। इसका बेसिक पर्पस क्या है कि इसके माध्यम से जो दिव्यांग जन है टोटल, उनको आसानी से जानकारी मिल सके। देखिए 2011 का जो सेंसस हुआ था उसके हिसाब से अगर आप देखेंगे, ये फैक्ट सब मैंने लिख रखे हैं यहाँ पे, कि करीबन इंडिया में 2.68 करोड़ जो लोग हैं वो दिव्यांग जन है, ठीक है। तो टोटल जितनी जैसे इंडिया की पॉपुलेशन है करीबन 130 करोड़ है, उसमें से करीबन 2.68% यानी कि 2.7% लोग जो हैं वो दिव्यांग हैं, ये वाली बात समझ लीजिएगा। और इसी ये टोटल आबादी का कितना है? 2.2% है टोटल इंडिया में, करीबन 2.2% जो लोग हैं वो दिव्यांग जन है। और उनको इनसे पहले भी एक ये स्कीम चालू की थी एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, उसी का ही एक पार्ट है समझ लीजिए। तो इसमें जो आईसीटी वाला वर्जन है कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कैसे इनको पहुंचाई जा सके, तो ये जो मोबाइल ऐप है ये किस लिए? दिव्यांग जनों को और ज्यादा एम्पावर करने के लिए, और ज्यादा सशक्त बनाने के लिए प्रेरित करेगा, ताकि उनको जो भी ये सूचनाएं सब एकदम बहुत ईजिली मिल सके। एक बटन दबाएंगे उनको पूरी योजनाएं कितनी चल रही है, कितनी स्कॉलरशिप चल रही है, या फिर और भी जितनी सब जो भी डेटा है वो सब उनको मिल जाएगा। और बेसिक इसका पर्पस क्या है कि जो ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस है, इनके जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं, जैसे बहुत सारे नियम आते रहते हैं, बहुत सारी दिशा निर्देश आते हैं, बहुत सारी योजनाएं आती हैं, या फिर रोजगार संबंधी कुछ अवसर हैं, तो उसके बारे में दिव्यांग जनों को बहुत अच्छी तरीके से फैसिलिटेट करना। तो देखिए ये याद रखिएगा, दिव्यांग सारथी ऐप पहली बात तो किस मिनिस्ट्री का? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस का है ये, दिव्यांग जनों को और ज्यादा एम्पावर करने के लिए। और दिव्यांग कितने हैं इंडिया में? करीबन 2.68%। तो ये कुछ फैक्ट आप याद रखिएगा, ठीक है। देखिए इस ऐप में ये भी जनरली जो ऐप से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं इंडिया में, इंडिया के जो एग्जाम्स हैं उसमें यही पूछते हैं कि किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, या फिर किस पर्पस के लिए। तो इंग्लिश में भी लिख दिया है यहाँ पे यही, कि जो ये जो ऐप है ये दिव्यांग सारथी ऐप, ये क्या करेगा, जितनी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है, जो भी ये डिपार्टमेंट है, ये इंपावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी कि दिव्यांग जन वाला जो इम्पोर्टेंट जो ये डिपार्टमेंट है, कौन कौन से ये एक्ट लाते हैं, कौन कौन से नए रूल्स रेगुलेशन गाइडलाइन सब कुछ ये बता देगा उनको। तीसरा ये एक है कि एक जन सुनवाई पोर्टल है, ये यूपी गवर्नमेंट ने किया था। देखिए ये काफी पुरानी न्यूज है वैसे, 2016 के एंड की है, लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट हो सकती है यूपी के एग्जाम्स जो आरओ के लिए, तो इम्पोर्टेंट हो ही सकती है। इसमें अगर लोगों को कोई समस्याएं हैं तो इसलिए शिकायत पोर्टल किया जाएगा, मीडिया पोर्टल किया जाएगा, आप घर बैठे ऑनलाइन इसमें समस्याएं जो भी हैं, कौन उसका ऑफिसर देख रहा है, उसने क्या क्या काम किया, उसका क्या स्टेटस है, सब कुछ सीएम ऑफिस तक पहुंचेगा। जन सुनवाई पोर्टल, क्वेश्चन ये आ सकता है कि जन सुनवाई पोर्टल ये किस स्टेट में किया गया है, तो ये यूपी गवर्नमेंट में किया गया है। फिर एक पीपल फर्स्ट करके स्कीम है, सॉरी ऐप है, ये आंध्र प्रदेश में किया गया है, ताकि उन लोगों को टोटल जो एक्चुअल एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसकी जानकारी देने के लिए कि क्या क्या होता है एडमिनिस्ट्रेशन में ये सब चीजें। तो क्वेश्चन आ सकता है कि पीपल फर्स्ट ये ऐप किस स्टेट गवर्नमेंट ने किया है? आंध्र प्रदेश ने किया है, ठीक है। फिर एक हरपत ऐप है ये किस स्टेट गवर्नमेंट ने किया है? हरियाणा ने किया है। हरियाणा में मतलब जो भी सड़कों का रिलेटेड जो भी प्रोग्राम चल रहे हैं, जो स्कीम चल रही है, तो वहां पे जो लोग हैं वहां के, वो लोग उस सड़कों की स्थिति के बारे में डायरेक्टली सरकार को जानकारी दे सकते हैं इस हरपत ऐप के जरिए, ठीक है। तो ये वाला जो ऐप है हरपत ऐप, ये किस स्टेट गवर्नमेंट का है? हरियाणा का है। और ये किस पर्पस के लिए है? कि लोग अगर सड़कों की कोई उनको समस्या लग रही है तो डायरेक्टली सरकार तक पहुंचा सकते हैं अपनी बात और अपना फीडबैक दे सकते हैं। तो ये वाली बात आप जरूर याद रखिएगा। फिर एक तरंग संचार ऐप है, ये किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो टेलीकॉम डिपार्टमेंट है उन्होंने किया है ये। देखिए जनरली लोगों को ये डर रहता है कि जो टेलीकॉम से बहुत सारी वेव्स निकलती हैं उसकी वजह से कैंसर हो जाता है, इसकी वजह से कई सारे, आपने देखा होगा न्यूज में भी कि कई सारे लोगों ने सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे कि ये जो इनके टावर है इनको हटाइए, आप इनकी वजह से कैंसर हो रहा है, और बहुत सारे टावर और हटाने भी पड़े थे। सुप्रीम कोर्ट ने इवन एक ये भी आदेश दिया था कि आप टावर हटाइए यहाँ से। और बहुत लोगों को इसी में कंफ्यूजन भी रहता है, एक WHO का सर्वे भी आया था हालांकि, और उन्होंने साइंटिफिकली सब फैक्ट वैक्ट देखे, तो ऐसा कोई मतलब ठोस ये चीज नहीं पाई गई कि इसी की जो तरंगे हैं, जो भी ये आपकी रेडिएशन है, उनकी वजह से कैंसर हो रहा है। तो ये इसीलिए तरंग संचार ऐप किया गया है। देखिए इसमें क्या है कि ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आएगा?
मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अंडर में आएगा। इसका जो डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन उसके अंडर में आएगा। इसमें आप पूरी अपनी लोकेशन बता के ईएमएफ ओवरव्यू ले सकते हैं, अपने आपके एरिया में जो भी टेलीकॉम टावर है उससे रिलेटेड कौन कौन सी रेडिएशन दे रहा है ये सब कुछ, ठीक है। तो मोबाइल टावर रेडिएशन बहुत ज्यादा चिंता का कारण है, इसीलिए ये किया गया है। और बेसिकली इसीलिए कि टेलीकॉम कंपनियों पर नजर रखने के लिए सरकार ने एक पूरा पोर्टल किया है, मतलब एक तरह से सिटीजन के लिए भी और मतलब टेलीकॉम कंपनियों का भी, क्योंकि अब देखिए अब वो लोग अगर टावर नहीं लगाएंगे तो कैसे उनका ये विस्तार होगा, कैसे वो डेवलप करेंगे। तो इतना सारा आजकल जैसे सब कुछ मोबाइल पे डिपेंडेंट है तो इसलिए टावर तो लगाने जरूरी है, वरना फिर कनेक्टिविटी कैसे आएगी। इसमें मेन ये जो लक्ष्य है ये है कि मोबाइल टावर से जो आने वाले रेडिएशन है उनके मतलब डर को कम करना है, मेन यही पर्पज है इसमें। कि अगर आपका अगर किसी को कोई समस्या है कि उनके टावर से जो रेडिएशन आ रही है उसकी वजह से वहां के लोगों को खतरा हो सकता है या फिर कुछ भी, तो आप इस तरंग संचार वेबसाइट पर जाइए, अपना नाम ईमेल आईडी सब कुछ दीजिए और ये आपको ईएमएफ पूरा सेफ्टी स्टेटस बता देगा, कौन कौन सी रेडिएशन है, क्या स्तर है, सब कुछ बता देगा। तो ये आप याद रखिएगा। उसके बाद एक कोल मित्र ऐप है जिसको कि एक वेब पोर्टल है ये, इसमें घरेलू जो कोयले हैं उसके यूज में और ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी लाने के लिए किया गया है, तो ये इससे रिलेटेड है। फिर एक इनाम प्रो प्लस ऐप है, देखिए एक इनाम प्रो ऐप था और एक इनाम प्रो प्लस ऐप है। देखिए इसमें डायरेक्टली यही पूछ सकते हैं कि किस चीज के लिए रिलेटेड है, तो ये वेब प्लेटफॉर्म है जिसमें की पूरी ट्रैकिंग हो जाएगी, कितना सेल हो रही है कंस्ट्रक्शन मटेरियल की और सर्विस रिलेटेड। तो ये वाला ऐप है ये जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे के अंडर में है ये, इन्होंने पहले एक इनाम प्रो किया था और एक फिर एक इनाम प्रो प्लस। तो ये बस ये आप याद रखिएगा किस चीज से रिलेटेड है, कि जो भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल है या सर्विस है उसका क्या सेल है, कैसे परचेज होगी, ये उसके लिए पूरा प्लेटफॉर्म है, पूरी उसकी इंफॉर्मेशन देगा। इनाम प्रो प्लस क्या है, ये एक अपग्रेडेड ऐप है इनाम प्रो का, ठीक है। तो ये वाली बात यहाँ पे याद रखिएगा। और ये जो ऐप है पहले इनाम प्रो को किसने ये डिजाइन किया था, इसने डिजाइन किया था एनएचआईडीसीएल ने, नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, और ये मिनिस्ट्री ने 2 साल पहले किया था। अभी इसका प्लस मतलब अपग्रेडेड वर्जन आ गया है, तो उस टाइम पे यही ये जो प्लेटफॉर्म था ये जो सीमेंट बायर थे सेलर थे उनको साथ मिलाने के लिए किया गया था। अब क्या है, अब जो भी इनका ये कंस्ट्रक्शन मटेरियल है सर्विस जो भी इनकी सर्विस है उसको कैसे कहाँ पे सेल करें कहाँ परचेज करें इससे रिलेटेड ऐप है ये इनाम प्रो प्लस। मेरिट ऐप मैंने आपको कल भी बताया था, ये वाली चीजें जो पहले पार्ट में पूरा इसको डिटेल में डिस्कस किया है कि ये किस मिनिस्ट्री का है, ये विद्युत मंत्रालय का है ये, और ये जो भी जितने स्टेट में बिजली जैसे उत्पादन हो रही है प्रोडक्शन हो रहा है उसका पूरा दिखाएंगे, डेटा दिखाएंगे किस स्टेट में कितना हो रहा है कहाँ पे कितनी कॉस्ट है। तो मतलब इसमें एक तरह से सिटीजन इम्पावर भी किया है कि वो आपस में एक दूसरे से कंपेयर कर सकेंगे, और दूसरा कंपटीशन भी आएगा तो मेरिट ऑर्डर को प्रदर्शित करेगा। पहले वाले पार्ट में पूरा मैंने दिखाया है इसमें सब कुछ। फिर नक्शे करके एक पोर्टल लॉन्च किया है, नक्शे करके जो पोर्टल है किस चीज से रिलेटेड है, ये पहली बार तो किया गया 250th जो एनिवर्सरी अभी हुई थी सर्वे ऑफ इंडिया की उसके अवसर पे किया गया है नक्शे पोर्टल, ठीक है। और ये किसका है, ये जो नक्शे पोर्टल है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस और प्लस अर्थ साइंस मिनिस्ट्री दोनों का मिला के ये नक्शे पोर्टल है ये, ठीक है। उसके बाद एक सुविधा ऐप है, देखिए एक सुविधा है सुगम है, ये कुछ ये इलेक्शन कमीशन के ऐप है। ये सुविधा ऐप में क्या होगा कि अगर जब जैसे जब इलेक्शन चलता है तो जो प्रचार वचार चलता है एडवर्टीजमेंट चलता है उस टाइम पे, तो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनको कुछ रैली करनी पड़ती है, कुछ सभाएं करनी पड़ती हैं, कुछ प्रोग्राम करने पड़ते हैं, तो उसके लिए देखिए अब वो लोग परमिशन मांगते हैं इलेक्शन कमीशन से, तो उसमें फिर टाइम वाइम लग जाता है, कई बार ये टाइम लॉस हो जाता है उनका, तो इसीलिए ऐप के थ्रू अब ये सब होगा, ठीक है। तो जो भी अगर किसी पार्टी को कोई रैली करनी है, कोई सभा करनी है, कोई प्रोग्राम करना है, तो ये इलेक्शन कमीशन से ऐप के थ्रू करेंगी ये रिक्वेस्ट, और ये ऑनलाइन सुविधा ये है दी जाएगी, तो इसीलिए इसका नाम है सुविधा, ठीक है। तो ये पूरा चुनाव प्रचार से संबंधित जितने भी कार्यक्रम है उनकी परमिशन लेने के लिए ऑनलाइन ये सब होगा इसमें, ठीक है। फिर एक सुगम ऐप है, सुगम ऐप भी ये किस लिए है, सुगम ऐप में ये मतलब है कि जो भी जैसे जब चुनाव चल रहा है तो जो कई सारे वाहन लिए जाते हैं मतलब व्हीकल लिए जाते हैं, तो उन सरकारी भी होते हैं और किराए पे भी लिए जाते हैं, तो उनके लिए भी मतलब जैसे अगर मान लीजिए किसी को कन्विंसिंग करनी है कुछ प्रचार करना है तो उसके लिए बहुत सारे लोग जैसे गाड़ियों का तो यूज करते ही है, उसके लिए भी चुनाव के टाइम पे काफी सारी मंजूरी लेनी पड़ती हैं, काफी सारे अप्रूवल लेने पड़ते हैं, तो उसके लिए पूरा ये किया गया सुगम ऐप। मतलब आने वाले जो चुनाव होंगे अभी इलेक्शन जितने भी आने वाले हैं जिस जिस स्टेट में वहां पे अब इलेक्शन कमीशन पूरी तरह से डिजिटाइज्ड हो रहा है, ठीक है। सुविधा ऐप में क्या है कि किसी को रैली वैली कुछ करनी है तो वहां से परमिशन मिल गई, सुगम ऐप में क्या है कि अगर मान लीजिए कोई गाड़ी वाड़ी आपको यूज करनी है सरकारी या फिर किसी कोई प्राइवेट, तो वो आपको यहाँ से सब मिल जाएगा परमिशन, और उसके जरिए फिर मतलब किराए का भी भुगतान आप कर देंगे, और प्लस एक तरह से नजर भी रखेगी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया,
उसके बाद एक और है ये समाधान ऐप। समाधान ऐप ये भी किसका है, ये भी इलेक्शन कमीशन का ही है। तीन ऐप है ये, सुविधा, सुगम और समाधान। समाधान में क्या है कि मान लीजिए कोई मतदाता है, कोई वोटर है या फिर कोई कैंडिडेट है, उनको कोई और समस्या है, किसी तरह की कोई शिकायत है, तो वो समाधान ऐप में आप उनको मतलब कॉन्टेक्ट करेंगे इलेक्शन कमीशन को, तो वो तुरंत वहां पे सॉल्व कर दिया जाएगी। तो कुल मिला के ऑनलाइन का ये प्रचार प्रसार हो रहा है, डिजिटाइज हो रहा है कुल मिला के आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। फिर एक हमराज ऐप है। हमराज ऐप क्या है, ये इंडियन आर्मी ने किया है। इंडियन आर्मी ने ये हमराज ऐप किया है, किसके लिए किया है, जो भी जवान होते हैं मतलब उनकी कहाँ पे ट्रांसफर होगा, कहाँ पे उनका प्रमोशन होगा, कहाँ कहाँ तैनाती होगी, और प्लस उनकी मान लीजिए कोई जैसे पिछले मंथ की कोई सैलरी स्लिप है, वो सब चीजें ये देख सकते हैं। ये देखिए गूगल प्ले स्टोर में नहीं मिल रहा है, इसके लिए आपको अगर हमराज ऐप मतलब देखिए ये जितने भी ऐप मैं बता रहा हूँ आप चाहें तो एक बार सर्च करके देख भी लीजिएगा, तो थोड़ा एक बार उसको देख लेंगे तो थोड़ा याद रह जाएगा कि किस चीज से रिलेटेड है। तो हमराज ऐप किससे रिलेटेड है, ये जो भारतीय सेना में इंडियन आर्मी में जो भी सैनिक है उनसे रिलेटेड है, जितने भी सैनिक हैं उनकी तैनाती कहां पे होगी, उनकी पदोन्नति कैसे होगी, सब कुछ उनको मिल जाएगा जितनी भी डिटेल्स है। अब इसके लिए आधार आधार मांगेंगे क्योंकि सिक्योरिटी पर्पस है, ऑब्वियस सी बात है। और इसके जरिए जैसे उनको कितना मासिक वेतन मिलता है, उसके पर्चे प्लस फॉर्म 16 सब कुछ देख सकते हैं, इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो ये भी फैसिलिटेट कर रहा है हमराज ऐप किसको, इंडियन आर्मी के सोल्जर्स को, जेएसयू रैंक से ऊपर वालों को, ठीक है। जेएसयू रैंक से ये आप देख सकते हैं इसमें, ठीक है। अब उसके बाद है ये दीक्षा ऐप है, ये दीक्षा एक पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसमें कुल मिला के देखिए ये 5 सितंबर 2017 को किया था, जब टीचर्स डे होता है जिस दिन, उसमें ये किया गया था कि टीचर्स को भी थोड़ा सा डिजिटल करने के लिए किया गया था कि देश के जितने भी टीचर हैं उनको मॉडर्न डिजिटल जो टेक्नोलॉजी है उनको इसका मतलब देखिए उनका क्या किया जाएगा, उनका प्रोफाइल बनाया जाएगा, वो जब स्टूडेंट थे उनके बारे में सब कुछ लिखा जाएगा। तो कुल मिला के इसमें क्या है कि दीक्षा ऐप किससे रिलेटेड है, ये जो टीचर्स हैं उनको डिजिटल की तरफ भेजना, उनको भी मतलब टेक्नोलॉजी का यूज करना सिखाया जाएगा, उनका प्रोफाइल बनाया जाएगा। और ये किसकी पहल है, ये मिनिस्ट्री ऑफ ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री की है ये, मानव संसाधन विकास मंत्रालय की पहल है ये। और इसमें क्या है, शिक्षकों की पूरी जीवन शैली लिखी जाएगी, लाइफ स्टाइल लिखी जाएगी, और ज्यादा डिजिटल बनाया जाएगा, उनको एक डिजिटल मंच टाइप का प्रोवाइड कराया जाएगा। जैसे मतलब आप मान लीजिए जैसे फेसबुक, फेसबुक जितनी भी सोशल नेटवर्किंग है, तो उसी टाइप का ये दीक्षा पोर्टल है। ये बेसिकली किसके फोकस कर रहा है, जो टीचर्स हैं उनके लिए। इसमें एक टैग लाइन भी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकते हैं आपसे एग्जाम में, नेशनल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर आवर टीचर, ठीक है। तो ये इसके साथ ये लॉन्च किया गया है दीक्षा पोर्टल। अब देखिए किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मैंने आपको बता दिया एचआरडी मिनिस्ट्री के अंदर, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंडर आता है ये पूरा। इसमें उनका जीवन काल पूरा, जब वो स्टूडेंट थे, फिर वो जब वो मान लीजिए किसी भी स्कूल में आए, रजिस्टर किया उन्होंने, उसके बाद रिटायर हुए, तो सब कुछ उनका डिटेल रहेगा। और शिक्षकों को मतलब कुल मिला के इसमें यही है कि और भी सभी से ये मूल्यांकन से संबंधित संसाधन होंगे, तो उनका मतलब एक तरह से डिजिटाइजेशन कर रहा है कि वो लोग को भी प्रमोट किया जा रहा है कि आप भी डिजिटल को प्रमोट करो और आप भी यूज करो, ठीक है। फिर ये उमंग ऐप बहुत इंपॉर्टेंट है। उमंग ऐप में क्या है, देखिए जो भी सेंट्रल की है प्लस स्टेट की और प्लस इवन यहाँ तक की जो लोकल बॉडीज होती हैं, लोकल बॉडीज कौन कौन सी हो गई, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस जो होंगे आपके रूरल एरियाज में, और म्यूनिसिपलिटीज जो आपकी हो जाएंगी कहाँ पे, अर्बन एरियाज में। ये सब के बारे में मैं दो वीडियो बना चुका हूँ। देखिए पंचायती राज के लिए क्या हुआ था, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1992 में, और जो कि इम्प्लीमेंट किस दिन हुआ था, 24 अप्रैल 1993 को। और जो म्यूनिसिपलिटी वाला एक्ट हुआ था वो किस, वो उसके लिए कौन सा रिलेटेड है, 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था। दोनों पे पूरा डिटेल में मैं वीडियो बना चुका हूँ, यूट्यूब में ही पड़ा हुआ है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। और पूरा सब कुछ जो लक्ष्मीकांत पॉलिटी वाला चैप्टर है, ये दोनों पूरा डिटेल हो चुकी है। लक्ष्मीकांत पॉलिटी मतलब काफी कुछ कवर कर चुके हैं, 40-50% कवर कर चुके हैं। कल होगा इसमें वाइस प्रेसिडेंट का, तो आप लोग जरूर आ जाइएगा, ठीक है। तो ये उमंग ऐप के बारे में बता रहा था, इसमें जितनी भी ई सरकारी ई सेवाएं हैं मतलब सब कुछ आपको एक ही जगह पे मिल जाएगा उमंग ऐप में। इसका नाम ही इसीलिए क्या है, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, ठीक है। तो ये ई गवर्नेंस की दिशा में एक कदम है, और इस ऐप से लोगों को सरकारी जितनी भी सेवाएं एक ही प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगी, ठीक है। सब कुछ मिल जाएगा, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम है, स्टेट गवर्नमेंट की जो स्कीम है, और प्लस जो ये लोकल गवर्नमेंट की स्कीम है, सब कुछ यूनिफाइड तरीके से हम उमंग ऐप में मिल जाएंगी, न्यू एज गवर्नेंस, ठीक है। तो ये मतलब इसका फुल फॉर्म ही यही है, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। इसमें आपको पूरा
आधार हो गया, डिजी लॉकर हो गया जिसमें आप डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट रख सकते हैं, प्लस भारत बिल पेमेंट सिस्टम हो गया, ठीक है, सब सुविधाएं यहाँ पे मौजूद हैं। और इसमें अगर आप ऑफिशियल डॉक्यूमेंट देखेंगे तो इसमें यह भी है कि जितनी भी टोटल ये केंद्र सरकार की राज्य सरकार की जो टोटल 1200 से ज्यादा सुविधाएं हैं, तो इनको एक ही जगह पे आप कहाँ यूज कर सकते हैं, उमंग ऐप में। इसमें इवन आपका ये भी है कि आप यूटिलिटी पेमेंट को भी यूज कर सकते हैं, इवन आप यहाँ पे पैन के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, प्रोविडेंट फंड को एक्सेस कर सकते हैं, किसी को जॉब वॉब ढूंढनी है तो उसके लिए भी यहाँ पे रजिस्टर किया जा सकता है। तो सबके लिए मतलब कुल मिला के यूनिफाइड है ये सर्विस। पासपोर्ट सेवा का भी यहाँ पे रहेगा, नेशनल पेंशन स्कीम का भी रहेगा, फसल इंश्योरेंस का भी रहेगा, ई पाठशाला का भी रहेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना का भी रहेगा, और जितनी भी सेवाएं चल रही हैं, जितनी सर्विसेज चल रही हैं, सबका एक ही ऐप है ये उमंग ऐप। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इससे रिलेटेड, ठीक है। फिर एक देखिए, ये ऐप है ये बंधन तोड़, ये क्या है, ये कहां का है, ये बिहार स्टेट गवर्नमेंट का है, बिहार सरकार का है, ये सरकार यहाँ पे ऐसे लिख गया है। एक्चुअली जो मैं ये हिंदी लिखने के लिए यूज करता हूँ उसकी प्रॉब्लम है शायद थोड़ी, बिहार सरकार है ये, ठीक है। बंधन तोड़ ऐप है जो, ये किस लिए बनाया गया है, ये पहली बात तो देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि ये किसका है, ये बिहार सरकार का है। और ये किस चीज के लिए, कि लोगों को किस चीज के लिए जागरूक करना है, कि बाल विवाह ना करें, दहेज प्रथा को रोकें, और लैंगिक जो असमानता होती है, जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए। तो इन सभी चीजों को रोकने के लिए, इन सभी चीजों के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए बंधन तोड़ ऐप किया है बिहार सरकार ने, वहां पे बहुत जरूरत भी थी हालांकि, और भी जरूरत है वैसे, झारखंड में भी जरूरत है, यूपी में भी जरूरत है, एमपी में भी जरूरत है, ऐसी चीजें जो हैं जैसे कि जेंडर इनइक्वलिटी, दहेज वाली जो समस्या है, ये सब, ये जो जितने भी बीमारू स्टेट हो गए, नॉर्थ इंडिया के स्टेट हो गए, यहाँ पे बहुत ज्यादा लेवल पे है एक्चुअली। फिर देखिए ये एक ऐप है पेंसिल ऐप, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऐप है ये। इसका देखिए फुल फॉर्म क्या है, प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर। मतलब कुल मिला के इसमें बेसिक एम क्या है कि चाइल्ड लेबर को रोकना है, 14 साल से जो कम बच्चे हैं उनको कहीं भी रोजगार नहीं करने देना है, बस उस वो इसका एम है। ये किस मिनिस्ट्री ने किया है, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने किया है ये, ठीक है। तो ये पेंसिल ऐप है, ये देखिए पेंसिल वैसे नाम से तो नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन इसमें आप ये जरूर याद रखिएगा पेंसिल ऐप किसका है, ये श्रम और रोजगार मंत्रालय का है, इलेक्ट्रॉनिक पूरा प्लेटफॉर्म है ये, और चाइल्ड लेबर को पूरी तरह से समाप्त करना इसका मेन एम है। इसका मेन काम क्या है कि जो केंद्र और राज्य सरकारें हैं, जिला स्तरीय जो भी प्रशासन है, सिविल सोसाइटी और आम जितने भी लोग हैं, सबको शामिल करते हुए आपको चाइल्ड लेबर से मतलब चाइल्ड लेबर को समाज से हटाना है, उसी वही उसका मेन लक्ष्य है। इसके और इसके बहुत सारे देखिए ये सब घटक भी हैं कि चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम रहेगा इसमें, शिकायत आप दर्ज कर सकते हैं, राज्य सरकार का ऑप्शन रहेगा, राष्ट्रीय बाल श्रम योजना रहेगा, परस्पर सहयोग, और ये सब कुछ देखिए इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक स्कीम ये सॉरी ये एक्ट ये स्टार्ट किया था 1 सितंबर 2016 से लागू किया था। अब इसमें यही था, इसमें संशोधन में कहा गया था कि देखिए 14 साल से जो कम के बच्चे हैं उनको रोजगार तो मिलना ही, मतलब उनको तो रोजगार में लगने ही नहीं देना है, ठीक है। तो इसका मेन वही एम क्या है कि जितने भी बच्चे हैं उनको मुक्त कराना यहां से, और उनको फिर से रिहेबिलिटेट करना, और उनको मेन स्ट्रीम में लाना। इससे पहले देखिए एक और भी चीज है, ऑपरेशन मुस्कान, ये किससे से रिलेटेड आप बताइएगा जरा। ये देखिए खोया पाया जो बच्चे टाइप के होते हैं, उसके अलावा पोर्टल जो होता है उसी टाइप से रिलेटेड है ऑपरेशन मुस्कान। एक बार रेलवे ने भी चलाया था और 2-3 बार चलाया जा चुका है कि जो भी मिसिंग बच्चे हैं उनको आपको ढूंढना। तो ऑपरेशन मुस्कान किसके लिए, ये आप याद रखिएगा। और देखिए जो पेंसिल ऐप है इसके लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर है उसने स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर भी पूरा बना रखा है, ठीक है। उसके बाद फिर ये प्लान प्लस ऐप है, ये क्या है, ये ई पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट है। फिर देखिए एक है ताम्र, ताम्र ऐप है, TAMRA है ये, ठीक है, ताम्र ऐप, ताम्र पोर्टल है ये। ये किस चीज के लिए किया गया है, ताकि जो माइनिंग जब जगह माइनिंग के लिए ऑक्शन किया जाता है तो उसमें और ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपेरेंसी लाई जा सके। तो इसीलिए मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने ये किया है ऐप, इसका नाम क्या है, ताम्र पोर्टल है ये, ताम्र पोर्टल और मोबाइल ऐप है ये। इंश्योर क्या करेगा कि ट्रांसपेरेंट सिस्टम रहे, जो स्टेटूटरी क्लियरेंस मिलना है माइनिंग ऑपरेशन के लिए। देखिए जब जब भी माइनिंग के लिए कोई ऑक्शन करा जाता है तो उसमें बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं, एक सरकार से क्लियर होना होता है, फिर किसी सरकार से नहीं सॉरी एक डिपार्टमेंट से क्लियर होना होता है, फिर कोई दूसरा डिपार्टमेंट, तो बहुत सारी चीजें इसमें होती हैं। तो ये बेसिकली किस लिए किया गया कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट किया जा सके, कि किसी को अगर ये माइनिंग करनी है तो
मतलब ऐसा नहीं कि ऑफिसर ऑफिसों जो जितने ऑफिस हैं या फिर दफ्तर उन्हीं के चक्कर काटता फिर रहा है, इसीलिए किया गया है ताकि फैसिलिटेट किया जा सके। क्या है देखिए लिखा हुआ है, टू इंश्योर ट्रांसपेरेंट अवार्ड ऑफ स्टेटूटरी क्लियरेंस। जो भी स्टेटूटरी क्लियरेंस लेना है माइनिंग ऑपरेशन के लिए वो सब मिल जाएगा आपको ताम्रैप से। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे ज्यादा से ज्यादा माइनिंग हो सकेगी। और ये कहाँ पे किया गया है, साइमल्टेनियसली 12 जो मिनरल रिच स्टेट है उनमें एक साथ ये प्रमोट किया गया है। ठीक है, देखिए जो भी आप लोग के कमेंट हैं प्लीज अभी रुक जाइए, थोड़ी देर में ये लास्ट में शायद आज मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा, कल ही हो पाएगा ये, क्योंकि आज थोड़ा सा जल्दी में हूं मैं और मतलब काफी काम है, काफी पेंडिंग काम है एक्चुअली। तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं बाद में कमेंट में आंसर दे दूंगा उसका। ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए प्रमोट करेगा और ये इंटरेक्टिव प्लेटफॉर्म है ताकि जो माइनिंग एक्टिविटी है वो स्पीड अप हो सके और ज्यादा माइनिंग हो सके। स्टेटूटरी क्लियरेंस मिल जाएगा तो फिर जल्दी जल्दी माइनिंग हो जाएगी, तो माइनिंग को फैसिलिटेट करेगा ये ताम्र ऐप, ये आप याद रखिएगा। फिर दीप पोर्टल है, इसका फुल फॉर्म क्या है, डिस्कवरी ऑफ इफिशियंट इलेक्ट्रिसिटी प्राइस। ये किस मिनिस्ट्री का है, ये विद्युत मंत्रालय का, ये ई नीलामी पोर्टल है ये। ठीक है, इसके माध्यम से मीडियम टर्म में जो भी आपको इलेक्ट्रिसिटी खरीदनी है वो सब की जा सकेगी। तो दीप पोर्टल आप याद रखिएगा किस चीज के लिए है। फिर तरंग भी एक विद्युत मंत्रालय का पोर्टल है ये, और इसमें जितनी भी ट्रांसमिशन परियोजनाएं हैं उस पर नजर रखी जा सकेगी। देखिए ये एग्जैक्टली यही चीज याद रखिएगा कि तरंग तरंग जो है वो किस चीज से रिलेटेड है, ये किससे रिलेटेड है, ट्रांसमिशन की जो परियोजना है उस पर नजर रखने के लिए है। ठीक है, एक प्रिया सॉफ्ट ऐप है, ये क्या है, ये पंचायती राज संस्थान लेखा सॉफ्टवेयर है और ई पंचायत मिशन मोड के तहत ही लॉन्च किया गया है। ठीक है, राजस्थान में किया गया है, राजस्थान के जितने भी अस्पताल है वहां पे उपकरण में जो भी भंडारण समस्या मतलब भंडारण के मैनेजमेंट में जो जो समस्या है उनको सबको निगरानी करने के लिए। फिर एक ई सनद ऐप है, ये देखिए पहले किया गया था कि जो स्टूडेंट को हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना पड़ता था तो उनको बहुत सारे डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट के लिए अटेस्टेशन कराना पड़ता था। तो पहले तो ये जो ई सनद ऐप है ये किसके लिए किया जाता था, स्टूडेंट के लिए, कि उनका डिजिटल अटेस्टेशन हो जाए जल्दी से जल्दी ताकि उनको फालतू में इतनी प्रॉब्लम ना हो। लेकिन फिर उसको जितने भी इंडिया से जो लोग बाहर जाते हैं उन सब के लिए जो भी डॉक्यूमेंट का अटेस्टेशन होता है वो सभी किससे किया जाएगा, ई सनद से। तो डिजिटल अटेस्टेशन हो जाएगा पूरे डॉक्यूमेंट्स का, ये वाली इस चीज के लिए किया गया है। मतलब कि अगर आपको बाहर जाना है तो उसके लिए भी प्रोसेस होती है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट जमा करने हैं, बहुत सारे अटेस्ट करवाने होते हैं, तो वो जितनी भी प्रोसेस है डॉक्यूमेंट के अटेस्टेशन की या फिर कुछ आपको और, अब देखिए अगर आप बाहर जाना है और उसमें इतने सारे अटेस्टेशन है तो आप एक दफ्तर जाओगे फिर दूसरे दफ्तर जाओगे, पहले बहुत समस्या होती थी। डिजिटल इकोनॉमी में यही सब चीजें फायदा है कि सब कुछ बिल्कुल एक ऐप में ही हो जा रहा है, सब कुछ बहुत ज्यादा जल्दी हो जा रहा है, तो लोग जल्दी से जा सकते हैं। तो इनको ये जो ऑफिस जाना पड़ता था इस पर्पस के लिए वो सब समस्याएं इससे दूर हो जाएंगी। ई सनद, ई सनद याद रखिएगा। ये किस किस मिनिस्ट्री का ये इनिशिएटिव है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का ये इनिशिएटिव है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, और इसमें जो डेटा है वो कहां से लिया जाएगा, परिणाम मंजूषा से, उसमें जो भी मार्कशीट होती है माइग्रेशन सर्टिफिकेट होते हैं। तो ये देखिए अब जैसे डिजी लॉकर भी किया गया है इसीलिए कि जो भी आपके मतलब डॉक्यूमेंट हैं जो मार्कशीट हैं उसको आप यहाँ पर रख सकते हैं और इस डिजी लॉकर से डायरेक्टली कहीं भी एक्सेस हो सकता है। तो अब हर जगह मतलब ऐसे जो पोथी पोथा लेके जाते थे पूरी मार्कशीट का एक पूरी फाइल बनानी पड़ती थी, वो अब आजकल थोड़े दिन में मतलब जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी किसी भी जॉब वॉब के लिए जाना है। तो ई सनद किसका है, ये ऐप है मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का, किसी को बाहर जाना है कोई डॉक्यूमेंट अटेस्ट कराने हैं तो आप ई सनद से करा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया ये आज का पूरा। और ये देखिए ये मैंने कुछ ये टॉप 50 वाला जो करंट अफेयर था वो मैंने किया था, वो भी कर लेते हैं जल्दी से क्योंकि अब ये वाली जो है ये करंट अफेयर की सीरीज है तो मैं चाह रहा हूं कि जो ये वाली सीरीज है इसमें सब कुछ हो जाए, इसमें पूरा डिटेल्ड में भी पूरी करंट अफेयर आपको मिल जाए और प्लस वन लाइनर वाली भी हो जाए। तो वन लाइनर के लिए ये देख लेते हैं। देखिए एक समीप प्रोग्राम है, समीप प्रोग्राम किसका है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का ये, ताकि जिन लोगों को डिप्लोमेसी में इंटरेस्ट है वहां तक पहुंचाई जा सके, ये मतलब उन डिप्लोमेसी को और ज्यादा प्रमोट किया जा सके, स्टूडेंट जो लोग इंटरेस्ट लेते हैं उनको बताया जा सके कि डिप्लोमेसी होती क्या है। तो जो भी इनके ये जो मिनिस्टर के ऑफिसर जो भी इस मिनिस्ट्री है ये एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री, इसके ऑफिसर होंगे अंडर सेक्रेटरी होंगे वो सब प्रमोट करेंगे, जब भी घर जाएंगे या फिर जहां भी जाएंगे वो इंगेज करेंगे स्टूडेंट के साथ डिप्लोमेसी को प्रमोट करने के लिए। और जो लोग डिप्लोमेसी को एज ए करियर ऑप्शन देखते हैं उनको और ज्यादा इंटरेस्ट को डेवलप करने में मदद करेंगे। समीप का मतलब क्या है, स्टूडेंट फॉर एमईए एंगेजमेंट प्रोग्राम। ठीक है, उसके बाद जीएसटी रोल आउट कब हुआ था, 17 साल के बाद हुआ है, 1 जुलाई 2017 से इंप्लीमेंट हुआ है। टैक्स स्लैब आप बता दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ चुका है एग्जाम में, फिर आएगा। रामनाथ कोविंद जी जो है 14 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है और सेकेंड दलित है के आर नारायण के बाद, इनको वोट दिलाई किसने थी, जे एस खेर ने
उसके बाद जो वेंकैया नायडू हैं 13 वाइस प्रेसिडेंट हैं, उसके बाद इनको ओथ दिलाई थी किसने, रामनाथ कोविंद जी ने। निर्मला सीतारमण जो है इंडिया की फर्स्ट फुल टाइम है ये वुमेन डिफेंस मिनिस्टर, ठीक है। और पहली जो वैसे डिफेंस मिनिस्टर कौन थी वो आप बता दीजिएगा कमेंट करके। राजीव कुमार अब नए बन गए हैं वाइस चेयरमैन है नीति आयोग के। देखिए वाइस चेयरमैन की जो पोस्ट होती है वो उसकी रैंक कैबिनेट मिनिस्टर के इक्विवेलेंट होती है। नीति आयोग कब कॉन्स्टिट्यूट किया गया ये तो आप जानते ही होंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। कुछ जैसे दो तीन स्टेटमेंट देते हैं उनमें से एक स्टेटमेंट दे सकते हैं ये। दीपक मिश्रा इस समय है 45th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कौन इनकी ओथ को एडमिनिस्टर करता है और किस एज तक कोई भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन सकता है। उसके बाद के वेणुगोपाल जो है वो अटॉर्नी जनरल है। और ये बताइए कि इनमें से अगर मान लीजिए अगर एडवाइस देगा पहले, ये देखिए ये यहाँ पे क्वेश्चन इसलिए लिखा है कि पहले क्या होता है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अगर कोई लीगल एडवाइस देनी होती है तो उसके लिए तो ऐसे ही मिनिस्ट्री ऑफ लॉ है, ठीक है। लेकिन अगर ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ की भी नहीं, अगर मतलब उनके पास भी नहीं एडवाइस होती तब होता है, तब देता है अटॉर्नी जनरल। तो पहली प्रेफरेंस किसको मिलती है, मिनिस्ट्री ऑफ लॉ को। उसके बाद देखिए मिस वर्ल्ड 2017 ये मानुषी छिल्लर जीती थी 17 साल के बाद। इसके बारे में पूरा मैं बता चुका हूँ वैसे। और ये जो मिस वर्ल्ड वाली प्रतियोगिता है 67th एडिशन था, सानिया चाइना में हुई थी ये। उसके बाद 15 फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूट कर दिया गया है एनके सिंह। देखिए फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 280 के तहत, ठीक है। और इसकी जो भी रिकमेंडेशन होंगी कब से जारी होंगी वो आप बताइएगा। उसके बाद ये थेरेसा मे है, सेकंड पीएम है इस समय इंग्लैंड की। 2017 की न्यूज चल रही है क्योंकि इसलिए सब कुछ इसमें ले रहे हैं, किस पार्टी की है ये बताइएगा। और पहली लेडी पीएम कौन थी इंग्लैंड की ये भी आप बता दीजिएगा। फ्रांस के प्रेसिडेंट का नाम, ये देखिए नाम तो ये जनरली जैसे आरओ जैसे एग्जाम में आ सकता है, आरओ प्लस जो एसआई एग्जाम है पुलिस एग्जाम है इसमें ये पूछा सकता है। तो ये नाम और प्रेसिडेंट का और प्राइम मिनिस्टर का नाम आप देख लीजिए एक बार। उसके बाद सेवन पे कमीशन की जो रिकमेंडेशन है 1 जुलाई 2017 से इंप्लीमेंट होंगी, ठीक है। ये वाली हो गई। अब चलिए ये वाला वैसे मैं बना चुका हूँ। अब ये आज कोई बहुत ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बना पाया मैं, क्योंकि एक्चुअली मैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए पहले सोच रहा था और फिर वो पूरा नहीं हो पाया, तो इसीलिए फिर मैंने सोचा कि करंट अफेयर कर लेते हैं कल। लेकिन आप लोग को वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का जो भी पूरा इंडियन पॉलिटी बाई लक्ष्मीकांत है पूरा एक एक चीज समझा दूंगा मैं, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का समझाया था कल आपको 1 घंटे 46 मिनट का, वो कैसा लगा था आप बता दीजिएगा कमेंट करके। क्योंकि ऐसे अगर मैं डेली जैसे लाइव आऊंगा, और देखिए एक बात और समझिए कि 9:40 के आसपास डेली में लाइव आता हूँ। देखो इसमें करंट अफेयर की गवर्नमेंट ने अभी एक लॉन्च करने जा रही है 116 शहरों के लिए, एक आपका इंडेक्स करने जा रही है सिटी लाइवली लाइव, ये इंडेक्स है ये, ठीक है। तो जीवन की गुणवत्ता पर आधारित है ये। अब देखिए इसमें जो इम्पोर्टेंट चीजें वो सभी चीजें हमको याद करने की जरूरत है। सबसे पहली बात तो ये है कि इस 79 पैरामीटर पे बेस्ड है ये, इसमें कैपिटल सिटीज को भी इंक्लूड किया जाएगा। टोटल 116 सिटीज इसमें कवर की जाएंगी। इसमें सब कुछ देखा जाएगा कि कितनी अवेलेबिलिटी है रोड की, कैसी एजुकेशन का स्टेटस है, कैसे हेल्थ केयर है, कैसे मोबिलिटी है, क्या क्या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है, इमरजेंसी रिस्पॉन्स कैसा है, ग्रीवेंस रिडेसल कैसा है, पॉल्यूशन लेवल क्या है, सब कुछ देखा जाएगा। ये रैंकिंग जो है जून 2018 में स्टार्ट की जाएगी और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आएगी, MoHUA मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। तो ये वाली बात आप याद रखिएगा। अभी देखिए इस मिनिस्ट्री ने 500 करोड़ रुपए का इंसेंटिव भी दिया था 16 स्टेट को, और उसमें ये सब चीजें देखी थी कि क्या क्या रिफॉर्म्स हुए हैं, कैसे कैसे ई गवर्नेंस इन्होंने अपनाया है, क्या क्या ऑडिट हुआ है, क्या क्या इनकी टैक्स रिविजन पॉलिसीज है, ये सब कुछ मिला के आंध्र प्रदेश ने इस लिस्ट को टॉप किया था, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट वाली बातें हैं वो सब मैं बता रहा हूं इसमें, कि जो सिटी लाइवलीहुड लाइवलिटी इंडेक्स है ये 116 शहरों के लिए होगा ये स्टार्ट, और ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर आएगा। जून 2018 में इसकी रैंकिंग आएगी। 79 इसके फैक्टर्स हैं, सब कुछ इसमें देखा जाएगा। और जो इनका ये इंसेंटिव मिला था हाईएस्ट किसको मिला था, आंध्र प्रदेश को। क्वेश्चन बस यहीं से आ सकता है, ठीक है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। उसके बाद देखिए सेकेंड जो इसमें करंट अफेयर है कि पूरे इंडिया में सबसे पहली म्यूनिसिपैलिटी कौन सी बन गई है जिसने की अभी मनी रेज की है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, ठीक है। तो वो कौन सा बन गया है, पुणे की जो म्यूनिसिपैलिटी है वो बन गई है पहली सिविक बॉडी पूरी मतलब इंडिया में जिसने की बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में मनी रेज की है। तो ये वाली बात है, जैसे मैंने आपको म्यूनिसिपैलिटी वाला चैप्टर भी पढ़ाया था उसमें बताई थी चीजें कि 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था आपका 1992 में। दो क्वेश्चन है आपके लिए कि पहली बात तो ये कि जो 74th वाला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था वो किस डेट को इंप्लीमेंट हुआ था और ये किस पीएम के टाइम पे हुआ था, ये दो क्वेश्चन आप बताइएगा कमेंट करके।
अब इसमें देखिए ये है कि 200 करोड़ रुपए का इनका ये टारगेट था म्युनिसिपैलिटी बॉडी का, लेकिन ये 6 टाइम ये ओवर सब्सक्राइब हुई है, 1200 करोड़ से भी ज्यादा इसने रेज किए कुल मिला के। 14 साल बाद फिर से म्युनिसिपल बॉन्ड आ गए हैं। तो ये म्युनिसिपैलिटी देखिए, इससे ये भी सब चीजें क्लियर होती है कि म्युनिसिपल जो होती बॉडीज होती है उनको फाइनेंस कहाँ कहाँ से मिलता है। जब हम लोगों ने ये म्युनिसिपैलिटी वाला पूरा चैप्टर देखा था, ये आपका इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत का, तो 5 सोर्सेज देखे थे कि पहली बात तो इनको टैक्स ये स्टेट गवर्नमेंट ऑथोराइज कर सकती है, या फिर इनको कोई अपना टैक्स असाइन कर सकती है, या फिर इनको ग्रांट इन एड मिल सकती है, या फिर ये म्युनिसिपल बॉन्ड जारी कर सकती है, ये भी मैंने आपको बताया था, और या फिर लोन ले सकती है। किससे लेंगी? स्टेट गवर्नमेंट से। तो ये वाली बात यहाँ पे समझ लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है, रिलायंस जियो इन्फोकॉम, जो कि रिलायंस की ही एक सब्सिडरी है, इसने लॉन्च किया है एशिया अफ्रीका यूरोप सब मरीन केबल सिस्टम। देखिए ऑब्वियस सी बात है, जियो इतना ज्यादा चल रहा है, उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है, तो उसके लिए टेलीकॉम कनेक्टिविटी की जरूरत बहुत ज्यादा है। टेलीकम्युनिकेशन मतलब ये लॉन्गेस्ट है, ये 100 Gbps की देगी, गीगाबाइट पर सेकंड की है ये टोटल मिला के, 25,000 किलोमीटर की है टोटल ये, और ये फ्रांस से लेके हांगकांग तक है ये, 21 केबल है इसमें टोटल मिला के एशिया और यूरोप में, और इसका जो लैंडिंग स्टेशन होगा मुंबई में। बेसिक बात इसमें ये है कि ये क्या करेगी, टेलीकॉम कनेक्टिविटी को इंप्रूव करेगी और ज्यादा एडिशनल कैपेसिटी को बढ़ाएगी, क्योंकि जियो में लोग बढ़ते जा रहे हैं तो उसी के लिए ये कर रहे हैं ये, मतलब ये कुल मिलाकर टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में काम हुआ है पूरा, और ये जो इंटरनेशनल ट्रैफिक है उसकी स्पीड को भी बढ़ाने की कोशिश करेगी। तो ये वाली बात इंपॉर्टेंट है। 2017 की करंट अफेयर ये पूरी है, जनवरी से लेके 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर तक, आज पहला पार्ट है और इसको 10 पार्ट में हम लोग पूरा कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए ये जो है, इसके बाद एक मिनट, ये यहां तक हम लोन कर लिया था। उसके बाद ये वेस्ट बंगाल की स्कीम थी एक कन्याश्री, ठीक है। तो आपको याद क्या रखना है, एग्जाम में क्या आ सकता है आपका, कि कौन सा ऐसा स्टेट है जिसको यूएन का अवार्ड मिला था, बेस्ट मतलब फर्स्ट प्लेस मिला था पब्लिक सर्विसेज के लिए। तो ये वाली बात आप याद रखिएगा, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की स्कीम थी कन्याश्री। कन्याश्री स्कीम को यूनाइटेड नेशन ने दिया है अवार्ड, पहला प्लेस दिया है पब्लिक सर्विस में, ठीक है। कन्याश्री स्कीम को बिल्कुल याद रखिएगा, जुलाई 2017 की स्कीम है और बिल्कुल 2018 में जो भी आईएसपीसीएस के एग्जाम से उसमें आ सकती है। देखिए जो कन्याश्री ये प्रकल्प स्कीम थी, टारगेटेड कंडीशनल कैश बेनिफिट स्कीम है ये, और ये इसलिए थी केवल कि जो गर्ल्स हैं, जितनी भी बालिकाएं हैं वो स्कूलों में रहें, जो गरीबी की वजह से छोड़ देती हैं उनके घर में, या फिर मतलब पैसे नहीं होते हैं, या फिर और भी किसी रीजन से। और दूसरा इसका एम ये भी था कि स्किल डेवलपमेंट करेंगे और जो चाइल्ड मैरिज है उसको रोकना था। तो कुल मिला कि ये वुमेन एम्पावरमेंट की डायरेक्शन में ही काम है। अब देखिए आपको कहीं ऐसे लिखना है तो आप उसमें एग्जांपल भी लिख सकते हैं कि जैसे वो अभी वेस्ट बंगाल की लेटेस्ट जो कन्याश्री स्कीम है उसको यूएन में फर्स्ट प्लेस भी मिला है इसीलिए पब्लिक सर्विस के लिए। 4 मिलियन से ज्यादा जो एडोलेसेंट गर्ल थी उनको एनरोल किया गया इस स्कीम में। एडोलेसेंट गर्ल से याद आया कि ये बताइए आप कि इनकी एज क्या होती है इंडिया में, वो आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। एज क्या होती है एडोलेसेंट की इंडिया में, 6 से लेके 14 साल, या फिर 14 से लेके 19 साल, या फिर आपकी 10 से लेके 19 साल, और या फिर आपकी 10 से लेके 20 साल, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है? एडोलेसेंट किनको मानते हैं इंडिया में, ठीक है। दो हो गई है। इसके बाद देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने एक वेदर पोर्टल किया है स्टार्ट, और एक वेब पोर्टल किया है मेरिट। देखिए जो डे टू डे वेदर वेरिएशन होता है उसका पूरा का पूरा इंपैक्ट होता है किस बात के, जो लोड डिमांड होता है पावर्स का, ये एनर्जी प्रोडक्शन का, प्लस ट्रांसपोर्ट करने में, डिस्ट्रीब्यूशन करने में, और भी उनके प्राइसेस को स्टेबलाइज करने में। और अगर कहीं एक्सट्रीम इवेंट आ गई, जैसे हीट वेव आ गया, कोल्ड वेव आ गया, या विंड स्टॉर्म आ गया, तो इसमें तो बहुत ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, ताकि प्रोडक्शन का भी रुक जाता है, कभी इलेक्ट्रिक ग्रिड पे कुछ डैमेज हो जाता है। तो ये सभी चीजें हैं। अब इसको ये किया गया है इसीलिए वेदर पोर्टल, तो ये क्या जानकारी देगा, देखिए ये जानकारी दे देगा, पूरी वेदर फोरकास्टिंग कर देगा। तो मतलब वेदर की जब इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन स्टेट जो डिस्कॉम्स होंगी, जो डिस्ट्रीब्यूटिंग कंपनीज है, उनके पास अगर पहले से ही इन्फॉर्मेशन आ जाएगी वेदर फोरकास्ट की, तो वो पहले से ही एक प्रोएक्टिव स्टेप ले लेंगे, ठीक है। तो पहले से ही वो सतर्क हो जाएंगे और वो इस चीजों के लिए पूरा मैनेज कर लेंगे कि शॉर्ट टर्म ये कटौती ना हो, मीडियम टर्म पूरा मैनेजमेंट कर लेंगे कुल मिला के, और ताकि जो सप्लाई प्लानिंग होती है तो सप्लाई जारी रहे और एकदम से अब्रप्ट कटौती ना हो। तो इसीलिए कि मतलब बेटर प्लानिंग कर सके स्टेट डिस्कॉम्स, और प्लस अगर ऐसी मतलब पूरा उनको पहले से प्लानिंग कर लेंगे, पूरा मैनेजमेंट कर लेंगे, तो और ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा, तो कस्टमर को भी फायदा है और रिलायबल सप्लाई भी रहेगी। मतलब एकदम से ऐसे नहीं कि 2-3 दिन के लिए कटी गई तो कटी गई,
बिजली, तो ये वाली बात है। और ये पोर्टल और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देगा, रीजनल वेदर समरी देगा, रेडार देगा, ये सैटेलाइट इमेजेस, मेट्रियोग्राम, बहुत सारी चीजें। एक दूसरा पोर्टल है मेरिट, ये इसका देखिए फुल फॉर्म क्या है, मेरिट ऑर्डर डिस्पैच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर रिज्यूनेशन ऑफ इनकम एंड ट्रांसपेरेंसी। तो ये क्या करेगा, ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देगा, ये एक्चुअली जितने भी स्टेट है उनके बारे में बताएगा कि किसकी कितनी कॉस्ट है, जनरेटर की कॉस्ट है, डेली किस सोर्स से कितनी पावर आ रही है, तो ये सभी कुछ वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, एनर्जी वॉल्यूम कितना है, परचेज प्राइस कितना है, तो ये देखिए ये पूरी इंफॉर्मेशन दे देगा। तो ये एक तरह से स्टेप ये किस लिए है कि गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस वाला जो गवर्नमेंट बोलती है अभी की जो भी सरकार है उसी की डायरेक्शन में एक ही कदम है। ये क्या करेगा, जो इस पे इंफॉर्मेशन रहेगी मेरिट में, ये डिस्कॉम्स को मतलब अब देखिए सब कुछ डेटा आपके पास रहेगा कहां कितनी कॉस्ट लग रही है, तो इसीलिए ये लोग के ऊपर एक प्रेशर आएगा कि आप इफेक्टिवली काम करो और आप इसमें इसमें आप इसको मतलब प्रमोट करो, ये कंपटीशन जो भी होगा इसमें प्रमोट होगा और प्लस ग्रीन एनर्जी का प्रमोशन होगा और इफिशियंसी पे ज्यादा इस पे बल रहेगा। तो ये मतलब कुल मिला के एक प्रेशर क्रिएट करेगा और जो नागरिक है उनको एम्पावर करेगा, तो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद देखिए ये वज्र स्कीम थी, एक वज्र स्कीम का मतलब देखिए एक होता है ब्रेन ड्रेन की, मतलब जो यहाँ पे जैसे क्या होता है कि आईटी एनआईटी या फिर आईएम के लोग हैं वो इंडिया में जॉब नहीं करते हैं, वो बाहर भाग जाते हैं क्योंकि यहाँ की कंपनी उनको पैसे नहीं दे पाती है, तो ब्रेन ड्रेन हो जाता है, मतलब यहाँ से बाहर जो टैलेंटेड लोग हैं जितने भी जैसे कई सारे इंजीनियर्स हैं डॉक्टर्स हैं वो यूएस में चले जाते हैं या फिर और जो वेस्टर्न कंट्रीज है वहां पे चले जाते हैं क्योंकि वहां पे उनको पैसे वैसे और अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा मिल जाती है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये स्कीम है एक तरह से ब्रेन गेन, तो इसीलिए ये अट्रैक्ट करने के लिए जो भी पूरे दुनिया के साइंटिस्ट हैं या फिर जो भी रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं उनको वापस बुलाने के लिए ये स्कीम लाए हैं, वज्र स्कीम, विजिटिंग एडवांस ज्वाइंट रिसर्च फैकल्टी स्कीम। इसका बेसिक पर्पज यही है कि जो R&D सिस्टम है इंडिया में उसको इंटरनेशनल डायमेंशन दी जाए, क्योंकि देखिए जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है, गूगल हो गई, फेसबुक हो गई, वहां पे मतलब बहुत सारे इंडियंस हैं, नासा में भी इवन बहुत सारे इंडियंस हैं, तो जो दिमाग है पूरी दुनिया में सबसे जगह अच्छी अच्छी जगह लगा हुआ है वो सब भारतीय दिमाग है, उनको वापस बुला रहे हैं कि वो R&D में यहाँ पे पार्टिसिपेट करें आके। और जैसे बहुत सारे एरियाज हैं ये, तो मतलब कुछ टाइम के लिए किसी किसी यूनिवर्सिटी में आए 1 महीने से लेके 3 महीने तक हर साल वो विजिट कर सकते हैं, उनको पैसे वैसे इसीलिए दिया जाएगा। और ये बहुत सारी चीजों में जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट में है, प्लस ये देखिए उसी की इसीलिए मैंने ये उठाया है वहां से वेबसाइट से, तो यहाँ पे मतलब जितने भी एरियाज में R&D करें आके और प्लस यूनिवर्सिटीज के साथ रहें। अब देखिए जो वज्र स्कीम है ये किसके अंडर आती है, ये आती है आपके डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर, तो ये वाली बात आप याद रखिएगा। और बेसिक पर्पज इसका यही कि जो भी इंडिया के एकेडमिक लोग हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी लोग हैं उनको इंडिया में लाया जा सके और वो जो हाई क्वालिटी उनकी रिसर्च है उनको जितने भी जैसे इंडिया में एरिया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में है, एनर्जी, वाटर, हेल्थ, सिक्योरिटी, इन सब चीजों के लिए काम करें वो। अब देखिये यहाँ पे फैक्ट एक याद रखने वाला ये है कि जो होस्ट इंस्टीट्यूशन में आएंगे मिनिमम 1 महीने के लिए आएंगे वो और मैक्सिमम 3 महीने के लिए हर साल, ये जो वज्र स्कीम है। अब देखिए वज्र स्कीम में ऐसे कर सकते हैं, मान लो एग्जाम में आ गया कि पहली बात तो जो वज्र स्कीम है किससे रिलेटेड है, तो किससे रिलेटेड है, ब्रेन गेन, मतलब जो इंडियन साइंटिस्ट हैं और प्लस जो एकेडमिशियंस हैं उनको अट्रैक्ट करने के लिए। दूसरी बात ये कि इसमें फैक्टुअल चीजें पूछी जा सकती है कि जैसे कितने से कितने दिन के लिए आएंगे, मिनिमम आएंगे 1 महीने के लिए, मैक्सिमम आएंगे 3 महीने के लिए, ठीक है। उसके बाद किस किस एरिया में आएंगे, ये R&D में और ज्यादा ये R&D में सपोर्ट करने के लिए आएंगे और प्लस ब्रेन ग्रेन वाला स्टेप है, ये सभी चीजें यहाँ पे जितने भी NRIs हैं और प्लस OOCI हैं उनको और ज्यादा अट्रैक्ट करने के लिए, ठीक है। प्रतिभा पलायन को अब उल्टा कर रहे हैं, ये ब्रेन गेन कर रहे हैं। अब देखिए ODF से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। पहली बात तो ओपन डेफिकेशन फ्री होता है ODF, एक होता है रूरल एरिया में और एक है अर्बन एरिया में, दोनों की मिनिस्ट्री भी अलग अलग है, सब कुछ इसमें देख लेते हैं अभी तक का जो भी ODF से रिलेटेड चीजें हुई है। देखिए पहली बात तो ग्रामीण एरिया में अभी तक 6 जो स्टेट है उनको ओपन डेफिकेशन फ्री घोषित किया जा चुका है। सबसे पहला स्टेट था जो जिसको ओपन डेफिकेशन फ्री घोषित किया गया था वो है सिक्किम, सेकेंड वाला स्टेट था हिमाचल प्रदेश, थर्ड वाला था केरला, फोर्थ वाला था आपका हरियाणा और पांचवा था आपका उत्तराखंड और छठा अभी कौन सा बना है अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश नॉर्थ ईस्ट में दूसरा स्टेट बना है सिक्किम के बाद, तो ये वाली फैक्ट आपको याद हो गई। उसके बाद देखिए पहली बात तो ये कि देखिए इसमें मिशन ये है क्या, वैसे तो स्वच्छ भारत के 2 है इसमें कॉम्पोनेंट, एक है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण और एक है आपका ये अर्बन वाला, ठीक है। अर्बन वाला जो मिशन है वो आपका है किस मिनिस्ट्री के अंडर में, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट में,
देखिए ये सब क्वेश्चन यूपीएससी और स्टेट पीसीएस में ये भी पूछा जा सकता है कि जो स्वच्छ भारत मिशन है अर्बन वाला कंपोनेंट वो किसके अंडर में है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट में है, और जो रूरल वाला मिशन है ग्रामीण एरिया वाला वो किसके अंडर में, मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन के इसमें है। इसका बेसिक एम ये है कि 2 अक्टूबर 2019 जबकि 150वीं एनिवर्सरी मनाएंगे हम महात्मा गांधी जी की, इसीलिए 2 अक्टूबर 2019 डेट रखी गई थी, तब तक पूरे इंडिया को ओपन डेफिकेशन फ्री बनाना है। उसका बेसिक पर्पज यही है कि जो हाउस जितने भी हैं उनपे वहां पे उनके घर में टॉयलेट बना दो, या फिर कम्युनिटी है पूरी तो कम्युनिटी में टॉयलेट बना दो, तो ये वाली चीज है यहाँ पे। उसके बाद देखिए ये तो हो गया रूरल वाले एरियाज, रूरल में कितने हो गए अभी तक, 6 एरिया हो गए, 6 स्टेट हो गए सॉरी, और ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाले के अंडर, ठीक है। और बेसिक पर्पस क्या है, 2019 2 अक्टूबर 2019 तक आपको इंडिया को ओडीएफ फ्री बनाना है। देखिए एक चीज और है यहाँ पे कि आप अगर देखेंगे जैसे विलेज पंचायत की बात कही थी डीपीएसपी में आर्टिकल 40 में, ठीक है, और फिर उसके बाद जो आपका पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस आया था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 1992 में पास किया गया था, जो कि इफेक्टिव कब हुआ था आपका वो डेट आप बताएंगे, वो मैं बता चुका हूँ। तो उसमें भी अगर आप देखेंगे तो जैसे आपने अगर देखें कि इंडिया में सबसे पहली बार पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस कहाँ पे आपके स्टेब्लिश किए गए थे, वो राजस्थान के नागौर जिले में किए गए थे, वो भी डेट क्या थी, 2 अक्टूबर 1959। मतलब ग्रामीण एरिया से रिलेटेड जितनी भी जो ये प्रोग्राम होते हैं कभी भी अगर स्टार्ट किए जाएंगे तो 2 अक्टूबर को ही किए जाते हैं, ये कन्वेंशन है, जितनी भी सरकारें वो सब मानती हैं इनको। अब देखिए अर्बन एरिया में भी अभी तक ओडीएफ फ्री स्टेट हो चुके हैं घोषित, सबसे पहले तो हुए थे गुजरात आंध्र प्रदेश और चंडीगढ़, ये तो पिछले साल हुए थे, इस बार अभी 5 जो है आपके स्टेट, एमपी हो गया, महाराष्ट्र हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया और झारखंड और हरियाणा, तो 5 और 2 7 7 स्टेट और प्लस 1 यूनियन टेरिटरी अभी तक अर्बन एरिया में ओपन डेफिकेशन फ्री घोषित हो चुकी है, ठीक है। तो ये वाली बात है, देखिए ये एक न्यूज भी थी और ये देख लिए अभी क्या स्टेटस है इसका, सरकार कह रही है कि 2 अक्टूबर 2019 से पहले ही हम ये ओपन डेफिकेशन फ्री वाला जो स्टेटस है वो अचीव कर लेंगे, क्योंकि 2017-18 में देखिए जो टॉयलेट कंस्ट्रक्शन की स्पीड कितनी बढ़ गई है, करीबन आप देखेंगे तो 10,000,000 10 लाख करोड़ 5 करोड़ टॉयलेट बनाएंगे इस बार, ये मतलब ओवरऑल हो जाएंगे 5 करोड़, ठीक है। ओपन डेफिकेशन फ्री जो विलेजेस हो गए अभी तक कितने हो गए, 3 लाख से ज्यादा हो गए, डिस्ट्रिक्ट हो गए इतने, स्टेट हो गए 10, और ये है आपका अर्बन एरिया में कंस्ट्रक्शन का स्टेटस। फिर देखिए नेक्स्ट न्यूज है ऑपरेशन स्वर्ण या फिर ऑपरेशन गोल्ड ऐसे बोला जा रहा है। देखिए ये एक समस्या है कि आजकल जैसे रेलवे मिनिस्ट्री बहुत सारी नई नई ट्रेनें भी निकाल रही है, लेकिन फिर भी जो पुरानी प्रीमियम आपकी ट्रेन है राजधानी और शताब्दी उसमें बहुत दिक्कत आ रही, खाना बहुत घटिया क्वालिटी का देते हैं, जो आपकी सफाई नहीं होती, तो इसीलिए बहुत सारे लोगों ने उनको ट्वीट ट्वीट किया था और शिकायत वकायत की थी, इसीलिए ऑपरेशन स्वर्ण चलाया जा रहा है, ताकि जैसे जो नई नई ट्रेन है गतिमान एक्सप्रेस ला रहे हैं, तेजस ला रहे हैं, उसमें बहुत अच्छी अच्छी फैसिलिटी है, तो इसमें भी ये लोग 50-50 लाख रुपए खर्चा करेंगे हर राजधानी और शताब्दी ट्रेन में, ताकि इसको पूरी तरह से रिवैम्प किया जाए और प्लस वहां सफाई, क्लीनलीनेस, कोच इंटीरियर, टॉयलेट और ये सब चीजों पे ज्यादा फोकस किया जाए। तो ये ऑपरेशन देखिए इसमें याद क्या रखना है, ऑपरेशन स्वर्ण किस मिनिस्ट्री के अंडर है, रेलवे मिनिस्ट्री ऑब्वियसली, और इसके बाद ये किस लिए किया गया, क्योंकि इनको बहुत सारी कंप्लेन मिल रही थी सैनिटेशन, फूड क्वालिटी, हालांकि अभी भी कुछ हुआ नहीं है, ये बस कहने की बातें चल रही है। पहले फेज में मुंबई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस और प्लस मुंबई अहमदाबाद शताब्दी एक्सप्रेस, इसको अपग्रेड किया जाएगा, तो ये दोनों ट्रेनों के भी नाम याद कर लीजिएगा, आजकल यूपीएससी भी कई बार फैक्चुअल क्वेश्चन पूछने लगी है, और प्लस स्टेट पीसेस और कहीं भी कुछ आ सकते हैं, ठीक है। तो ये वाली थी न्यूज। इसके बाद देखिए अब वर्ल्ड की लार्जेस्ट जो रिफाइनरी है वो महाराष्ट्र के रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में बनने जा रही है, उसमें आईओसी का है, आईओसीएल का है 50% और बाकी इन दोनों का 25-25% है, तो इन तीनों ने आईओसीएल बीपीसीएल एचपीसीएल ने एक एग्रीमेंट किया है ताकि वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिफाइनरी ये महाराष्ट्र के रत्नागिरी में बनाएंगे, ठीक है, बस इसमें इतना याद रखना है, बाकी इसमें 50-25-25 है, इसकी कैपेसिटी हो जाएगी 60 मिलियन टन की और इसमें ये प्रोड्यूस करेगा डीजल, पेट्रोल, एलपीजी, एटीएफ, सब कुछ। अब देखिए इसमें एक बात और है कि जैसे अगर आप एनर्जी कंजम्पशन में देखेंगे तो चाइना नंबर 1 पे है, यूएस नंबर 2 पे है, लार्जेस्ट कंज्यूमर है चाइना एनर्जी का, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है और कंज्यूमर भी है कोल का, और इम्पोर्टर भी हो गया है लार्जेस्ट पेट्रोलियम। तो ये वाली बात है, देखिए पूरी दुनिया में जो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में अगर आप बताएं तो लार्जेस्ट आपका इमिटर कौन है और सेकंड लार्जेस्ट कौन है, इंडिया की पोजीशन कौन सी, ये आप बता दीजिएगा। देखिए हिंदी में ही बोल रहा हूँ यार, आप लोग कैसी बात करते हैं बताइए, ये हिंदी में ही तो है ये। आप देखिए इंपॉर्टेंट कमिटीज,
यार मैं बोल तो हिंदी में ही रहा हूं ना, ये जो लिखा है उससे क्यों, अगर आप ये भी मैं इंग्लिश में नहीं रखूंगा तो इंग्लिश मीडियम वाले तो बिल्कुल बेकार ही हो जाएंगे यहाँ पे, उनके लिए तो ये वीडियो बेकार हो जाएगा। अगर मैं हिंदी में भी लिख दूंगा हर चीज तो फिर करंट अफेयर तो फिर बेकार ही हो जाएगा वो। मैं बोल तो आपको हिंदी में रहा हूं ना, नहीं मंथ वाइज नहीं, पूरा 1 जनवरी से लेके 31 दिसंबर 2017 तक है, ये पहला पार्ट है आज केवल, आज केवल पहला पार्ट है। आज थोड़ा कम बनाया है लेकिन अभी 2-3 दिन में लाएंगे, 10 पार्ट में कवर करेंगे पूरा इसको, ठीक है। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट कमिटीज हैं जो लास्ट के 1 साल में बनाई गई है, 20 कमिटी हैं बहुत इंपॉर्टेंट, रेड डालिए इसको। नहीं, कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैं यार नॉर्मल सी हिंदी में बता रहा हूँ, इतनी हिंदी तो समझनी चाहिए, कहीं भी जॉब करोगे नॉर्मल सी हिंदी तो इतना तो समझ में आना ही चाहिए यार। मैं बता तो रहा हूँ, इसमें एनके सिंह कमेटी बनाई गई थी। अब कमेटी का क्या होता है, समिति होता है, नॉर्मल सी चीज इतनी तो समझनी चाहिए। खैर देखिए, एनके सिंह कमेटी को बनाया गया था एफआरबीएम एक्ट को रिव्यू करने के लिए, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये ऐसे पूछ सकते हैं कि मान लीजिए ये वाले क्वेश्चन जो है ना आपके मैच द फॉलोइंग भी में भी आ सकते हैं। तो एनके सिंह कमेटी को किस लिए बनाया गया, एफआरबीएम एक्ट को रिव्यू करने के लिए। अमिताभ चौधरी कमेटी को बनाया गया आईआरडीए, जो इंश्योरेंस की रेगुलेटरी अथॉरिटी है उसको एनालाइज करने के लिए। एनएस कैंग कमेटी को बनाया गया है ताकि यूनिफॉर्म रूल्स बनाए जा सके स्टेट्स के लिए, जो भी उनको ये जैसे राइट्स ऑफ जो पर्सन विद डिसेबिलिटी वाला एक्ट है उसको प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट कर सके, तो उसके लिए एनएस कैंग कमेटी है, ठीक है। तो मतलब डिसेबिलिटी के जो पर्सन है उनसे राइट्स रिलेटेड कौन सी कमेटी है, एनएस कैंग। फिर ये तिमोथी गोंसाल्वे कमेटी है, ये किस लिए, ताकि आईटीज में 20% जो रिजर्वेशन है वो गर्ल्स को दिया जा सके, ठीक है। अब उसके बाद देखिए स्पोर्ट कोड कमेटी है, ये किस लिए है, ये किसने किसके अंडर में है, इंजेती श्रीनिवास के अंडर में है ये, और ये इम्प्रूव ये पूरा सजेस्ट करेगी कि क्या क्या इंप्रूवमेंट आपको लाने चाहिए नेशनल स्पोर्ट डेवलपमेंट कोड में, स्पोर्ट फेडरेशन में, ये सब में। फिर एक देखिए 11 मेंबर की इंटर डिसिप्लिनरी कमेटी बनाई जाएगी, ये किससे रिलेटेड है, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है। साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड क्या क्या थ्रेट्स हो रहे हैं, क्या क्या उसके लिए पॉलिसी होनी चाहिए, ये सभी चीजें बताएंगे ये उसको। और इसको देखिए हेड कौन करेगी, मीना हेमचंद्रा। तो मीना हेमचंद्रा की जो कमेटी है वो किससे रिलेटेड है, साइबर सिक्योरिटी। फिर डीबी शेकटकर कमेटी किस चीज के लिए, कि मिलिट्री में फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए क्या क्या रिफॉर्म होने चाहिए। एपीएमसी कमेटी बनाई गई है अशोक दलवाई के अंडर में, ताकि जो रेगुलेटेड होलसेल एग्री मार्केट है हर 80-80 किलोमीटर की दूरी पे एक एक रहे रेगुलेटेड होलसेल एग्रीकल्चर मार्केट। इंटर डिसिप्लिनरी कमेटी बनाई गई है आपकी दिनेश शर्मा के अंडर में, जो डिजिटल करेंसी है, जो अभी जैसे बिटकॉइन आ गया है, लक्ष्मी कॉइन आ गया, बहुत सारी चीजें आ रही हैं उनसे रिलेटेड रेगुलेशन बनाने के लिए, तो उसके लिए कौन सी है, दिनेश शर्मा। फिर चिताले कमेटी, ये किस चीज के लिए है, कि डिसिल्टेशन गंगा जी का, सॉरी रिवर गंगा का किया जाए। फिर हाई लेवल टास्क फोर्स बनाई गई है अरविंद पनगरिया के अंडर में, ताकि इम्प्लॉयमेंट सिचुएशन को टाइमली ये कंप्यूट कर सकें, हालांकि बेरोजगारी तो बढ़ती जा रही है, उस पर करते तो है नहीं कुछ सरकार, कमेटी और बना दी है इसके लिए। आरबीआई की ओवरसीइंग कमेटी बनाई गई है प्रदीप कुमार के अंडर में, तो जो ये बैंकिंग सेक्टर में स्ट्रेट एसेट है इनके मतलब इनको देखने के लिए, इनको एनालाइज करने के लिए। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कौन बना रहे हैं, कृष्णा स्वामी कस्तूरी रंगन, के कस्तूरी रंगन, ठीक है। फिर टास्क फोर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बना रहे हैं कौन, ये किसके अंडर में, डॉक्टर वी कामाकोती। हेट स्पीच बहुत सारी होती है, बहुत सारे नेताओं को, बहुत सारी पब्लिक पर्सनालिटीज को गाली गलौज दिया जाता है, जो किसी का ट्रोल किया जाता है, उन सब से रिलेटेड है ये कौन सी कमेटी, टी के विश्वनाथन। इन्होंने बोला है कि सेक्शन 28 को आप आईटी एक्ट को ये सब्स्टिट्यूट कर दो और सेक्शन 153 और 505A वाले को अमेंड कर दो। फिर जीएसटी को कैसे इंप्लीमेंट करना है उसके लिए हसमुख अधिया की कमेटी बनी थी। सुशील कुमार मोदी की कमेटी किस लिए बनी थी, कि जो आपके आईटी चैलेंजेस आ रहे हैं जीएसटी को आपको इंप्लीमेंट करने में। फिर राजीव कुमार की कमेटी बनी थी ताकि आप प्रॉपरली कैसे मैनेज कर सकें नॉर्थ ईस्ट रीजन के जो वाटर रिसोर्सेज हैं। देखिए ओबीसी में बहुत सारी कैटेगरी है, उसको बस सब कैटेगराइजेशन करने के लिए जी रोहिणी की कमेटी बनी है आर्टिकल 340 में। देखिए अभी इसके लिए एनएसईबीसी की भी बात चल रही है, जो आपका ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी लाया गया है, अभी तक पास नहीं हुआ है हालांकि। फिर ये स्टैंडिंग कमेटी एक्सटर्नल अफेयर्स की है, ये शशि थरूर के अंडर में, मतलब ताकि इंडिया और चाइना में क्या क्या कॉपरेशन वाले एरियाज हैं ये सब। उसके बाद देखिए ये कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड है और ये अवार्ड किससे रिलेटेड है ये सब देखिए। सबसे पहला है बिहारी पुरस्कार, ये 2016 का है आपका पुरस्कार, 2016 में किसको मिला था, सत्यनारायण को मिला था, ये एक दुनिया के लिए। अब देखिए इसका नाम तो बिहारी पुरस्कार है लेकिन ये दिया जाता है किसको, जो आपके राजस्थानी राइटर हैं,
ये बिहारी एक हिंदी पोएट थे, उनके नाम पे ये आपका अवार्ड कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, स्टार्ट किया गया था कि एक एक बिरला फाउंडेशन इनको देते हैं हर बार, और वो किस वर्क के लिए देते हैं, जो कि हिंदी या राजस्थानी में होता है, राजस्थानी राइटर के द्वारा। और बस आपको याद ये रखना है कि सत्यनारायण को मिला था 2016 में ये एक दुनिया के लिए। फिर भैरव सिंह शेखावत, एक पहली बार ये पुरस्कार आया था, ये इसको किसने जीता है, सिक्किम के सीएम थे, सॉरी है ये पवन कुमार चामलिंग ने, इनको मिला है भैरव सिंह शेखावत लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर मिला है पब्लिक सर्विस में। और उनको दिया किसने था, प्रणब मुखर्जी जी जब थे। अब देखिए यहाँ पे यह याद आया कि जो रामनाथ कोविंद जी हैं वो इंडिया के कौन से नंबर के प्रेसिडेंट है, वो आप बताइएगा। देखिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे पूरा लक्ष्मीकांत का मैं एक वीडियो बनाऊंगा, कल नहीं बनाऊंगा, कल तो आरओ का टेस्ट है, कल यूपीपीसीएस आरओ का टेस्ट है रात में करीबन 9:30 बजे के आसपास। देखिए रात में मैं जब भी लाइव आऊंगा, आज से रात में 9 बजे के आसपास ही लाइव आऊंगा, ये आप लोग याद रख लीजिएगा। कल आरओ का टेस्ट है पहला वाला, और उसके बाद फिर परसों हम लोग डिस्कस करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, इंडियन पॉलिटी बाई लक्ष्मीकांत का पूरा कंप्लीट चैप्टर यहीं पे। उसके बाद देखिए ये जो ज्ञानपीठ अवार्ड है ये मिला है 2017 का कृष्णा सोबती को। अब उससे रिलेटेड भी देखिए पूरी मैंने इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि जो ज्ञानपीठ अवार्ड है ये पहली बात तो 1965 में स्टार्ट हुआ था, अभी लेटेस्ट मिला है कृष्णा सोबती को। और ये किस किस लैंग्वेज में दिया जाता है, 8 जो आपकी शेड्यूल्ड में, 8 शेड्यूल में जो आपकी 22 लैंग्वेजेस है प्लस इंग्लिश में। और इसमें 2015 में मिला था रघुवीर चौधरी को 51वां, 2017 में मिला है 53वां, ये भी याद रखिएगा। जो ये ज्ञानपीठ पुरस्कार है इस बार 53rd था, अगर कभी एग्जाम में लिखा आ जाए जैसे कि 52nd किसको मिला है, तो 52nd था 2016 वाला, शंख घोष को मिला था बंगाली राइटर। 2017 वाला जो है 53rd है, 53वां अवार्ड है ये, कृष्णा सोबती को मिला है हिंदी के लिए, हिंदी के मतलब राइटर है ये। फिर ये व्यास सम्मान 2017 वाला किसको मिला है, ममता कालिया को सुखम दुखम के लिए। अब ये जो व्यास सम्मान है 1991 से स्टार्ट हुआ है, के बिरला फाउंडेशन देता है इसको, और इसके लिए जो आपका लिटरेरी वर्क है वो हिंदी लैंग्वेज में होना चाहिए और लास्ट 10 साल में पब्लिश हुआ होना चाहिए। तो 2017 का व्यास सम्मान किसको मिला है, ममता कालिया का सुखम दुखम के लिए। सरस्वती सम्मान जो 2016 का मिला है आपका महाबलेश्वर सेल को मिला है, हॉथान के लिए, कोंकणी के राइटर है ये, और ये सबसे पहले कब हुआ था, 1991 में। देखिए ये मिलता किस किस लैंग्वेज के लिए, 22 जो आपकी शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं और आप सॉरी 22 जो शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं उसके लिए। अब ये सरस्वती सम्मान सबसे पहली बार मिला था आपका हरिवंश राय बच्चन को, हिंदी के राइटर थे, और अभी लेटेस्ट मिला 2016 में महाबलेश्वर सेल को, हॉथन नॉवल के लिए, कोंकणी के राइटर हैं, ठीक है। फिर मूर्ति देवी जो आपका अवार्ड है ये आपका मिला है 2017 वाला जॉय गोस्वामी को, और ये किस लिए मिला है, दू दोंदो फुवारा करके, मात्रो करके, बंगाली करके ये है। तो मूर्ति देवी वाला जो पुरस्कार है ये 1983 में चालू हुआ था और लेटेस्ट मिला 2017 में जॉय गोस्वामी को। तो देखिए ये जो है मूर्ति देवी वाला इस बार 30th वाला है, ये भी आप याद रखिएगा कि 2017 में जो दिया गया वो 30वां मूर्ति देवी पुरस्कार दिया गया किसको, जॉय गोस्वामी को, ठीक है, बंगाली राइटर है, दू द्वंदो और फुवारा मात्र करके ये है। और ये किस किस लैंग्वेजेस के लिए दिया जाता है, 8वें शेड्यूल में जो 22 लैंग्वेज है प्लस आपका इंग्लिश, तो 23 लैंग्वेजेस के लिए दिया जाता है। तो ये हो गए आज के टोटल करंट अफेयर, नहीं अभी और भी बचे हैं कुछ आपके वन, ये वन लाइनर जीके भी देखिए मैंने इसमें, इसीलिए कुछ जो ऐसे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वाले हैं वो वाले भी रखे हैं, प्लस आपके वन लाइनर जो करंट अफेयर है वो भी रखे हैं, और प्लस बीच बीच में जो आपको जीएस और जीके वाले फैक्ट है वो भी मैंने इसीलिए क्वेश्चन किया है। कंप्लीट तरीके से पढ़ेंगे पूरा करंट अफेयर और इसमें 10 लेक्चर होगा, आज तो बहुत छोटा वाला था, अगली बार वाला जो लेक्चर होगा 2-3 दिन बाद होगा, उसमें काफी सारी न्यूज लाऊंगा, आज से मैं लगा हुआ हूँ लगातार, ठीक है। तो 2-3 दिन के बाद आएगा वो, 2 घंटे का लगातार लेक्चर रहेगा और मतलब करीबन 10-12 घंटे में पूरी करंट अफेयर कर लेंगे 2017 की पूरी। इसके अलावा आपको कोई मैगजीन और कोई भी वो कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ कवर कर दूंगा यहीं पे। अब देखिए ये कुछ वन लाइनर जीके है, ये रियल मैड्रिड फुटबॉलर जिनको इस बार मिला है ग्लोबल सॉसर अवार्ड फॉर द बेस्ट प्लेयर ऑफ 2017, किसको मिला है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। तो इससे ये बात एक क्लियर हुई कि ये किस क्लब के लिए खेलते हैं, रियल मैड्रिड, और इनको 2017 का मिला है बेस्ट प्लेयर। फिर ये इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस का वेन्यू कहाँ था, ये जादवपुर यूनिवर्सिटी में था। ये देखिए लाइबेरिया के एक प्रेसिडेंट जो मिले हैं उनका बने हैं ये, वो पहले फुटबॉल प्लेयर थे, उनका नाम था जॉर्ज विया। फिर उसके बाद देखिए हरिवंशम अवार्ड मिला है ये आपको केरला गवर्नमेंट के द्वारा, के एस चित्रा को। पेटा पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है अनुष्का शर्मा को। अब बताइए ये लोग खुद एक तरफ तो ये नॉनवेज वॉनवेज सब चीजें खाते रहते हैं और दूसरी तरफ इनको ये वाले अवार्ड भी मिलते रहते हैं, ठीक है। उसके बाद ये देखिए पूरे इंडिया में पहली ऐसी सिटी है
जिसका खुद का लोगो है, कौन सी सिटी है वो, बेंगलुरु है ये। फिर उसके बाद देखिए ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे 2022 में, उसको होस्ट कौन करेगा, ये बिर्मिंगम, ठीक है, यूके का सिटी है। उसके बाद ये नेक्स्ट जो सेक्रेटरी जनरल होंगे एमनेस्टी इंटरनेशनल के, वो कौन बनेंगे, वो बनेंगे आपके ये सलिल सेट्टी कुमी नायडू, बहुत लंबा सा नाम है ये, साउथ अफ्रीका के ये, ठीक है। अब देखिए कल हम लोग देखेंगे, कल मैं आऊंगा, आरओ का टेस्ट है कल, ठीक है, आरओ का होगा, यूपीपीसीएस का आरओ का टेस्ट मैं बना रहा हूँ अभी, कल रात में 9:15 बजे मैं आऊंगा, करीबन 50 क्वेश्चन रहेंगे उसमें, और उसको हिंदी इंग्लिश दोनों में बनाएंगे। देखिए हिंदी इंग्लिश वाली बड़ी समस्या रहती है, जबकि मैं हिंदी में बोल देता हूँ सब चीज, फिर भी लोग बोलते रहते हैं, फिर इंग्लिश वाले कंप्लेन करते हैं कि यार आपने हिंदी में जो बोलते तो हो ही, और ऊपर से यहाँ पे स्क्रिप्ट भी लिख दी है, तो इसीलिए इंग्लिश वाला मैं यहाँ पे लिखा हूँ कि कम से कम जो मैं बोलूंगा वो तो मैं वैसे भी पूरी चीज मैं थोड़ी ना पढ़ के बताता हूँ आपको, ये 16 पन्ने की पीडीएफ थी, मैं तो समझा ही रहा हूँ बस, मैंने एक एक चीज थोड़ी ना इसमें पढ़ी है, ठीक है। तो ये वाला पहला करंट अफेयर था, आज पहली क्लास थी। इसके बाद देखिए कल होगा, मैं आज ही शेड्यूल बता दे रहा हूँ, रोज रात में मैं शेड्यूल बता दे रहा हूँ, रोज रात में 9 बजे के आसपास मैं लाइव आऊंगा, कल रात में आऊंगा आरओ का एक टेस्ट होगा, परसों होगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की क्लास पूरी एक साथ, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाला जो इंडियन लक्ष्मीकांत का, जो इंडियन पॉलिटी भाई लक्ष्मीकांत का चैप्टर है, पूरा एक बार में ही खत्म करेंगे उसको, एक पूरी क्लास होगी 1.5 घंटे की। तो अभी 2 दिन का मैंने आपको शेड्यूल बता दिया है, उसके बाद वाले दिन में आपका करंट अफेयर होगा, और तब तक 2 दिन में काफी सारी चीजें बता दूंगा मैं इसमें। तो ये जो करंट अफेयर की करीबन 10 क्लास में हम लोग पूरा फिनिश कर देंगे 2017 का। 2017 में कोई भी आप अभी 2018 में एग्जाम दे रहे हैं, जैसे एमपीपीसीएस का आने वाला है, प्लस आपके यूपी, अगर देखो जो जो लोग यूपी पुलिस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर बिहार एसआई की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग बस इसको सुन लेना, बस काम हो जाएगा उनका, सब कुछ कवर करेंगे हम लोग, फैक्ट भी और कॉन्सेप्ट भी, और इवन ये यूपीएससी 2018 के लिए जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो भी देख सकते हैं, प्लस यूपीपीसीएस 2018 के लिए भी, ठीक है। और कुछ इसमें अगर आपको पूछना है तो जल्दी पूछे, नहीं तो फिर कल मिलते हैं, कल मिलते हैं फिर यार, मैं बता रहा हूँ अगर भरोसा है तो बस आरओ के एग्जाम के लिए, और किसी की करंट करंट अफेयर पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं कर दूंगा 10 10 या ज्यादा, और ज्यादा अगर क्लास लगे नंबर तक की, ठीक है। और ये 2018 के सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, एमपीपीसीएस, सीजीपीएससी, प्लस आपका एसएससी, सीएचएसएल, यूपी पुलिस, और किसी भी एग्जाम्स में पूछी जा सकती है, कंप्लीट लिस्ट है इसमें। देखिए इसमें पूरी मैंने टेबल बनाई है एक्सेल शीट में, फिर उसको पीडीएफ बनाया है इसको, और देखिए जितने भी हमारे वीडियोस आते हैं उनके नोटिफिकेशन के लिए आप ये ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टेलीग्राम में ग्रुप है ये, यहाँ पे आपको पूरा नोटिफिकेशन मिल जाएगा, क्योंकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन यूट्यूब नहीं भेजता है। चलो इसमें स्टार्ट कर लेते हैं, कोई फालतू की बात नहीं होगी, सिर्फ काम की बातें होंगी इसमें। अभी तक देखिए मैं 5 वीडियो बना चुका हूँ टोटल मिला के, 6 वीडियो बना चुका हूँ सॉरी, करंट अफेयर्स 2017 के, और ये है आपका 7वां वीडियो, ठीक है। तो इसमें सबसे पहली बुक है बेरेन एंड लुथियन, इसके राइटर कौन है, जे आर आर टोलकियन, ठीक है। पूरी लिस्ट एक बार देख लेते हैं, 2 जो है आपकी बुक उसके राइटर हैं आपके गुलजार, कहीं कहीं मैंने पिक भी इंक्लूड की है ताकि थोड़ा सा आपको अगर पिक्टोरियल मेमोरी, क्योंकि ज्यादा मानी जाती है कि लॉन्ग लास्टिंग होती है, तो याद रह जाए आपको। देखिए दूसरी बुक है, इसका नाम है पोइटरी, POETRY, मतलब पोइट ट्री हो सकता है, बोल सकते हैं इसको, विकास खन्ना की बुक है ये, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये सेलिब्रिटी शेप है ये। उसके बाद नेक्स्ट है बुक आपकी बॉलीवुड द फिल्म्स, द सॉन्ग्स, द स्टार्स, इसके राइटर्स बहुत सारे हैं, SMM है, असूजा है, करण बली है, राजेश देवराज है, और तनुल ठाकुर है, इसको लॉन्च किया था अमिताभ बच्चन ने, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। नेक्स्ट बुक है इसमें द वे आई सी इट, इसके राइटर कौन है, इसके राइटर है गौरी लंकेश, इनकी डेथ हो चुकी है, और इसको एडिट किया था किसने, चंदन गौड़ा ने। फिर नेक्स्ट है इसमें देखिए यूके के जो सीएम है उनका नाम है ये त्रिवेंद्र करके, और देखिए उत्तराखंड के जो सीएम है उनका नाम है त्रिवेंद्र रावत सिंह, ये उनकी जिंदगी पे बेस्ड बुक है, त्रिवेंद्र एक जिंदगी नामा, खैरसे का सूरज, ठीक है, खैरासे का सूरज, और ये इसको किसने लिखा है, नंदन सिंह बिष्ट ने, डॉक्टर है ये, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है आपकी जर्नी ऑफ वुमेन लॉ रिफॉर्म्स एंड लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, इसको किसने लिखा है, डॉक्टर पवन शर्मा ने, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, द कोलिशन ईयर्स 1996 से लेकर 2012, प्रणब मुखर्जी जी ने लिखी है, जो कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे। अच्छा ये बताइए प्रणब मुखर्जी जी कौन से नंबर के राष्ट्रपति थे, जल्दी से बताइए, और अभी रामनाथ कोविंद जी कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं,
प्रधानमंत्री मोदी जी कौन से नंबर के प्रधानमंत्री हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। जो चीफ जस्टिस है दीपक मिश्रा जी, कौन से नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट है बुक, ये द सिंगिंग ट्री है, ये बुक है बेस्ड किस पे, ये अवेयरनेस फैलाने पे है ये, कि जो भी चाइल्ड ब्लाइंडनेस है जो प्रिवेंटेबल होती है उसको रोका जा सके। और ये जो ऑथर है इसके, केनेथ यंगस्टीन, उन्हीं से प्रेरित है ये। तो द सिंगिंग ट्री है आपके, ऑथर कौन है, केनेथ यंगस्टीन, और ये चाइल्ड ब्लाइंडनेस को रोकने से रिलेटेड, अवेयरनेस फैलाने से रिलेटेड है। अस एन इनसिग्निफिकेंट मैन, अब बताइए ये किसकी होगी, ये मैं इसके ऑथर का नाम नहीं बताऊंगा यहाँ पे, खुशबू रंका जी ने लिखी है। पूरे इंडिया में कौन है ऐसा आदमी जो इनसिग्निफिकेंट है, और सर जी हैं जो, आप समझ गए होंगे, ये वैसे केजरीवाल जी हैं ये, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, मतलब इनको देखिए हर बुक के लिए आप ट्रिक याद रख सकते हैं। कोलिशन में जैसे आप याद रख सकते हैं कि प्रणब दा जी हैं तो इस समय राष्ट्रपति जी हैं, तो अब राष्ट्रपति जी मतलब अब अपनी जॉब से रिजाइन, मतलब पूरा साल हो गया है उनका, तो वो बुक लिख रहे हैं, तो कोलिशन, ठीक है। उसके बाद सिंगिंग ट्री में भी ऐसे कुछ बना सकते हैं, इनसिग्निफिकेंट मैन में भी आप बना सकते हैं कि केजरीवाल जी हैं, जैसे उनको सर जी बोलते हैं तो काफी ज्यादा फेमस है वो, तो इनसिग्निफिकेंट कौन हुआ, केजरीवाल जी, तो अब एग्जाम में आपको याद आ जाएगा। फिर है बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल, इसके राइटर कौन है, राजकुमार, राज कमल मुखर्जी जी, और ये है हेमा मालिनी की जिंदगी पे बेस्ड। फिर इंडिया ईयर बुक दे तो हर साल आती है, इस बार राजीव महर्षि जी ने लिखी है। ये कौन से मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी हैं बताएंगे जरा आप। फिर देखिए ये है ड्रीम नेशन, यूनाइटिंग ए कंट्री विद हैंड रिटन ड्रीम्स। पहली बात तो ये जो बुक है ये कलाम सर, जो अब एपीजे अब्दुल कलाम है, उनसे इंस्पायर्ड है ये, और ये लिखी है साजी मैथ्यूज ने और जूली जॉन ने, ठीक है। उसके बाद है अ जर्नी टुवर्ड्स सेल्फ रिलायंस, ये बुक लिखी गई है, पहली बुक है ये, टेबल बुक है, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन से रिलेटेड लिखी गई है कि हम लोग कैसे कितनी जल्दी सेल्फ रिलायंस अचीव करेंगे। इसमें इमोर्टल इंडिया, ये बुक के राइटर हैं अमीश त्रिपाठी जी। देखिए ये जो अमीश त्रिपाठी जी हैं ऐसे ही बुक लिखते हैं ये, इमोर्टल इंडिया, इनसे पहले भी कई सारी बुक लिख चुके हैं ये। फिर है हाउ इंडिया सीज द वर्ल्ड, इसके राइटर हैं श्याम सरन, ठीक है। देखिए ये है हाउ इंडिया सीज द वर्ल्ड इन 21st सेंचुरी, और इसके राइटर हैं श्याम सरन। हिट रिफ्रेश, ये रिफ्रेश जो करते हैं आप जैसे आप लैपटॉप चलाते टाइम या फिर ब्राउजर चलाते टाइम, ये किसकी किसकी बुक है, ग्रेग शॉ है और जिल ट्रेसी है। मेन है इसके माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला। फिर है ए टू जेड ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशंस, इसको किसने लिखा है, रजत भार्गवा ने और श्री दीनानाथ पाठक ने, ठीक है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है ए टू जेड उसका, ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशंस में, रजत भार्गवा ने और श्री दीनानाथ पाठक ने। देखिए इसमें बहुत सारी बुक्स तो आपको रटनी पड़ेंगी, लेकिन ये पूरी कंप्लीट लिस्ट है, एक ही जगह आपको ये मिल जा रहा है, इसीलिए वीडियो, और एक बार आप इसको पढ़ते भी जाइएगा और एक बार मैं बताता जा रहा हूँ सुनते जाइएगा, क्या पता सुना हुआ आपको याद आ जाए वहां पे। फिर है देखिए ये कारगिल के जो हमारे हीरो थे कैप्टन विक्रम बत्रा जी, परमवीर चक्र भी इनको मिला था, इनके ऊपर बुक लिखी गई है द शेर शाह ऑफ कारगिल, कैप्टन विक्रम बत्रा परमवीर चक्र, और ये लिखा किसने, दीपक सुराना ने, दीपक सुराना ने, ठीक है। उसके बाद है भारतीय कला में सलिल क्रीडाएं एवं सद्यनता नायिका, इसको किसने लिखा है, ये काफी दो तीन लोगों ने लिखा है ये, क्षेत्रफल गंगवार और श्री संजीव कुमार सिंह, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है खैर ये मेरे हिसाब से, भारतीय कला के बारे में क्षेत्रफल गंगवार और श्री संजीव कुमार सिंह। अनस्टॉपेबल माई लाइफ सो फार, ये इंपॉर्टेंट हो सकती है, ये मारिया शारापोवा से रिलेटेड है बुक ये, ठीक है, उन्हीं ने लिखी है ये। फिर एक कड़वे वचन, ये किसने लिखा है, जैन जो संत हैं आचार्य तरुण सागर महाराज, काफी ज्यादा न्यूज में आए थे ये एक इवेंट में, ये जैसे जैन में कल्चर होता है तो वहां पे न्यूड ही, जैसे जो दो उनके हैं वर्जन्स उनमें से एक न्यूड ही फॉलो करते हैं, काफी एक्सट्रीम होती है एक्चुअली जैन फिलोसफी, तो उसीलिए काफी न्यूज में आए थे ये। और फिर नेक्स्ट है इसमें आई एम HIV पॉजिटिव सो वॉट, ये एक्चुअली एक मणिपुर के बॉडी बिल्डर हैं ये, इनका नाम है प्रदीप कुमार सिंह, उनके एड्स हो गया था तो उन्हीं की स्टोरी पे है, उनके स्ट्रगल पे है, और ये लिखा किसने है, जयंता कालिता ने, ठीक है। तो आई एम HIV पॉजिटिव सो वॉट, ये मणिपुर की जो बॉडी बिल्डर है उन पे बेस्ड है, प्रदीप कुमार सिंह पे बेस्ड है, और इसको लिखा किसने, जयंता कालिता ने। आई डू वॉट आई डू, ये तो एटीट्यूड सीधा सीधा झलकता है, ऐसी बुक तो सिर्फ एक ही आदमी लिख सकते हैं, रघुराम राजन जी। तो ये ऐसे आप याद रख सकते हैं कुछ कुछ, अगर बुकों में ट्रिक बना के आप अगर चाहें तो।
क्रिप्टो करेंसी फॉर बिगनर्स, ये किसने लिखी है? अमित भारद्वाज ने। कंप्लीट लिस्ट है ये और ये सभी एग्जाम्स में आएगी बिल्कुल, इसमें से क्वेश्चन तो आएंगे 2018 में, बिल्कुल पक्की बात है ये। मेकिंग ऑफ लीजेंड, ये किसने लिखी? बिंदेश्वर पाठक ने। फिर है डलहौजी थ्रू माई आईज, इसको किसने लिखा है? किरण चड्ढा ने, ठीक है। फिर इसके बाद है प्रेसिडेंट्स लेडी, इसको किसने लिखा है? संगीता घोष ने। फिर देखिए प्लेइंग विद फायर, ये बुक है, ये किसने लिखी? कैटी प्राइज ने। फिर है आपका फ्यूचर ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी, इसको किसने लिखा है? सी राजकुमार ने। फ्यूचर ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी को किसने लिखा है? सी राजकुमार ने। एमपीपीसीएस में इससे क्वेश्चन पक्का आएगा, बताएंगे आप मुझे। फिर मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस है, ये किसने लिखी थी? अरुंधति रॉय ने। इसको नॉमिनेट किया गया था लेकिन ये जीती नहीं थी। किस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया था वैसे, ये क्वेश्चन आ सकता है, थोड़ा सा आप सर्च करके बताइएगा। फिर है ललन शाह फकीर के गीत, ये किसने लिखी है? मचकुंड दुबे ने, ठीक है। फिर द क्राइसिस विद इन है, ये किसने लिखी? गणेश देवी ने। और इसके बाद है इंदिरा गांधी अ लाइफ इन नेचर, इसको किसने लिखा है? जयराम रमेश ने। तो इसको भी आप ऐसे याद रख सकते हैं कि इंदिरा गांधी अ लाइफ इन नेचर और ये कांग्रेस के ही हैं, तो वही इंदिरा गांधी की तारीफ करेंगे, तो उसी लिए मतलब ये आप याद रख सकते हैं, ऐसे ट्रिक बनाने को मतलब बना सकते हैं इसमें। मुझे कोई कांग्रेसी या फिर बीजेपी ऐसे कुछ एजेंट वेजेंट मत समझ लीजिएगा, मैं अपनी बिल्कुल बेबाक राय रखता हूँ, न्यूट्रल राय रखता हूँ, और जो भी चीजें हैं मैं बिल्कुल साफ साफ बोलता हूँ वो सब चीजें, ठीक है। उसके बाद है भारत रत्न अटल जी द इमरजेंसी है, सॉरी भारत रत्न अटल जी, ये बुक किसने लिखी है? रमेश, ये पूरा नाम रुको एक मिनट, इसका नाम है पूरा युग पुरुष, एक्चुअली युग पुरुष भारत रत्न अटल जी, ये नाम है पूरा। और ये किसने लिखी? रमेश पोखरियाल, जिनको बोलते हैं निशांक ने। फिर नेक्स्ट है द इमरजेंसी इंडियन इमरजेंसीज डार्केस्ट आवर, ये किसने लिखी है? सूर्य प्रकाश ने। अच्छा एक बात और बतानी है आपको कि जो मैं शुरू से बताया हूँ, शुरू वाली जो बुक है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिसंबर से लेके लास्ट तक जब हम लोग जाते जाएंगे तो वो जनवरी तक आता जाएगा, ठीक है। तो शुरू वाली ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लास्ट वाली जो है वो थोड़ी सी लेस इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट वाली होंगी मैं बता दूंगा, लेकिन ये आप याद रखिएगा, ठीक है। दिसंबर से लेके हम लोग जनवरी तक जा रहे हैं। फिर नेक्स्ट है इसमें इंदिरा सेंटेनियल ट्रिब्यूट, इसको किसने लिखा है? आनंद शर्मा ने। ये भी आप समझ सकते हैं, आनंद शर्मा जी भी कांग्रेस के हैं तो वही लिखेंगे। मेटा फिजिक्स मोरल्स एंड पॉलिटिक्स किसने लिखी है? अमल कुमार मुखोपाध्याय ने। फिर है एम एस स्वामीनाथन, जिनको बोलते हैं आपके ग्रीन जो रिवॉल्यूशन हुआ था इंडिया में, उनके फादर बोलते हैं एम एस स्वामीनाथन को। पूरे दुनिया में कौन बोला जाता है, पूरी दुनिया के जो फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन पूरे दुनिया में किसको बोला जाता है बताइए जल्दी कमेंट करके। तो ये इन्हीं ने लिखी थी और इन्हीं के नाम पे ही है ये। फिर विनिंग लाइक विराट, थिंक एंड सक्सीड लाइक कोहली, ये किसने लिखी है? अभिरूप भट्टाचार्य ने। फिर इसके बाद है मन की बात, जो मोदी जी हर बार करते हैं और उसी से रिलेटेड है ये, इसमें ये किसने लिखा है? उदय महूरकर ने, ठीक है। तो हम लोग दिसंबर से लेकर जनवरी तक की तरफ जा रहे हैं। फिर है कलर एटलेस ऑफ ओरल इम्प्लांटोलॉजी, इसको किसने लिखा है? डॉक्टर प्रफुल्ल बाली ने और लंका महेश ने। देखिए कुछ जो बुके आपको, सब बुके तो नहीं याद रख सकते हैं आप, लेकिन जितना भी यहाँ पे देखिए और एक बार आवाज से शायद आपको याद रह जाए, या फिर एक बार यहाँ पे देख लीजिए, कई सारी पिक इंक्लूड करने की कोशिश की थी लेकिन कुछ की नहीं मिल पाई तो नहीं कर पाया। फिर है नेक्स्ट कंजर्वेटिव डेंटिस्ट्री, इसके बेसिक्स ये किसने लिखी है? डॉक्टर आर के बाली ने और डॉक्टर मजूमदार ने। नेक्स्ट बुक है कन्फेशंस ऑफ ए डाइंग माइंड, ठीक है, ये किसने लिखी है? आपकी हॉलियन गिट ने ये लिखी है, और ये एक्चुअली वर्ल्ड का पहला फिलोसफिकल नॉवेल है गॉड के ऊपर। फिर है फ्लेमिंग ट्रेसेस ऑफ द्रौपदी, वीरप्पा मोइली जी ने लिखी है। इस बुक ने एक प्राइज भी जीता है, कौन सा प्राइज है जल्दी से बताइए, और ये काफी इंपॉर्टेंट है वो। इसके बाद है होप इन ए चैलेंज डेमोक्रेसी एंड इंडियन नैरेटिव, ये किसने लिखी है? डॉक्टर अश्विनी कुमार ने। मातोश्री देखिए बुक जो लिखी है ये सुमित्रा महाजन ने लिखी है, तो मातोश्री ऐसे भी याद रख सकते हैं, सुमित्रा महाजन जी की जो एज है वो काफी ज्यादा है, स्पीकर की कुर्सी पर बैठती है तो वो मातोश्री है। ऐसे कुछ भी मतलब इमेज बना के आप याद रख सकते हैं अगर चाहे तो। फिर आशा पारेख की ऑटोबायोग्राफी है हिट गर्ल, पहली बात तो ये पूछा जा सकता है कि हिट गर्ल किसकी ऑटोबायोग्राफी है, वो है आशा पारेख की, और इसको लिखा किसने? खालिद मोहम्मद ने। तो ये बात है इसमें। और उसके बाद है बिल्डिंग द रिवर्स ऑफ फाइव, बिल्डिंग द लैंड ऑफ फाइव रिवर्स, इसको लिखा है अर्जुन गैंड ने। नंबर्स डू लाई, इसको लिखा है क्रिकेटर और काश चोपड़ा ने। उसके बाद है नेक्स्ट बुक 50 ईयर्स द ग्रांड इंडियन मिल्क रिवोल्यूशन, इस समय इंडिया जो है पूरी दुनिया में मिल्क के प्रोडक्शन में नंबर वन पे है, इसको एग्रीकल्चर मिनिस्टर
राधा मोहन सिंह ने लॉन्च किया था, एनडीडीबी के 50 साल पूरे हो गए इस अवसर पे, ठीक है। फिर होम ऑफ द ब्रेव ये किसने लिखी है, मिस्टर नितिन गोखले और ब्रिज एस के चटर्जी ने, ब्रिगेडियर सॉरी 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 ब्रिगेडियर एस के चटर्जी ने। उसके बाद है इंडियन रेलवे द वीविंग ऑफ नेशनल टेपेस्ट्री, इसको लिखा है विवेक देबरॉय ने, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये मतलब जनवरी की बुक है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर देखिए क्रिकेटर्स की ऑटोबायोग्राफी पे एक मैं वीडियो पूरा बना चुका हूँ कि पूरे साल में जो भी क्रिकेटर्स ने बुक लिखी है लास्ट 2 सालों में, उनका एक अलग से वीडियो बना चुका हूँ, वो आप देख लीजिएगा। तो ऑटोबायोग्राफी है माई स्टोरी, ये किसने लिखी थी, ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर माइकल क्लार्क ने लिखी थी। फिर है वीरप्पन चेजिंग द ब्रिगेड, ये किसने लिखी है, विजय कुमार ने। फिर वर्ल्ड की फर्स्ट कॉम्प्रिहेंसिव ब्रेल एटलस, ये किसने लिखी है, नेमटो ने, नेटमो ने, ठीक है। देखिए इसमें एक क्वेश्चन ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि वर्ल्ड का जो पहला कॉम्प्रिहेंसिव ब्रेल एटलस है ये किस कंट्री में लॉन्च किया गया है, तो ये कहां पे किया गया है, इंडिया में किया गया है। तो इससे एक क्वेश्चन ये भी निकल सकता है, याद रखिएगा। और इसको प्रिपेयर किया है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर आती है नेटमो, यानी कि नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन। ये तो हम कर चुके हैं, हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल, किसने लिखी, राम कमल मुखर्जी ने, हेमा मालिनी के ऊपर बेस्ड है ये। और उसके बाद है आपकी अमरिंदर सिंह की बायोग्राफी है द पीपल्स महाराजा, इसको किसने लिखा है, खुशवंत सिंह ने, ठीक है। खुशवंत सिंह काफी इंपॉर्टेंट राइटर है, उनकी बुक्स एक बार जरूर देख लीजिएगा। फिर उसके बाद है ज्यूडिशियल रिफॉर्म के ऊपर बुक लिखी गई है, रिसेंट ट्रेंड जो है उसके ऊपर लिखी गई है, दलवीर भंडारी ने लिखी है, जो कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के दोबारा जस्टिस बन गए थे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है इसमें। फिर उसमें ये देखिए दलवीर भंडारी जो है वो इंडियन मेंबर है आईसीजे के, तो ये आप याद रखिएगा। इसके बाद फिर एक मूवी भी जो आई थी आपने देखी होगी, और दंगल जो आई थी उस वो किस पे बेस्ड है, महावीर सिंह फोगट की जीवनी पे बेस्ड है, तो उसी के ऊपर बुक भी लिखी गई थी, अखाड़ा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ महावीर सिंह दुग्गल, इसको किसने लिखा था, सौरभ दुग्गल ने। फिर उसके बाद पीपल्स प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम, इसको लिखा है एस एम खान ने, साइबर पाठशाला तरुण विजय ने, और खुल्लम खुल्ला ऋषि कपूर के ऊपर बुक है, इसको लिखा है ऋषि कपूर और मीना अय्यर ने। तो ये पूरी लिस्ट है 2017 में जितनी भी बुक्स आपकी लॉन्च की गई हैं, जितनी भी, एक बार फिर से चाहे तो देख लीजिए इसको। और ये बुक्स में से क्वेश्चन जरूर आएंगे 2018 वाले एग्जाम में, इसको और भी मैं अपडेट कर दूंगा। तो ये देखिए करंट अफेयर्स का पार्ट था ये, तो आप इसको देख लीजिएगा एक बार। देखिए ये है पूरी करंट अफेयर्स, तो 2018 के लिए प्लेलिस्ट है, 2017 की जो करंट अफेयर्स हम लोग कर रहे हैं इसमें टोटल अभी तक देखिए 6 पार्ट बना चुका हूं मैं, ठीक है। तो ये आपका जो स्पोर्ट्स करंट अफेयर के 3 पार्ट बनाए थे उसमें पूरा स्पोर्ट करंट अफेयर कर दिया है मैंने, उसका एक वीडियो मैंने बना के स्टडी फॉर एग्जाम्स वाले चैनल में भी डाल दिया है। और उसके बाद ये रैंकिंग जितनी भी हुई है पूरे साल की, वो वाला वीडियो बनाया था कल मैंने करंट अफेयर्स में, पूरे जितने भी इंडेक्स जो भी 5 फरवरी 2018 तक रैंकिंग हुई है सब इसमें आई है। तो रैंकिंग वाली इसमें देख लीजिएगा आप, और ये मैंने बना दी आपकी ऑथर्स वाली, और जो पूरे साल भर में एप्स लॉन्च किए गए थे उसका भी मैं बना चुका हूँ पहले वाले पार्ट में, और उसके बाद जो पोर्टल्स किए गए थे वो भी बना चुका हूँ मैं, और उसके अलावा अब बचा है गवर्नमेंट स्कीम, तो गवर्नमेंट स्कीम बनाऊंगा कल, ठीक है। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज लाइक एंड शेयर। और ये वाली जो प्लेलिस्ट है ये आप जरूर देख लीजिएगा, इसमें एक मैंने इसलिए प्लेलिस्ट बना रखी करंट अफेयर 2018, इस वाली प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिएगा आप, ठीक है। और कोई डाउट हो तो यही पूछ लीजिए, और ये जो हमारा ग्रुप है टेलीग्राम पे इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, देखिए इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। जितनी भी मेरी प्लेलिस्ट है बहुत सारे वीडियोस में बना चुका हूँ, आप लोग को मिल नहीं पाते हैं और ढूंढा करते हैं, मैं इसीलिए यहाँ पे पूरी प्लेलिस्ट की प्लेलिस्ट शेयर करता रहता हूँ, प्लस बहुत सारे और भी मटेरियल शेयर करता रहता हूँ, जो फ्री वाला है वो सब यहाँ पे शेयर होता है। तो आप इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि यूट्यूब में नोटिफिकेशन आता नहीं, यहाँ पे लेकिन हर नोटिफिकेशन आता है, फोन पे हो जाता है व्हाट्सएप की तरह, ठीक है। पांच पार्ट बना चुके हैं हम, इससे पहले ये छठा पार्ट है। इसमें पूरे जो इंडेक्स हैं पूरे आपके 1 जनवरी 2017 से लेके अभी तक के 5 फरवरी 2018 तक के, क्या क्या इंडेक्स का नाम है, इसमें किसने प्रिपेयर किया, और प्लस इंडिया की रैंकिंग क्या है, टॉप 3 कंट्री कौन सी हैं, बॉटम 3 कौन सी हैं, नेबरिंग कंट्री कौन सी हैं, और प्लस स्पेशल रिमार्क, जो भी एग्जाम रिलेटेड पॉइंट है बस वही डिस्कस करेंगे, कोई फालतू की चीज नहीं होगी इसमें। सबसे पहले है ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स, ठीक है।
ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स आया था 2016 में, इसको किसने प्रोड्यूस किया था? ऑस्ट्रेलिया बेस्ड है वॉक फ्री फाउंडेशन, ठीक है। इंडिया की रैंकिंग क्या है इसमें? इंडिया की रैंकिंग थी 167 कंट्रीज में से फोर्थ इंडिया की रैंकिंग थी। टॉप थ्री कंट्री हैं नॉर्थ कोरिया, उज्बेकिस्तान और कंबोडिया। इसमें देखिए अगर आप एब्सोल्यूट पॉपुलेशन वाइज देखेंगे तो एब्सोल्यूट पॉपुलेशन वाइज जो स्लेव्स है ग्लोबल स्लेवरी में सबसे ज्यादा इंडिया में, इंडिया में कितने करीबन 18.35 मिलियन, यानी कि आपके हो गए करीबन 1.8 करोड़। तो एब्सोल्यूट पॉपुलेशन वाइज तो इंडिया में है, लेकिन अगर आप टोटल परसेंटेज वाइज देखेंगे तो नॉर्थ कोरिया है नंबर वन पे ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स जो 2016 में आया था। अब देखिए इसमें तीन तरीके का डेटा लिया गया था। पहली बात तो मॉडर्न स्लेवरी कैसी है इंडिया में, सॉरी हर कंट्री में कैसा उसका प्रिवलेंस है, वल्नरेबिलिटी क्या है और गवर्नमेंट कैसे रिस्पॉन्ड कर रही है, बस ये तीन डेटा लिया गया था। दूसरी अगर इसमें लिस्ट देखें तो डिफेंस एक्सपेंडिचर की बात करी गई है। डिफेंस एक्सपेंडिचर का इंडेक्स है ये, इसको किसने प्रोड्यूस किया है? इसको प्रोड्यूस किया है सिप्री ने, ठीक है। बस यही चीजें पूछी जाती हैं एग्जाम में कि या तो इंडेक्स, देखिए इंडेक्स का नाम दे देंगे, ये पूछ लेंगे कि किसने प्रिपेयर किया है, किसने प्रिपेयर किया है, इंडिया की रैंकिंग क्या है, या फिर बहुत ज्यादा हुआ तो टॉप कंट्री कौन है, या बहुत ज्यादा हुआ तो बॉटम कंट्री कौन है, या फिर कई बार नेबरिंग कंट्री से रिलेटेड पूछ लेते हैं इसमें। तो डिफेंस एक्सपेंडिचर को किसने प्रोड्यूस किया? सिप्री ने प्रोड्यूस किया। इंडिया की रैंकिंग थी फिफ्थ। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा डिफेंस एक्सपेंडिचर करता है यूएस यानी कि अमेरिका, करीबन $600 बिलियन इनका पर ईयर का है बजट। सेकेंड नंबर पे आता है चाइना, करीबन $200 बिलियन का है, और थर्ड नंबर पे रशिया, फोर्थ नंबर पे सऊदी अरेबिया, फिफ्थ नंबर पे आते हैं हम। हमारा जो टोटल एक्सपेंडिचर है पर ईयर का वो है करीबन $55.9 बिलियन। थर्ड नंबर पे अगर आप देखें तो एफडीआई इनफ्लो लिस्ट देखिए, जहां पे ये आपको ये जो है रेक्टेंगल जा रहा है वो देखते जाइए आप। अब देखिए थर्ड नंबर पे है एफडीआई इनफ्लो लिस्ट, मतलब एफडीआई इनफ्लो किसमें आ रहा है, वो एफडीआई इनफ्लो आ रहा है तो उससे रिलेटेड इंडेक्स है। इसको किसने प्रोड्यूस किया था? यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड यानी कि यूएनसीटीए ने। इसमें इंडिया की रैंकिंग है नाइन्थ, और इसमें टॉप कंट्री कौन सी है? यूएस, यूके और चाइना। यूएस है नंबर वन पे। इंडिया में कितना एफडीआई आया था आपका 2016 वाले ईयर में? $44 बिलियन, ठीक है। ये वाली चीज आपने देख ली। फिर इसके बाद अगर आप देखें फोर्थ नंबर पे है, 2017 में वैल्यूएबल नेशन ब्रांड लिस्ट ये बनाई गई थी। इसको किसने बनाया था? ब्रांड फाइनेंस ने बनाया था, लंदन बेस्ड है ये। इसमें इंडिया की रैंकिंग कितनी थी? इंडिया की रैंकिंग थी एट्थ, यूएस था इसमें नंबर वन पे, चाइना नंबर टू पे और जर्मनी नंबर थ्री पे। अगर आप वैल्यूएशन के टर्म्स में इंडिया की बात करेंगे, टोटल जो इंडिया की नेशनल ब्रांड वैल्यू कितनी थी 2017 में, वो थी $2 ट्रिलियन की, 1% से कम हो गई थी। लेकिन अगर इंडिया की ब्रांड रेटिंग जो है वो इंप्रूव हुई थी AA- से AA। बस इतना याद रखना है आपको कि वैल्यूएबल नेशन ब्रांड लिस्ट में इंडिया की पोजीशन क्या थी? 8 नंबर की। किसने प्रोड्यूस किया था? ब्रांड फाइनेंस ने। नंबर वन पे है यूएस, बस ये तीन चीज याद रखिए। एफडीआई कॉन्फिडेंस इंडेक्स में ये किसने प्रोड्यूस किया था? एटी कैरनी ने, और इसमें भी इंडिया की रैंकिंग थी आठवीं, ठीक है। नंबर वन पे यूएस है, नंबर टू पे जर्मनी, नंबर थ्री पे चाइना, और इसमें मेन फोकस क्या था? गवर्नेंस और रेगुलेटरी इश्यूज, ये सब फोकस थे इस बार एफडीआई कॉन्फिडेंस इंडेक्स में। ऑयल कंजम्पशन अगर आप देखें 2017 में तो इंडिया है थर्ड नंबर पे, ठीक है। यूएस नंबर वन पे है, नंबर टू पे चाइना है, नंबर थ्री पे है इंडिया, और इंडिया वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट ऑयल कंज्यूमर है, ये आप याद रखिएगा। इंडिया का जो कंजम्पशन है बहुत तेजी से बढ़ रहा है, 2035 तक हम सबसे ज्यादा फास्टेस्ट होंगे, और इंडिया का जो एनर्जी कंजम्पशन है वो 4.2% से हर साल बढ़ जाता है, मतलब पूरी दुनिया में जितनी भी मेजर इकोनॉमी से सबसे ज्यादा फास्टेस्ट हमारा। क्रोनी कैपिटलिज्म जो इंडेक्स आया था 2016 में, उसको प्रोड्यूस किसने किया था? द इकोनॉमिस्ट न्यूज़पेपर ने किया था ये। इंडिया की रैंकिंग कितनी है? नाइन्थ है इसमें, ठीक है, क्रोनी कैपिटलिस्ट इंडेक्स, और इसमें रशिया ने टॉप किया था। रशिया नंबर वन पे था, फिर मलेशिया, फिर फिलीपींस, और फिर था आपका सिंगापुर। तो क्रोनी कैपिटलिज्म इंडेक्स में आपका इंडिया था 9 नंबर पे। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पहली बात तो इसको प्रोड्यूस कौन करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर, ठीक है, और इसमें 180 कंट्री को लिस्ट किया गया था। इंडिया की रैंकिंग पिछले साल से आपकी तीन रैंकिंग डाउन हो गई। पिछले साल हम लोग 133 नंबर पे थे, इस बार हम चले गए 136 नंबर पे। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो 2017 वाली आई थी, नॉर्वे नंबर वन पे था, फिर स्वीडन, फिर फिनलैंड, फिर डेनमार्क, और सबसे जो लास्ट था इरिट्रिया और नॉर्थ कोरिया। मतलब सबसे नंबर वन 180 नंबर पे कौन था? नॉर्थ कोरिया, और 179 पे था इरिट्रिया, ठीक है। चाइना की पोजीशन है 176,
और 2017 की जो वर्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की थीम थी क्रिटिकल माइंड फॉर क्रिटिकल टाइम्स, ठीक है, मीडियाज रोल इन एडवांसिंग पीस जस्ट एंड इंक्लूसिव सोसाइटीज, ठीक है, जहां पे ये आपका ये जो है आपका क्या बोलेंगे इसको रेक्टेंगल ये जा रहा है, ये देखते जाइए। ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स, इसको कौन पब्लिश करता है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, ठीक है, और इसमें इंडिया की रैंकिंग कितनी थी, 42nd, ये आप याद रखिएगा, ठीक है। फिर ये हम देख रहे थे ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स, ये किसका है, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट का, और इसमें इंडिया की रैंकिंग थी 42nd, 42वीं रैंकिंग थी 165 कंट्रीज में से, नंबर वन पे है आपका था मतलब नॉर्वे और फिर आइसलैंड और फिर स्वीडन, ठीक है, पांच कैटेगरी थी इसमें। अगर आप देखें ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स में इलेक्टोरल प्रोसेस प्लस प्लूरिज्म सिविल लिबर्टीज और प्लस आपकी फंक्शनिंग कैसे होती है गवर्नमेंट की, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कितना है और आपका पॉलिटिकल कल्चर कैसा है, ठीक है, इसमें अगर आप देखें तो इंडिया जो है आपका 32nd प्लेस पे था ये, और इस बार ये 10 और ये नीचे उतर गया है, मतलब कि जो डेमोक्रेसी है वो घटी है कुल मिलाकर, और इंडिया को फ्लॉड डेमोक्रेसी बोला गया है, इवन केवल 19 कंट्रीज को बोला गया है परफेक्ट डेमोक्रेसी, यूएस को भी डेमोक्रेसी नहीं माना गया है, ठीक है, ये इनकी रिपोर्ट थी। ग्लोबल पीस इंडेक्स की बात करेंगे अगर आप, तो ये किसने कौन पब्लिश करता है, ये इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ये सिडनी बेस्ड है, इंडिया की रैंकिंग थी 137, आइसलैंड की रैंकिंग थी 1, न्यूजीलैंड की 2 और पुर्तगाल की 3, सीरिया इसमें लास्ट है, ठीक है, ग्लोबल पीस इंडेक्स में मतलब सबसे जो कम पीस है वो दुनिया में सीरिया में है, सबसे ज्यादा पीस है आइसलैंड में और इंडिया में 137 नंबर पे है। 2017 का इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो इंडेक्स है ये किसने किया था, आपका यूएस चैंबर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी सेंटर ने, इंडिया की रैंकिंग थी 43rd, यूएस की नंबर 1, ठीक है, उसके बाद देखिए 45 कंट्रीज में से इंडिया की 43rd थी, तो इंडिया सिर्फ पाकिस्तान और वेनेजुएला से ऊपर है, ब्रिक्स में भी इंडिया सबसे नीचे है, तो बस इतना याद रखना है आपको। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाले जो राइट्स होते हैं उसमें वैसे भी इंडिया में ज्यादा नहीं माने जाते हैं, तो हम है 43 नंबर पे, इसको कौन करता है, यूएस चैंबर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड सेंटर। 2018 का देखिए इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स आ गया है और इसको पब्लिश कौन करता है, येल यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी और प्लस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, तीनों मिलकर करते हैं, और इसमें इंडिया की रैंकिंग थी 177, ये आप याद रखिएगा, ये 2017 वाला है, ठीक है, इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स वाला, और इसमें जो इंडिया की रैंकिंग थी 177, मतलब एकदम लास्ट में ही है हम लोग, सबसे लास्ट में है बुरुंडी, उसके बाद उस सेकंड लास्ट में बांग्लादेश और फिर हम लोग फोर्थ लास्ट में है, नंबर वन पे है स्विट्जरलैंड, और इंडिया की रैंकिंग थी 2016 में 141 और हम लोग अब आ गए 2017 में 177, मतलब इन्वायरमेंट के परफॉर्मेंस में हम बहुत पीछे चल रहे हैं। एचडीआई का तो आप जानते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, यूएनडीपी हर बार पब्लिश करता है, इंडिया के अमृत सेन ने और जो पाकिस्तान के थे एक महबूबुल हक उन्होंने डेवलप किया था। उसके बाद देखिए इंडिया की 2016 में रैंकिंग थी एचडीआई में 131, 2015 में थी 130, नंबर वन पे था 2016 में नॉर्वे, देखिए 2016 की भले ये, लेकिन ये रिपोर्ट आई थी 2017 में, ठीक है, और हम अगर आप यूएन एचडीआई में देखेंगे तो हम ये भूटान से भी पीछे हैं आपके, और भूटान से पीछे सॉरी भूटान और बांग्लादेश से मतलब अच्छे हैं, लेकिन नेपाल से नहीं नहीं सबसे अच्छे हैं, सॉरी इसमें सबसे अच्छे हैं यूएन, ये वो अब मैं उसमें कंफ्यूज हो गया था जो अभी हम लोग देखेंगे हैप्पीनेस इंडेक्स में, तो इसमें हमारी जो रैंकिंग है जितने भी हमारे अड़ोस पड़ोस की कंट्री है एचडीआई में लगभग सबसे अच्छे हैं, श्रीलंका से अच्छे नहीं है, ठीक है, तो श्रीलंका से इसमें अच्छे नहीं है, ये वाला एक बार यहाँ करिए, हाँ श्रीलंका से अच्छे नहीं है और मालदीव से अच्छे नहीं है, श्रीलंका की देखिए एचडीआई रैंकिंग 73rd है और मालदीव की है 105 और बाकी सबसे अच्छे हैं। 2016 की जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाली रिपोर्ट थी उसका क्या था टाइटल, ह्यूमन डेवलपमेंट फॉर एवरीवन, ठीक है, तो ये है इसमें, और ब्रिक्स में भी अगर आप देखेंगे तो ब्रिक्स में भी हम सबसे नीचे हैं। फिर देखिए जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स को भी यही पब्लिश करता है यूएनडीपी, इसमें हमारी रैंकिंग थी 125वीं 159 में नंबर पे, 159 कंट्रीज में से 125वीं हमारी रैंकिंग थी। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की बात करेंगे तो इसको कौन पब्लिश करता है, IFPRI, ठीक है, वॉशिंगटन बेस्ड है ये, और इंडिया की पोजीशन थी कितनी, 100 पोजीशन थी हम लोगों की, और ये जो टॉप किया है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, मतलब इसमें टॉप किया है कोई अच्छी बात नहीं है, ये वहां पे बहुत ज्यादा भुखमरी के हालात है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, तो यहाँ पे रैंकिंग कम ही रहे उतना ही अच्छा है, ठीक है, तो चार पैरामीटर थे, अंडर नूरिश्ड पॉपुलेशन है आपका,
चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, बेस्ट स्कोर है अगर आपके कोई हंगर ना हो, और 100 जो है वर्स्ट स्कोर है, तो ये है इसमें। ठीक है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो 2016 में आया था, इसको कौन पब्लिश करता है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। हमारी रैंकिंग थी 79th, 176 कंट्रीज में से, और न्यूजीलैंड है टॉप पे, मतलब वहां बिल्कुल करप्शन नहीं होता है। डेनमार्क नंबर 2 पे है, सोमालिया सबसे ज्यादा करप्ट है पूरी दुनिया का, बांग्लादेश में भी काफी करप्शन होता है 27, और नेपाल में भी बहुत करप्शन होता है। ये आपका नहीं, सॉरी, बांग्लादेश भी अच्छा है हमसे और नेपाल भी हमसे अच्छा है, तो ये है इसमें। ठीक है, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में आपका, हमारी कितनी रैंकिंग थी? 79th। फिर वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में हम बहुत दुखी हैं एक्चुअली। ये देखिए, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2017 में आया था, इसको कौन पब्लिश करता है? यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। हमारी रैंकिंग 122 है। ठीक है, नॉर्वे बहुत खुश है, नॉर्वे के इसलिए खुश है क्योंकि ज्यादातर रूस में इंडेक्स में भी टॉप कर देते हैं वो लोग। खैर, वो तो बोलने वाली बात है। नॉर्वे, डेनमार्क, आइलैंड, आइसलैंड, और सबसे ज्यादा दुखी है पूरी दुनिया में सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के लोग। पाकिस्तान भी हमसे खुश है, नेपाल भी हमसे खुश है, भूटान भी खुश है, बांग्लादेश भी खुश है, श्रीलंका भी खुश है, और सब ब्रिक्स वाले भी हमसे खुश है, हम बस बहुत दुखी हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स ही आप याद रखिएगा, ऐसे ही याद रखिएगा मजाक करके, कि हम सबसे ज्यादा दुखी हैं, हम हमेशा रोते रहते हैं। फिर देखिए, ये प्रॉस्पेरिटी इंडेक्स आई थी, इसको कौन पब्लिश करता है? लंडन बेस्ड है लिगेटम इंस्टीट्यूट। हमारी रैंकिंग थी 100, नंबर 1 पे नॉर्वे, फिर न्यूजीलैंड, फिर फिनलैंड, और यमन था आपका सबसे लास्ट में, सबसे कम प्रॉस्पर है यमन। और इंडिया ने जो है अपनी रैंकिंग, ये आपकी 4 प्लेस बढ़ा ली थी। ठीक है, तो ये है इसमें। अब उसके बाद है इसमें, देखिए इसकी जो रैंकिंग होती है वो कोई भी कंट्री का परफॉर्मेंस देखा जाता है इसमें। ये देख लीजिए, मैंने इसमें लिखा हुआ है नोट्स, ये 9 पिलर पे रैंकिंग होती है, जो अभी हमने देखा प्रोस्पेरिटी इंडेक्स में, इकोनॉमिक क्वालिटी, बिजनेस एनवायरनमेंट और ये सब चीजें। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा इसको, इतना इंपॉर्टेंट खैर नहीं है, यूपीएससी में भले ही ऐसे पूछ ले। फिर ये एफएम, जो ग्लोबल आपकी 2017 की रेजिलियंस इंडेक्स है, इसको एफएम ग्लोबल करता है हर बार। हमारी रैंकिंग थी 60, नंबर 1 पे स्विट्जरलैंड है, फिर लग्जमबर्ग है, फिर स्वीडन हैती सबसे लास्ट में है, और ये 4th एनुअल रिपोर्ट थी इसमें। अरे अरे क्या हो रहा है। ठीक है, इंडिया की रैंकिंग 13 प्लेस बढ़ गई। उसके बाद देखिए, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, ये तो अभी अभी रैंकिंग आई है, इसको पब्लिश कौन करता है? WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। हमारी रैंकिंग है 30, अभी आई है जस्ट, ये जनवरी की रिपोर्ट है 2018 की। नंबर 1 पे जापान है, फिर साउथ कोरिया, फिर जर्मनी, और श्रीलंका है 66 पे, पाकिस्तान 74 पे, बांग्लादेश 80 पे, और जो ब्रिक्स में भी हम सबसे पीछे हैं। इंडिया वैसे पूरी दुनिया में 5th लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है पूरी दुनिया का। अच्छा बताइए, 1st लार्जेस्ट मतलब पूरी दुनिया का सबसे लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर कौन है? ऑब्वियस सी बात है, कौन होगा? अब देखिए, मिल्क प्रोडक्शन में इंडिया नंबर 1 पे है, और यूएस दूसरे नंबर पे है, चाइना तीसरे नंबर पे। एक बात बताइए, बफेलो मिल्क प्रोडक्शन में नंबर 1 पे कौन है, और काउ के मिल्क प्रोडक्शन में नंबर 1 पे कौन है, और टोटल के मिल्क प्रोडक्शन में नंबर 1 पे कौन है? रिमिटेंस मतलब कि जो लोग बाहर जाते हैं हमारे देश से, वो लोग जो पैसा भेजते हैं वो वाली चीज में, तो हमको सबसे ज्यादा पैसा भेज देते हैं हमारे जो देश के लोग जाते हैं। एक रिपोर्ट आई थी यूएन इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, वो आपकी, एक मिनट रुकी है। ठीक है, तो ये वन फैमिली एट ए टाइम एक करके स्टडी आई थी, उसकी रिपोर्ट है ये। और इसमें देखिए, टॉप जो रिमिटेंस, जहां पे मतलब जो इंडिया के लोग हैं वो सबसे ज्यादा भेज देते हैं, इंडिया में करीबन $62 बिलियन भेज देते हैं इंडिया के लोग। चाइना के लोग हैं 61, और 3rd नंबर पे है फिलीपींस, इवन पाकिस्तान भी 4th नंबर पे है। पाकिस्तान भी काफी मतलब अपनी कंट्री में वापस भेजते हैं। और सबसे ज्यादा रिमिटेंस जाता कहाँ से है? वो जाता है आपका यूएस, सऊदी अरेबिया और रशिया से। फिर देखिए, ये रैंकिंग है 2017 की रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स है ये, इसको कौन पब्लिश करता है? अर्नेस्ट एंड यंग, और इसमें इंडिया की रैंकिंग है 2nd। ठीक है, मतलब कि रिन्यूएबल एनर्जी लगाने में इंडिया में सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, ये वाली बातें करता है ये। चाइना नंबर 1 पे है, इंडिया नंबर 2 पे हो गया है, और 3rd नंबर पे यूएस है। फिर है आपका 2017 का ग्लोबल रिटेल डेवलपमेंट इंडेक्स, इसको पब्लिश करता है लंदन बेस्ड है एटी करनी। इंडिया में नंबर 1 पे है, और 2nd नंबर पे है चाइना। ठीक है, इसका जो टाइटल था इस रिपोर्ट का, द एज ऑफ फोकस था, और टॉप जो पोजीशन इंडिया को मिली है 30 डेवलपिंग कंट्रीज में, मतलब रिटेल सेक्टर में इंडिया में काफी ज्यादा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, और काफी ज्यादा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज हो सकती हैं। 2017 का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स, मतलब कि देखिए,
आपको पता होगा कि 17 गोल्स हैं और कितने टारगेट हैं, 169 टारगेट हैं, उसमें कौन कंट्री कैसा परफॉर्म कर रहा है वो ये बताता है। इसको पब्लिश कौन करता है, एसडीएसएन यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, और आपका बर्स्टल मैन स्टिफंग स्टिफटंग करके है। 116 रैंक थी इंडिया की 157 कंट्रीज में, नंबर वन पे स्वीडन डेनमार्क और फिर नंबर थ्री पे फिनलैंड। इंडिया का स्कोर था आपका 58.1 और इंडिया की रैंकिंग थी 116। ठीक है, नेपाल से भी पीछे है, श्रीलंका, भूटान, चाइना, सबसे पीछे है हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने में। तो ये है, पाकिस्तान से तो अच्छे हैं इसमें, पाकिस्तान से तो अच्छे होंगे ही। फिर 2017 का आपका ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, इसको पब्लिश कौन करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसमें इंडिया की रैंकिंग थी 40th, 136 कंट्री में, स्पेन नंबर वन पे था। अब देखिए एक टूरिज्म रैंकिंग अलग है, ये क्या है, ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स है, लेकिन एक वर्ल्ड टूरिज्म रैंकिंग अलग है, उसको कौन पब्लिश करता है, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। और इसमें इंडिया की एक्चुअली रैंकिंग 2014-15 में कितनी थी, 40-41 थी। अब इसमें पहले क्या करता था, इंडिया एनआरआई को इंक्लूड नहीं करता था, फिर इंडिया ने एनआरआई को भी इंक्लूड करना चालू कर लिया, तो हमारी 16 रैंक, जो 16 पोजिशन है, बढ़ गई। इतना बस आपको याद रखना है। तो हमारी रैंकिंग कितनी हो गई थी, 24वीं रैंक हो गई थी 2014-15 में, ये हालांकि न्यूज आई थी 2017 में। तो वर्ल्ड टूरिज्म रैंकिंग में हमारी कितनी हो गई थी, 24 नंबर की, और 2017 का ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में हमारी रैंकिंग हुई थी 40 नंबर की। ठीक है, फिर ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2017 वाला जो है, उसमें अगर आप देखें हमको, तो हमारी रैंकिंग है 108 है 144 में से। नंबर वन पे है आइसलैंड, नॉर्वे, फिनलैंड। इंडिया की जो पोजीशन है 21 प्लेस गिर गई है, पिछले साल हम लोग थे 87 पोजीशन पे और इस बार आ गए 108 नंबर पे। और ये जो इंडेक्स मेजर करता है, जेंडर गैप को मेजर करता है कि पैरिटी क्यों नहीं हो पा रही है मेन और वुमेन के बीच में। चार इंडिकेटर्स हैं इसके, एडुकेशनल अटेनमेंट, हेल्थ और सर्वाइवल, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी और पॉलिटिकल इंपावरमेंट। ठीक है, फिर इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स जो है, इसको पब्लिश करता है हेरिटेज फाउंडेशन, इसमें इंडिया की रैंकिंग थी 130th। नंबर वन पे हांगकांग, फिर सिंगापुर, फिर न्यूजीलैंड, और इंडिया की रैंकिंग है आपकी 140th। ठीक है, फिर उसके बाद है आपकी लेटेस्ट जो एक आई है, ये अभी अभी की न्यूज है ये। देखिए हेल्थ केयर, आपकी हेल्थ केयर एक्सेस और क्वालिटी इंडेक्स में अगर आप देखें, तो ये जो है इंडिया की रैंकिंग कितनी थी, 154th, 195 कंट्री में इंडिया की रैंकिंग थी 154th 2017 के हेल्थ केयर एक्सेस और क्वालिटी इंडेक्स में। लिस्ट को टॉप किसने किया, स्विट्जरलैंड ने, और फिर स्वीडन, और फिर नॉर्वे। ठीक है, तो ये है आपकी एक्सेल शीट, पेड वाले लोगों को मिल जाएगी, जो भी पेड है हमारे मेंबर्स। देखिए यूपीपीसीएस के लिए हमने पेड ग्रुप चालू कर दिया है, देखिए यूपीपीसीएस के लिए हमने पेड ग्रुप चालू कर दिया है। ये है उसका नंबर व्हाट्सएप, 9999 आपका 7177 4617। देखिए ये एक और है हमारा ग्रुप, 2018 में जो लोग यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो भी मेरी पीडीएफ्स होती हैं प्लस जो जैसे एक्सेल फाइल होती है, पेड ग्रुप में मैं तुरंत शेयर कर देता हूँ, तो वो वाला भी आप ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप। वो नवंबर 2018 तक के लिए है, अभी से लेके, और या फिर आप मेन्स वाला ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ये व्हाट्सएप नंबर है, इसी पर रिप्लाई किया जाएगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर। और ये देखिए जो वीडियोज है वो हमारे सब फ्री रहते हैं, तो वीडियोस का कोई चार्ज नहीं है, लेकिन कोई भी पीडीएफ और ये सब का जो भी, मतलब ज्यादातर फ्री रहती है, लेकिन कुछ जैसे ये स्पेशल मैंने बनाई, काफी टाइम लग गया इसमें, 4-5 घंटे लग गए हैं, और काफी टाइम लगा है इसीलिए इसमें इसको पेड रखा गया है। ठीक है, फिर भी आप लोग वीडियो में मैंने सब बता दिया है, आप लोग अपना नोट्स बना लीजिए जिसको भी ये नोट्स बनाने हैं। ठीक है, और एक हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर। एक जगह मैंने आपको तीनों वीडियो करके दे दिए, तो चलो इसमें देखो तीनों वीडियो एक साथ। थैंक यू फॉर लिसनिंग, और इसको पूरा कंटिन्यू देख लेना, इसके अलावा खेल करंट अफेयर्स कहीं से नहीं आएगा, सब कुछ कंप्लीट है इसमें। हमेशा एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, वो होते हैं वेन्यू से रिलेटेड कि कौन सा खेल कहां पे होगा। सबसे पहले देख लेते हैं समर ओलंपिक, देखिए समर ओलंपिक 2016 वाला कहां पे हुआ था, रियो डी जेनेरियो में, ब्राजील में, और 2022 वाला, 2020 वाला कहां पे होगा, ये होगा टोक्यो जापान में। ठीक है, तो ये वाला कौन सा था, ये 31 था, 32nd वाला जो समर ओलंपिक होगा, ओलंपिक अगर बोला जाता है तो मतलब है यहाँ पे समर ओलंपिक। ठीक है, 2020 वाला होगा आपका टोक्यो में, 2024 वाला होगा पेरिस में, 2028 वाला होगा यूएसए में।
तो ये वाली बात आप याद रख सकते हैं। नंबर भी याद रखिएगा कि एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं कि 32वां कहां पे हो रहा है, टोक्यो में, 33वां होगा पेरिस में फ्रांस में, और 34वां होगा आपका यूएसए में, ठीक है। फिर विंटर ओलंपिक कहां पे होंगे, विंटर ओलंपिक देखिए जो 22वां हुआ था वो हुआ था सोची रशिया में, ठीक है। फिर 2018 में जो होगा विंटर ओलंपिक्स ये होगा 23वां नंबर का, और ये कहां पे होगा, साउथ कोरिया में होगा, प्योंगचांग में, ठीक है। और फिर उसके बाद 2022 में होगा जो विंटर ओलंपिक वो होगा 24वां नंबर का, और वो होगा बीजिंग में, चाइना में, बीजिंग में, ठीक है। ये तीन चीज वेन्यू याद रखिएगा जरूर। देखिए 2022 तक बीजिंग ऐसा पहला सिटी बन जाएगा जो कि समर और विंटर दोनों ओलंपिक को होस्ट कर चुका होगा। फिर अगर आप एशियन गेम्स की बात करेंगे तो एशियन गेम्स में अगर आप देखें कि जो आपका 17वां एशियन गेम वो कहां पे होता है, इंचियोन में, साउथ कोरिया में। 2018 में जो एशियन गेम होगा वो होगा कौन सा, 18वां नंबर का होगा, और वो कहां पे होगा, इंडोनेशिया में। मतलब इसी साल जो एशियन गेम होने हैं वो आपके इंडोनेशिया में होने हैं, ठीक है, अगस्त सितंबर में होने हैं इसी साल 2018 में। फिर 2022 में जो एशियन गेम्स होंगे 19वें, वो होंगे आपके चाइना में, ठीक है, चार चार साल में होते हैं ये। और 2026 में होंगे आपके जो 20वें एशियन गेम्स, ये होंगे जापान में, नगोया में। तो ये वाली बात आप याद रखिएगा। देखिए एक क्वेश्चन है बीच में आपके लिए, एक आध क्वेश्चन मैं पूछता रहता हूं आपसे। देखिए पहला जो एशियन गेम है वो कहां पे हुआ था, ठीक है, पहला एशियन गेम कहां पे हुआ था ये आप बता दीजिए। ये गलत लिखा हुआ है, पहला एशियन गेम हुआ कहां पे था, ठीक है, तो ये वाली बात आप बताइए। और दूसरी बात ये कि 2018 ऐसा ये होगा इस बार, 2018 में जो इस बार आपके एशियन गेम्स होने हैं दो सिटी में एक साथ होने हैं, जकार्ता में और पैलेमबैंग में, तो ये दोनों चीज आप याद रखिएगा। और पहला एशियन गेम कहां हुआ था वो आप बताइए। फिर कॉमनवेल्थ जो गेम्स है उनकी बात कर लेते हैं। जैसे आपके कॉमनवेल्थ की बात करें तो जो 20वें कॉमनवेल्थ थे वो कहां पे हुए थे, ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुए थे, ठीक है। 21वें वाले कहां पे होंगे, इसी बार होंगे 2018 में ही, गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में। तो इसी बार आपके एशियन गेम्स भी होने हैं, कॉमनवेल्थ गेम भी होने हैं। तो कॉमनवेल्थ गेम होने अप्रैल में, एशियन गेम होने इसी साल आपके सितंबर में। और फिर आपका तो इस बार जो होने वाले ये आपके कॉमनवेल्थ गेम है वो कौन से, 21वें है, और एक गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में होगा। 22वां वाला जो होगा कॉमनवेल्थ वो इंग्लैंड में होगा, ये भी चार चार साल में होता है, ठीक है। तो ये दोनों चीज याद रखिएगा। एशियन गेम्स इस बार कौन से नंबर के हो रहे हैं, इस बार आपके एशियन गेम्स हो रहे हैं 18वां नंबर के, और ये कहां पे हो रहे हैं, दो सिटी में हो रहे हैं, पहली बार हो रहे हैं इंडोनेशिया के जकार्ता और पैलेमबैंग में। और इसी बार आपका होना है कॉमनवेल्थ जो कि कौन से नंबर का है, 21वां नंबर का है, और ये गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में होगा। फिर चलिए इसमें ये फीफा वर्ल्ड कप से रिलेटेड चीजें देख लेते हैं। फीफा वर्ल्ड कप पहली बार तो 1930 में ये स्टार्ट हुआ था। सबसे पहली बार फीफा वर्ल्ड कप किसने जीता था वो आप बताएंगे कमेंट करके, मैं कई बार पहले भी बता चुका हूं, ठीक है। इस बार जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था आपका, उसमें आपका ये जो लास्ट वाला हुआ था आपका, उसमें कौन जीता था, जर्मनी जीता था। और सबसे ज्यादा बार जीता है कौन, ब्राजील जीता है, 2018 में यानी इसी साल होना है रशिया में। इस बार बहुत बड़े बड़े गेम होने हैं, फीफा भी होना है आपका, एशियन गेम भी होना है, कॉमनवेल्थ भी होना है, तो ये बहुत याद रखिएगा आप। 2022 में आपका कहां पे होगा फीफा वर्ल्ड कप, कतर में, तो ये वाली बात आप याद रखिएगा, ठीक है। लास्ट वाला वैसे कहां पे हुआ था फीफा वर्ल्ड कप और किस साल हुआ था वो कमेंट करके बताइए आप। फिर चलो ये वर्ल्ड ये आईसीसी वर्ल्ड कप की बात कर लेते हैं, क्रिकेट की बात कर लेते हैं। देखिए इसमें आईसीसी वर्ल्ड कप जो 2015 में हुआ था वो तो ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया जीत गई थी न्यूजीलैंड को हरा के। 2019वां वाला जो आईसीसी का वर्ल्ड कप है मेल वाला, ठीक है, मेल वाला जो वर्ल्ड कप होगा वो होगा इंग्लैंड और वेल्स में, इंग्लैंड वेल्स में। और 2022 में जो होगा वो कतर में होगा। फिर अगर आप आईसीसी वर्ल्ड कप वुमेन की बात करें, महिलाओं वाला जो होगा, आज तक वैसे भारत ने एक भी नहीं जीता है इसमें, एक भी आईसीसी वर्ल्ड कप भारत नहीं जीत पाया है अभी तक, तो ये वाली बात आप याद रख सकते हैं। ये हुआ जरूर था एक बार यहाँ पे, 2013 में हुआ था इंडिया में, और जीता था कौन, जीता था आपका ये ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। फिर 2017 में इंग्लैंड में हुआ और वो इंग्लैंड जीत गई। तो आईसीसी वर्ल्ड कप महिला अभी तक कोई भी हम लोग नहीं जीत पाए इंडिया, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, आईसीसी वर्ल्ड कप जो महिला वाला है वो अभी तक हमने एक भी नहीं जीता है। वैसे अभी तक मेल वाले में कितने जीत चुके हैं हम लोग, ये कमेंट करके बताइए। और सबसे ज्यादा बार किस टीम ने जीता है। फिर अगर आप अंडर 19 की बात करें, अंडर 19 में जो आईसीसी वाला हुआ था उसमें देखिए क्या है, उसमें अंडर 19 यानी कि 19 साल से कम वालों के लिए 2016 में आपका कहां पे होना था,
ये हुआ था ये आपका बांग्लादेश में, और ये जीता कौन था, वेस्ट इंडीज। 2018 में इसी बार होगा आपका अंडर 19 वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा, न्यूजीलैंड में होगा ये, तो ये वाली चीज है। फिर T20 वर्ल्ड कप का अगर टोटल रिकॉर्ड देख लें इसमें, T20 वर्ल्ड कप में ठीक है 2007 से चालू हुआ था, सबसे पहली बार तो इंडिया ने जीता था, और 2016 वाला जो आपका हुआ था वो हुआ कहां पे था, इंडिया में हुआ था ठीक है, और जीता किसने था, वेस्ट इंडीज ने। 2020 वाला जो आपका ये आईसीसी T20 होगा ये कहां पे होना है आपका, ये होना है ऑस्ट्रेलिया में, तो ये वाली बात आप याद रखिएगा ठीक है। ये जो आपका T20 वर्ल्ड कप है एक बार इंडिया ने जीता है अभी तक, और आपका वेस्ट इंडीज है जो यहाँ पे दो बार जीत चुके हैं, तो ये वाली बात है आईसीसी वर्ल्ड कप T20 की बात हो गई। फिर देखिए चैंपियंस ट्रॉफी भी अगर बात करें, क्रिकेट की बात चल रही तो पूरी क्रिकेट की आगे करते हैं। 2017 में जो चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी उसका होस्ट कौन था, इंग्लैंड और वेल्स, और इसमें पाकिस्तान जीत गया था भारत को हरा के, ये वाली बात होगी ठीक है। तो चैंपियंस ट्रॉफी 2017 वाली कहां पे हुई थी, देखिए क्वेश्चन इसमें आते हैं या तो वेन्यू पूछा जाएगा या फिर इसमें कौन जीता ये पूछा जाएगा या किसको हराया था ये पूछा जाएगा। तो 2000 चैंपियंस ट्रॉफी कहां पे हुई थी, इंग्लैंड वेल्स में हुई थी। कौन जीता, पाकिस्तान जीता। कौन हारा, भारत को हारा। 2021 में कहां पे होगी चैंपियंस ट्रॉफी, भारत में होगी। क्रिकेट की बात चलिए तो और कुछ बातें कर लेते हैं। बॉलिंग कोच इस समय कौन है, भारत अरुण है। असिस्टेंट कोच है संजय बांगर। फील्डिंग कोच है आर श्रीधर, और आपके मेन कोच है रवि शास्त्री। ये देखिए ये रवि शास्त्री जी है मेन कोच, ये बॉलिंग कोच है भारत अरुण, आर श्रीधर है ये, और ये संजय बांगर है, ये फील्डिंग कोच है ठीक है। तो ये वाली बात आप याद रख सकते हैं, नहीं सॉरी ये फील्डिंग कोच ये आर श्रीधर है। फिर देखिए आईपीएल की बात, ये देखिए आईपीएल से भी एक बार एक सवाल तो आता ही है। आईपीएल यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग हो गई, ये जो 2017 में हुई थी, देखिए इसमें क्या क्या आ सकता है। पहली बात तो कौन से नंबर का था, तो ये कौन सा था, 10वां सेशन था ठीक है। दूसरी बात इसका फाइनल कहां पे हुआ था, फाइनल हुआ था आपका हैदराबाद में। तीसरी बात इसको जीता किसने था, जीता किसने था, मुंबई इंडियंस ने जीता था आपका, ये जो सनराइजर है इनको हरा के ठीक है। तो मुंबई इंडियन ने जीता था ये, सॉरी सनराइजर को नहीं, राइजिंग पुणे सुपर जायंट को हरा के, सॉरी 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 ठीक है। तो ये आईपीएल से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो कौन कौन से हो गए आपके। पहली बात तो 2017 में विनर कौन हुआ, मुंबई इंडियंस। कहां पे हुआ ये, हैदराबाद में हुआ ठीक है, एक रन से हरा के जीत गए थे राइजिंग पुणे से। तो ये तो तीन क्वेश्चन ये हो गए, और प्लस कौन सा नंबर का सेशन था, 10वां नंबर का था ये। अब देखिए इसमें क्वेश्चन कई बार ये भी आ जाते हैं, पर्पल कैप, ऑरेंज कैप, और ये सबसे रिलेटेड। देखिए ऑरेंज कैप उसको मिलता है जो सबसे ज्यादा रन बनाएगा, और पर्पल कैप उसको मिलेगा जो सबसे ज्यादा विकेट लेगा। तो ऑरेंज कैप किसको मिला था, ये सनराइजर हैदराबाद के डेविड वार्नर को मिला था। इन्होंने कितने रन बनाए थे, काफी सारे रन बनाए थे इन्होंने ठीक है। और उसके बाद आपका जो ये पर्पल कैप है ये किसको मिला था, भुवनेश्वर कुमार को मिला था ठीक है। ये किसके थे, सनराइजर हैदराबाद के, मतलब नाम याद रखिए आप। ऑरेंज कैप किसको मिला था, डेविड वार्नर को। पर्पल कैप किसको मिला था, भुवनेश्वर कुमार को। और आपका जो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर है, जो यानी कि मैन ऑफ द सीरीज वाला जो प्लेयर, प्लेयर ऑफ द सीरीज, वो किसको मिला था, बेन स्टोक्स को। तो ये तीन चीज आप जरूर याद रखिएगा। इमर्जिंग प्लेयर वाला जो इसमें अवार्ड दिया गया था वो बासिल थम्पी को दिया गया था, गुजरात लायंस के। तो ये सभी आईपीएल से रिलेटेड न्यूज है इसमें। अब देखिए एक बात और है कि जो जैसे ये आईपीएल है इसका स्पॉन्सरशिप कौन ले चुका है, 2022 तक की इसकी स्पॉन्सरशिप है वीवो के पास। इवन जो इंडिया की मेन क्रिकेट टीम है उसमें भी 2022 तक की स्पॉन्सरशिप किसने ले रखी, वीवो ने। तो मतलब वैसे तो काफी सारी नेशनलिज्म की चीजें चलती रहती हैं, लेकिन अगर मतलब गवर्नमेंट के बिल्कुल भी क्या इसमें कंट्रोल में नहीं है कि क्रिकेट टीम और आईपीएल की दोनों ही जो मेन स्पॉन्सर है वो चाइनीज कंपनी है, थोड़ी सी यहाँ पे पता नहीं समस्या वाली बात हो भी सकती है कि नहीं, लेकिन सोचने वाली बात जरूर है ये। देखिए अब यहाँ पे बात चली तो फिर ये आप ये भी देख लीजिए, बीसीसीआई के इस समय सीईओ कौन है, वो है राहुल जोहरी ठीक है। तो राहुल जोहरी है बीसीसीआई के सीईओ, और बीसीसीआई के इस समय ये आपके ये चेयरमैन कौन है, चेयरमैन है विनोद राय, सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट किया था इनको। और वीवो जो है वो 2022 तक आईपीएल की स्पॉन्सर रहेगी, और ओप्पो जो है वो टीम इंडिया की स्पॉन्सर रहेगी। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। फिर ब्लाइंड क्रिकेट से रिलेटेड बड़ी न्यूज आ रही है। देखिए ब्लाइंड क्रिकेट अभी तक कितने बार हुआ है वो देख लीजिए, 1998 से चालू हुआ था ये, और इंडिया ने दूसरी बार जीता है इस बार। देखो 2014 में भी हम जीते थे, हमने तब भी पाकिस्तान को पटक के जीता था ये, और 2018 में भी हमने फिर से पाकिस्तान को पटक के जीत लिया है। शारजा में हुआ था ये, शारजा यानी कि यूएई में ठीक है। तो ब्लाइंड जो क्रिकेट वर्ल्ड कप के अगर क्वेश्चन आ जाएगा, ये अभी 20 जनवरी 2018 की न्यूज है ये,
ठीक है। तो जो ब्लाइंड वर्ल्ड कप है अभी तक हम 2 बार जीत चुके हैं और दोनों बार हमने पाकिस्तान को हरा के जीता है, ये वाली बात है। और इस बार कहां पे हुआ था, शारजाह में हुआ था। फिर देखिए ये T20 ब्लाइंड वर्ल्ड कप की बात अगर हम लोग करेंगे तो T20 ब्लाइंड वर्ल्ड कप में दोनों ही बार अभी तक कौन जीता है, दोनों ही बार इंडिया जीता है T20 वर्ल्ड कप में और दोनों ही बार पाकिस्तान को ही हराया है हमने, ठीक है। T20 जो ब्लाइंड वर्ल्ड कप है, T20 वाला ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप दोनों बार इंडिया जीतता है, दोनों बार हमने पाकिस्तान को हराया है, 2017 में जब हमने हराया था, बेंगलुरु में हराया था, ठीक है। ये वाली बात है। अब देखिए ये 2017 का जो ब्लाइंड आपका ये T20 वर्ल्ड कप है उससे रिलेटेड कुछ डिटेल लिखी हुई है यहाँ पे कि आपका पहली बात तो हम चैंपियन हम ही थे, दोनों बार हम ही रहे हैं अभी तक, दोनों बार हम ही जीते हैं। मतलब जितने भी ब्लाइंड वाले T20 वर्ल्ड कप हुए हैं तो जो हमारे ब्लाइंड लोग हैं वही चैंपियन रहे हैं, इंडिया ने दोनों बार पाकिस्तान को हराया है। ये सबसे ज्यादा रन वैसे तो क्वेश्चन मुझे तो नहीं लगता है आ सकता है, लेकिन एक बार देख लीजिए शायद पूछ लें अगर उनको बिल्कुल कुछ ना मिले। मोस्ट रन अभी तक ये जो 2017 में किसने बनाए थे, सुरंगा संपत ने, और सबसे ज्यादा विकेट लिए थे अजय कुमार रेड्डी ने। और मेन बस इसमें पूछा जा सकता है ये कि कौन कहां पे हुआ था, ये फाइनल कहां पे होता है, एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 2017 का ये ब्लाइंड क्रिकेट ये T20 वर्ल्ड कप है, दोनों बार हमने जीता है। अब 2018 में जो ब्लाइंड वर्ल्ड कप हुआ था वो भी हमने जीता है, आपको बताया मैंने, इंडिया का सेकंड टाइटल है ये। 2014 में भी हमने पाकिस्तान को हराया था और 2018 में भी हमने पाकिस्तान को हराया। देखिए ये जो ब्लाइंड वर्ल्ड कप होता है क्रिकेट वर्ल्ड कप 40 ओवर का है ये इंपॉर्टेंट बात है, आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। और इस बार होस्ट ये कौन था, इस बार होस्ट था पाकिस्तान और UAE और शारजाह में हुआ था आपका फाइनल 2018 का जो ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड जो मेन वाला है, मेन क्रिकेट वर्ल्ड कप जो है अभी तक हमने 2 बार जीता है ब्लाइंड वाला। और जो ये वाला ब्लाइंड वाले में तो हम 2 बार जीत चुके हैं, जो ओवरऑल अगर आप नॉर्मल मेल की बात करेंगे तो हम कितने बार जीत चुके हैं वो आप बताइएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए ये कुछ हॉकी की न्यूज देख लेते हैं, ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि ये होता ये हुआ कहाँ था ये पूछते रहते हैं इसमें हमेशा। देखिए 2018 का जो मेंस हॉकी कप है अगर आप देखें, इसमें 2018 का मेंस हॉकी कप कहाँ होगा, कलिंगा स्टेडियम में होगा भुवनेश्वर में। बहुत सारी इवेंट होनी है इस बार स्पोर्ट्स वाली, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 2014 वाला कहाँ पे हुआ था, हेग में हुआ था, ऑस्ट्रेलिया जीता था हॉकी कप, हॉकी वर्ल्ड कप। फिर वुमेन्स अगर आप हॉकी वर्ल्ड कप की बात करेंगे तो 2014 वाला हेग में ही हुआ था और 2018 वाला जो होना है लंदन में होना है, ठीक है। ये वाली बात है, मतलब दोनों में देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट बस ये है कि जो मेंस वाला हॉकी वर्ल्ड कप होगा वो होगा हमारा भुवनेश्वर में, उड़ीसा में, कलिंगा स्टेडियम में, और जो वुमेन वाला है महिलाओं का जो हॉकी वर्ल्ड कप होगा वो होगा लंदन में, इंग्लैंड में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके बाद देखिए यही दोनों चीजें यहाँ पे लिखी हुई है, ये 2018 वाला तो हमने देख लिया, ये तो वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं, लेकिन एशिया कप भी हो चुके हैं 2017 में, दोनों का देखिए एक ही सामने सामने लिखा है मैंने कि दोनों आपको एक ही साथ दिख जाए, ठीक है। तो ये तो वर्ल्ड कप है, 2018 में दोनों वर्ल्ड कप होने हैं, मेन वाला भी और वुमेन वाला भी, मेन वाला होगा उड़ीसा में और आपका फीमेल वाला होगा लंदन में। लेकिन ये जो 2017 में एशिया कप हो चुका है उसके देखिए आमने सामने लिखा है ताकि आपको याद रहे। देखिए ये है मेन्स हॉकी वर्ल्ड कप एशिया कप और ये है वुमेन हॉकी एशिया कप। अब देखिए मेन्स हॉकी जो एशिया कप था उसके होस्ट कौन था, मतलब कहां पे हुआ था, वो था बांग्लादेश में हुआ था। वुमेन हॉकी एशिया कप के होस्ट कौन था, जापान, ठीक है। ये वाली बात पहले होस्ट दोनों का क्लियर हो गया, मेन का जो होस्ट था वो बांग्लादेश में ढाका और वुमेन में था जापान में, आपका काका मिगाहारा गिफू ये था आपका होस्ट। अब कहां पे ये हुआ था फाइनली, वेन्यू क्या था इसका, तो ये हॉकी स्टेडियम, मतलब ये खैर स्टेडियम का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए 2017 में मेन्स हॉकी एशिया कप जीता किसने था, इंडिया जीता था 2017 में। 2017 में मेन वाला भी एशिया हॉकी कप जीते थे हम और इंडिया जो वुमेन वाला है महिला वाला हॉकी एशिया कप दोनों ही दोनों हम जीते थे। जो एशिया कप में मतलब हॉकी वाला है 2017 में दोनों हम ही जीते थे, इंडिया वाले जीते थे, ठीक है। दोनों चीज याद हो कि इंडिया को थर्ड टाइटल मिला था मेन में और इंडिया को सेकेंड टाइटल मिला था आपका वुमेन में। रनर अप कौन था मेन का, ये थे मलेशिया और थर्ड प्लेस मिला था पाकिस्तान को। यहाँ पे वुमेन में रनर अप कौन था, चाइना, और थर्ड प्लेस मिला था साउथ कोरिया को। ये दोनों चीजें यहाँ पे याद रखिएगा, इसीलिए आमने सामने मैंने यहाँ पे रखा है। टॉप गोल स्कोरर कौन थे मेन के, मतलब मेल के, वो थे हरमनप्रीत सिंह। और यहाँ पे आपकी जो टॉप स्कोरर यहाँ पे रही है वो कौन रहे हैं वुमेन की, वो रही है जोंग जियांगी। तो ये वाली बात आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। तो दोनों ही जो एशिया कप हुए हैं मेल वाले और फीमेल वाले दोनों हमने जीते हैं 2017 में।
ठीक है, वुमेन में अब हमने दूसरा वाला जीता है क्योंकि इससे पहले 2004 में जीते थे हम, और मेल में अगर आप देखेंगे मेल में तो हमने तीसरा जीता है, ये 2003 और 2007 में हम लोग पहले जीत चुके हैं। अब देखिए जो इसमें कोच है हॉकी टीम की, मेल कौन कोच है इनका, ये नाम है सजोर्ड मरीजनी करके, और फीमेल जो कोच है हमारी हॉकी टीम की वो है हरिंदर सिंह मलिक। फिर उसके बाद देखिए ये है आपका अंडर 17 जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे चाहे जो भी एग्जाम हो, बहुत अच्छे से ध्यान से समझ लीजिए इसको, सब कुछ यहां पे लिखा हुआ है। देखिए पहली बात तो फीफा का अंडर 17 जो वर्ल्ड कप है इंडिया में पहली बार हुआ था ये, तो होस्ट कौन था, इंडिया था, ठीक है, 24 टीम थी यहां पे, चैंपियन कौन बना, चैंपियन बना है इंग्लैंड पहली बार, ठीक है, इंडिया की क्या प्लेस थी वो आप बताइएगा। इसमें यहां पे जो फीफा वर्ल्ड कप अंडर 17 वाला हुआ था, अंडर 17 मतलब जो 17 साल से नीचे वाले, वही वाली बात हो गई यहां पे, ठीक है, तो चैंपियन बना था इंग्लैंड, फिर स्पेन सेकंड नंबर पे था, थर्ड नंबर पे ब्राजील और फोर्थ नंबर पे बाली, ठीक है, और इंडिया में ही हुआ था। अब देखिए इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है वो जरूर याद रखने चाहिए आपको, कि इसका जो ऑफिशियल मैस्कॉट क्या था 2017 के ये जो फीफा अंडर 17 हुआ था, ये था खेलियो एक लेपर्ड, ठीक है, फिर इंडियन कैप्टन कौन थे, अमरजीत सिंह, फिर इंडिया की पहली जो गोल किया था इन्होंने फीफा वर्ल्ड कप में किसने किया था, जैक्सन सिंह ने, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे, ये जैक्सन सिंह इंडिया के पहले हैं ऐसे जिन्होंने फीफा वर्ल्ड कप में गोल किया था, मणिपुर के हैं ये। उसके बाद फिर नमिज देश पांडे, ये इंडिया यूएसए के पहले एनआरआई हैं जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। उसके बाद देखिए पहली फीमेल जो फुटबॉल रेफरी बनी है, जिन्होंने पहली बार जो ऐसी पहली महिला है जिन्होंने ये रेफरी बनी है फुटबॉल मैच में, उनका नाम था इस्थर और स्टुबली करके, स्टॉपली करके, ये स्विट्जरलैंड की है। फिर ये जो पूरा फीफा वर्ल्ड कप हुआ था ये आपका अंडर 17 वाला, इसमें मैच जो बॉल, जो बॉल थी आपकी वो उसका क्या नाम था, क्रसावा, वो एडिडास की बॉल थी वो, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये आपको जरूर याद रखने चाहिए। फिर इसके बाद देखिए और भी चीज आपको याद रखनी है यहाँ पे, फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप जो हुआ था आपका इंडिया में होस्ट था ये। अब देखिए इसके टॉप स्कोरर कौन थे, टॉप स्कोरर थे रैम रोस्टर, ठीक है, इनको गोल्डन शू का अवार्ड मिला था, तो ये वाली बात आप याद रखिएगा, ये इंग्लैंड के हैं ये रॉयन रोस्टर, इनको गोल्डन शू का अवार्ड मिला था, टॉप स्कोरर थे ये इंग्लैंड के। फिल फोडेन को मिला था आपका गोल्डन बॉल का अवार्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, फिल फोडेन को मिला था गोल्डन बॉल का अवार्ड, और बेस्ट प्लेयर ये, ठीक है, ये भी इंग्लैंड के। फिर गैब्रियल ब्रजाओ को मिला था आपका बेस्ट गोलकीपर का अवार्ड, ये कहां के हैं, ब्राजील के हैं। और फेयर प्ले अवार्ड किस टीम को मिला था, ब्राजील को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पे लिख रहा लाया हूँ। फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ज्यूरिक में है, स्विट्जरलैंड में, प्रेसिडेंट है गियानी इन्फेंटिनो करके। अब देखिए टेनिस में तो ऐसे पता नहीं, जहां तक मुझे याद है 50-60 तो इवेंट होती है जो मेजर वाली होती है, लेकिन आप सब कुछ तो याद नहीं रख सकते टेनिस में, तो इसीलिए कुछ कुछ आप जो ग्रैंड स्लैम वाली है वो जरूर याद रखिए, ठीक है। तो जैसे आप बात करें 2017 में आपका ऑस्ट्रेलिया ओपन में विनर कौन थे, ये पहले मेल की बात कर लेते हैं फिर फीमेल की बात करेंगे। तो 2017 में ऑस्ट्रेलिया ओपन थे में विनर थे रोजर फेडरर, फिर फ्रेंच में तो ज्यादातर नडाल ही रहते हैं हमेशा, और सबसे ज्यादा बार जो ग्रैंड स्लैम जीता है वो रोजर फेडरर ने जीता है, तो विंबलडन भी देखिए रोजर फेडरर ने जीता था, ऑस्ट्रेलियन भी जीता था, और यूएस ओपन फिर जीत लिया था नडाल ने, ऑस्ट्रेलियन जो ओपन अभी 2018 में हुआ है ये भी फिर से रोजर फेडरर ने जीत लिया है, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे इनको ये भी याद रखना चाहिए कि इनकी नेशनलिटी कौन सी है, फेडरर कहाँ के हैं, ये स्विट्जरलैंड के हैं, ये मारिक चिलिची कहाँ के हैं, क्रोशिया के हैं ये, नडाल ये स्पेन के हैं, ये केविन एंडरसन कहाँ के हैं, साउथ अफ्रीका के हैं ये, ठीक है, ये वाली बात है। फिर स्टेन वावरिंका ये कहाँ के हैं, स्विट्जरलैंड के, बाकी सबको बता दिया है। तो 2018 वाला जो ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता है, रोजर फेडरर ने, जो कहाँ के हैं, स्विट्जरलैंड के हैं। अच्छा सबसे पहले आपका जो होता है कौन सा होता है, वो होता है आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन, और सबसे लास्ट में कौन सा होता है वो आप बताइएगा। वुमेन ग्रैंड स्लैम की अगर आप बात करें तो इसमें देखिए जो ऑस्ट्रेलियन ओपन अभी जीता है किसने, कैरोलिन वोजनियाकी ने, जो कि कहाँ की है, डेनमार्क की है, इन्होंने हराया सिमोना हेलप को, जो कि कहाँ की, रोमानिया की है, ठीक है। सबसे लास्ट में क्योंकि टूर्नामेंट होता है आपका यूएस ओपन, उसमें कौन जीता था, स्लोएन स्टेफेंस, जो कि ये कहाँ की है, ये आपकी ये यूएसए की है, और उन्होंने किसको हराया था, मेडिसन को, किसको हराया था, ये भी यूएसए की थी। विंबलडन में आपका 2017 में देखिए तो गैरबीन मुगुरजा जीती थी,
ठीक है, तो ये कहाँ की है आपकी, ये वेनेजुएला की है, ठीक है, और ये इन्होंने हराया किसको, तो वीनस विलियम्स को, वीनस विलियम और सेरेना विलियम दोनों यूएस की हैं। फ्रेंच ओपन किसने जीता था, जेलेना ओस्टापेंको ने, जो कि लाटविया की है, सिमोना हैलेप को हराकर, जो कि रोमानिया की है। और ऑस्ट्रेलियन 2017 वाला किसने जीता था, सेरेना विलियम्स ने। खैर अब ऑस्ट्रेलियन की 2017 की रटने की जरूरत नहीं है, 2018 वाला ही देख लीजिए, कैरोलिन वोजनियाकी ने जीता है, जो कि डेनमार्क की है, उन्होंने हराया किसको, साइमोना हैलेप को, जो कि रोमानिया की है। तो ये वाली आपकी हो गई। फिर F1 रेस तो ऐसे बहुत सारी होती है पूरे साल में। 2017 में सबसे ज्यादा जो रेस जीती थी किसने जीती थी, लेविस हैमिल्टन ने, 4 टाइम ये बने वर्ल्ड चैंपियन, सबसे ज्यादा बार इन्होंने जीती थी। ये पूरी विकीपीडिया में लिस्ट दी हुई है, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलियन हो गई, चाइनीज हो गई, बहराइन हो गई, 20 की 20 है इनमें, याद रखना तो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ये जरूर याद रख सकते हैं आप कि जो विनिंग ड्राइवर है सबसे ज्यादा में आपको मिलेंगे कौन, लेविस हैमिल्टन, ये देखिए देख सकते हैं आप। तो अगर मान लीजिए कोई एग्जाम में आपसे पूछा है, तो मतलब अगर नहीं याद आ रहा हो तो एक बार लेविस हैमिल्टन लगा सकते हैं, आधे से ज्यादा में तो इन्होंने ही जीता है, तो ये वाली बात है यहाँ पे। और एग्जैक्टली बहुत सारी चीजें इसमें याद रख पाना मुश्किल है थोड़ा। लेविस हैमिल्टन कहाँ के हैं ये जरूर याद रखिएगा, ये ब्रिटेन के हैं ये, और एक सेबेस्टियन वेटल है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, दो तीन बस इसमें देख लीजिए, बाकी तो इसमें बहुत बड़ी लिस्ट है। फिर देखिए ये कुछ और एक आध न्यूज है, गोपी थुनाकल जो कि केरला के, इन्होंने एशियन मैराथन जीता है, पहले इंडियन बन गए एशियन मैराथन चैंपियनशिप जीतने वाले। सतनाम सिंह बमारा, इनको 2015 में यहाँ पे NBA में शामिल कर लिया गया था, नेशनल बास्केटबॉल एकेडमी, जो कि कहाँ की है, ये मेन की प्रोफेशनल बास्केटबॉल लीग है, नॉर्थ अमेरिका बेस्ड है ये, और सबसे बड़ी प्रोफेशनल बास्केटबॉल लीग मानी जाती है। तो पहले सबसे कौन थे, 2015 में बने थे सतनाम सिंह बमारा, फिर आपके बने ये आपके पलप्रीत सिंह ब्रार, और थर्ड नंबर पे थे अमजोत सिंह बने थे, थर्ड तीसरे इंडियन बने थे, तीसरे भारतीय बने थे NBA में शामिल होने वाले। एक और न्यूज थी, गोकुल नतेसन करके हैं ये इंडियन ओरिजिन प्लेयर है, जो कि जिनको कि NBA जी लीग ने साइड किया था, तो ये है इंपॉर्टेंट न्यूज। प्रो रेसलिंग जी लीग में अगर आप देखेंगे तो सीजन 2 हुआ था 2017 में, सीजन 3 तो अभी शायद 2018 में ही खत्म हुआ है, अभी जनवरी में, दोनों बार ही पंजाब रॉयल्स जीता है, दोनों बार ही उसने हरियाणा हैमर्स को हराया है, तो ये वाली बात यहाँ पे है। फिर देखिए कुछ प्लेयर बहुत ज्यादा चर्चा में थे, उनको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे किदंबी श्रीकांत, इन्होंने 4 जो सुपर सीरीज है, 4 मतलब 5ों में पार्टिसिपेट किया था, उनमें से 4 तो यही जीत गए, सुपर सीरीज जो बैडमिंटन में आपकी होती है, ठीक है, फ्रेंच ओपन भी इन्होंने जीती है किदंबी श्रीकांत ने, डेनमार्क ओपन भी जीती है, ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीती है, इंडोनेशियन ओपन भी जीती है, सिर्फ सिंगापुर ओपन में ये हार गए थे, किससे हार गए थे, BSI प्रणीत से, जो कि इंडिया के ही हैं। तो 4 जो सुपर सीरीज हैं, ये 4ों के विनर कौन है, किदंबी श्रीकांत, और 5वीं जो हार गए थे ये सिंगापुर ओपन, उसके कौन है, BSI प्रणीत, बहुत इंपॉर्टेंट है। PV संधू के लिए भी ये भी काफी चर्चा में रही है 2017 में, देखिए इन्होंने ये 3 तो जीते थे, सैयद मोदी इंटरनेशनल जीता था, इंडियन ओपन आपका जीता था, आपका कोरिया ओपन जीता था, कोरिया ओपन जीतने वाली तो पहली भारतीय बन गई है ये, और इसके अलावा ये रनर अप भी रही थी किसमें, 2017 में वर्ल्ड चैंपियनशिप में, नोजामी ओकुहारा ये जापान के प्लेयर है, उनसे ये हार गई थी, और 2017 में फिर हांगकांग ओपन में भी ये रनर अप रही है, सुपर सीरीज फाइनल में भी रनर अप रही है। तो PV सिंधु पहली इंडियन बैडमिंटन प्लेयर बन गई जिन्होंने कोरिया ओपन सुपर सीरीज जीता, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जापान को हराया था। फिर देखिए एक बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन जो वर्ल्ड चैंपियन होता है, चैंपियनशिप होती है 2017 में, मेन सिंगल किसने जीता था, विक्टर एलेक्सन ने, वुमेन सिंगल जीता था नोजोमी ओकुहारा ने, डबल्स को याद रखने की जरूरत नहीं है। खैर ये और एक न्यूज है कि चाइनीज कंपनी जो अलीबाबा है, उसने ये ओलंपिक गेम की 11 साल के लिए $1 बिलियन की डील करी है, तो ये है अभी। और देखिए ये अभी पहला पार्ट था स्पोर्ट्स का, पूरा नहीं बन पाया है अभी, और ये ओवरऑल जो हम लोग टोटल करंट अफेयर कर रहे हैं उसका तीसरा पार्ट है, इससे पहले 2 पार्ट में दे चुका हूं, ठीक है, इससे पहले 2 पार्ट में दे चुका हूं, दोनों पार्टों के वीडियो आप देख लीजिएगा जरूर। और ये जो स्पोर्ट्स करंट अफेयर है, ये वाला पहला पार्ट था, 1 पार्ट और लगेगा फिर उसमें हो जाएगा। तो अब ऐसे ही सेक्शन वाइज करके कर रहा हूं कि पहले स्पोर्ट्स, जैसे मैंने एक पहले वाले में पूरा बता दी थी, जितनी भी 2017 में कमिटीज बनाई गई हैं, ठीक है, जितनी भी आपकी रिपोर्ट्स आई थी वो बता दी थी। सेकंड वाले में मैंने और भी काफी सारी चीज बता दी थी कि जितने सारे एप्स आए हैं वो सब चीजें, कौन कौन सी वेबसाइट है, कौन कौन से पोर्टल बने। थर्ड वाले में आपको बता दे रहा हूँ स्पोर्ट्स वाली चीजें। तो ये ऐसे करके हम लोग सेक्शन वाइज कर लेंगे, और करीबन अभी 8 क्लासे और लगेंगी, टोटल मिला के 11 क्लासों में आपका 2017 का, मतलब इवन 1 जनवरी 2017 से लेके आपका 31, यहां पे मैंने बोला था
कि 2019 वाला जो आईसीसी का वर्ल्ड कप होगा वो तो इंग्लैंड वेल्स में होगा, 2022 वाला मैंने बताया था आपको कतर, वो गलती से आ गया था वहां पे, वो नहीं होना चाहिए। 2023 में वर्ल्ड कप होगा, अभी तक ये नहीं डिसाइड हुआ है कि कहां पे होस्ट होगा, ठीक है। तो ये एक चीज होगी। तो दूसरी एक चीज मैंने गलत बोल दी थी थर्ड वाले पार्ट में, कि जो ओप्पो है, ओप्पो चाइनीज कंपनी, वो है ऑफिशियल जो इंडियन टीम है उसकी स्पॉन्सर, ये गलत है। नहीं, ये सही है, मतलब मैंने वीवो बोला था, ठीक है। तो वीवो किसकी स्पॉन्सर है? वीवो आईपीएल की है, लेकिन जो ओप्पो है वो किसकी है? वो मेन इंडियन टीम की जो स्पॉन्सर है। तो ये दोनों चीजें आप याद रखिएगा, पूछ सकते हैं ये भी एग्जाम में। ये सब हम लोग देख चुके हैं थर्ड वाले पार्ट में। अब चलिए फोर्थ वाले में कर लेते हैं इसमें स्टार्ट। ये सब हम मैं बता चुका हूं पूरा यहां तक, ये भी हो चुका था, यहां तक पूरा हो चुका था, ठीक है। किदंबी श्रीकांत का हम लोगों ने देख लिया था कि किदंबी श्रीकांत ने 2017 में 4 ओपन सुपर सीरीज जीती हैं, फ्रेंच, डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया। और जो सिंगापुर ओपन सुपर सीरीज है वो किसने जीती है? बी साई प्रणीत ने, वो भी इंडिया के ही नहीं जीती थी, ये किदंबी श्रीकांत को हरा के। पीवी सिंधु ने 2017 में क्या क्या जीता है? सैयद मोदी इंटरनेशनल वाला जीता है, इंडियन ओपन और कोरिया ओपन। कोरिया ओपन जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है ये, और इनके प्लस रनर अप वाले भी आप याद रख सकते हैं। वर्ल्ड चैंपियनशिप में इनको हराया था नोजोमी ओकुहारा ने, जापान के हैं जो, और प्लस सुपर सीरीज फाइनल में भी और प्लस हांगकांग ओपन में भी ये रनर अप रही है, ठीक है। ये वाली चीज भी हम डिस्कस कर चुके थे, यहां तक पूरा डिस्कस हो चुका था। देखिए ये एक दो क्वेश्चन भी मैं लाया हूं आपके लिए, ताकि आप लोग भी थोड़ा बहुत इन्वॉल्व हो सके। एक ही क्वेश्चन, वैसे मैं इसके आंसर दे दूंगा वीडियो के लास्ट तक। एक टारगेट ओलंपिक पोडियम बनाया गया है, इसका ये मतलब है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो यूनियन गवर्नमेंट है उन्होंने बोला है कि अब तो 2020 और 2024 में हमको ओलंपिक गेम्स में पदक लाने ही लाने हैं। तो उसके लिए कमिटी बनाई गई है, उसमें बहुत सारे मेंबर हैं, लेकिन उसको हेड कौन कर रहा है वो आप बताएंगे। 4 ऑप्शन दिए आपके पास, 1, 2, 3, 4, ठीक है। दूसरा एक और एक आप ये देख लीजिए, इसका भी मैं जवाब दे दूंगा। देखिए इंडिया की रैंक क्या थी? वाडा, ठीक है, एंटी डोपिंग जो एजेंसी है वर्ल्ड की, जिसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल में, उसके हिसाब से 2015, 2014 और 2016 में 3 साल में लगातार जो इंडिया की रैंक है वो रही है। और ये 2015 में कितनी रैंक रही है वो आप बताएंगे इन चारों ऑप्शन में से। फिर देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, एशियन कबड्डी चैंपियनशिप हुई थी 2017 में। उन दोनों के क्वेश्चन के आंसर मैं बता दूंगा वीडियो के लास्ट तक। एशियन जो कबड्डी चैंपियनशिप हुई थी 2017 में, दोनों में ही भारत जीता है, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख दिया मैंने यहाँ पे। पुरुषों में भारत ने पाकिस्तान को हराया है, महिलाओं में भारत ने किसको हराया है? साउथ कोरिया को। तो जरूर याद रखिएगा, एशियन कबड्डी चैंपियनशिप जो 2017 में हुई है, ठीक है, दोनों में ही भारत जीता है। कबड्डी में वैसे भी ज्यादातर भारत ही जीतता है, आप कभी भी देख लीजिए उठा के, ठीक है। तो एशियन कबड्डी चैंपियनशिप में भारत जीता है, और ये हुई कहां पे थी? हुई थी आपकी ईरान में। और महिलाओं में भी पुरुषों में भी दोनों में भारत जीता है, पुरुषों में पाकिस्तानियों को हराया है, महिलाओं में साउथ कोरिया को हराया है, ठीक है। इसमें अजय ठाकुर का काफी बड़ा रोल था, तो ये वाली बात है इसमें। फिर देखिए एक ऐसा इकलौता कैप्टन बन गया है विराट कोहली जी, जिन्होंने एक कैलेंडर ईयर में 10 इंटरनेशनल 100 मारे हैं, 10 शतक लगाए हैं इन्होंने। विराट कोहली ऐसे पहले कैप्टन बन गए हैं जिन्होंने एक ही साल में 10 शतक लगाए हैं, ठीक है। 10 में से 6 ओडीआई में लगाए, 4 टेस्ट में लगाए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इवन इन्होंने सुनील गावस्कर के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है 11 शतक लगाने की एज अ इंडियन टेस्ट कैप्टन। तो ये भी आप जरूर याद रखिएगा। देखिए ये एमपीपीसीएस सीजीपीएससी जो 18 फरवरी को आने वाला है, आरओ और प्लस यूपी पुलिस सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, मैं सब कुछ कवर कर रहा हूं इस सीरीज में पूरी, ठीक है। और प्लस जो लास्ट वाले पार्ट होंगे वो पूरी तरह से यूपीएससी फोकस्ड होंगे। इसके अलावा देखिए जो यूपीएससी के लिए एनवायरमेंट करंट अफेयर होगी पूरे साल भर की, प्लस और भी आपकी जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी वाली करंट अफेयर होगी वो भी मैं दे दूंगा आपको यूपीएससी से पहले, काफी पहले, ठीक है। अब देखिए डोपिंग की बात चल रही थी, मैंने आपको बताया था कि डोपिंग के लिए ऐसा है कि इंडिया अगर आप देखें तो पूरी दुनिया में डोपिंग का मतलब ये होता है कि कुछ रिस्ट्रिक्टेड होते हैं पदार्थ, उनको ये लोग ले लेते हैं, जो भी कॉम्पिटिटर्स होते हैं ये आपके, ठीक है, एथलेटिक्स वाले हो गए, वेट लिफ्टिंग वाले हो गए, ये लोग इसलिए ले लेते हैं कि थोड़ी ज्यादा इनको शक्ति मिल जाए, थोड़ी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सके। पूरी दुनिया में मतलब एक तरह से चीटिंग ही होती है ये। तो पूरी दुनिया में अगर आप देखेंगे तो अभी जो रैंक ये रिपोर्ट आई है, ठीक है, उसमें रशिया है नंबर वन पे। रशिया वाले लोग सबसे ज्यादा चीटिंग करते हैं, इवन वहां पे स्टेट स्पॉन्सर्ड जो भी चीटिंग होती है ये। अभी इनको इसलिए बैन भी कर दिया गया है, देखिए विंटर ओलंपिक से भी बैन कर दिया गया है, विंटर पैरालंपिक से भी बैन कर दिया गया है। ये दोनों के वेन्यू मैं बता चुका हूं कि कहां पे होंगे, आप कमेंट करके बताइए कि विंटर जो पैरालंपिक्स और विंटर जो ओलंपिक्स होने वाला है वो पहली बात तो किस ईयर में होगा अभी लेटेस्ट जो आने वाला है, और प्लस दूसरी बात तो कहां पे होगा।
है। तो रशिया, अगर आप देखें, ये वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी की एक रिपोर्ट आई थी एंटी डोपिंग रूल वायलेशंस की 2015 के लिए, ठीक है, उसमें इंडिया की भी रैंकिंग 3 साल तीसरी है ये, लगातार 3 बार, मतलब सबसे ज्यादा लोग चीट करते हैं रशिया के, सेकेंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे इंडिया के, इंडिया के भी 117 लोगों ने चीट किया है। मतलब कुल मिला के गलत तो है ही, और ये जो भी चीजें ऐसी लेते हैं, जो भी जो बैन है, और उसके लिए देखिए रशिया के ऊपर तो बहुत ही ज्यादा है, वहां पे तो 5 पहले खिलाड़ियों को बैन किया गया, फिर उनकी ओलंपिक टीम को बैन कर दिया गया 2018 में, जो विंटर गेम्स होने वाले हैं, ठीक है, कहां पे होने वाले हैं, देखिए आपका आंसर मिल गया, ठीक है, और प्लस इसको पैरालंपिक में भी बैन कर दिया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। अब देखिए इंडिया में 117 प्लेयर को बैन किया गया है, उसमें से सबसे ज्यादा लोग कहां पे डोपिंग करते हैं, वो होता है वेट लिफ्टिंग में, और सेकंड हाईएस्ट जो है लोग चीट करते हैं, यानी कि डोप लेते हैं कि ड्रग्स लेते हैं एथलेटिक्स में। कुछ छोटी छोटी जो ये इसमें न्यूज देख लेते हैं, कुछ कमेटी एमिटी बनी थी स्पोर्ट्स की। देखिए पंजाब के जो चीफ सीएम है अमरिंदर साहब, अमरिंदर सिंह जी, उन्होंने एक ओलंपियन है रणधीर सिंह, उनके अंडर एक कमेटी बनाई थी, ताकि कैसे एक बहुत बड़ी जो स्पोर्ट यूनिवर्सिटी बन रही है पटियाला में, उसको कैसे बनाया जाए, उसको कैसे सेटअप किया जाए, उन सभी चीजों को देखने के लिए। फिर देखिए कि ये कमेटी बनाई गई थी आपकी AIFF स्पेशल कमिटी, देखिए इसका ये मतलब है, देखिए जो खिलाड़ी है जितने भी, वो एक टीम के साथ नहीं खेलते हैं, कभी एक एक्स टीम के साथ खेलेंगे, कभी वाई टीम के साथ खेलेंगे, तो इन्हीं सब इश्यूज पे डिस्कस करने के लिए, इन्हीं सब इश्यूज पे डिलिब्रेट करने के लिए, डिस्कशन करने के लिए कमिटी बनाई गई है। किसकी अंडर में? उषा नाथ बनर्जी की। तो उषा नाथ बनर्जी जो किससे रिलेटेड है? AIFF। AIFF का फुल फॉर्म क्या है आप बताइए लिख के, AIFF मतलब फुटबॉल से रिलेटेड है ये, ठीक है। तो उषा नाथ बनर्जी कमेटी किस चीज के लिए? इंडियन फुटबॉल के ट्रांसफर इश्यूज को देखने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। फिर देखिए ये एक लोधा कमेटी बनाई गई थी बीसीसीआई के अंडर में, अब उनके बहुत सारे जो प्रोविजंस हैं उनको नहीं माना जा रहा था, तो इसीलिए एक राजीव शुक्ला को फिर से इनका ये बनाया गया कि जो लोधा के जो भी रिफॉर्म थे उनको ये देख सकें, ठीक है, ये वाली बात आप याद रखिएगा। उसके बाद स्काउट्स एंड गाइड कमेटी एक बनाई गई है, और ये इसके अध्यक्ष कौन थे? हरीश मल्होत्रा, ठीक है। तो ये किसके? मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड अफेयर्स में आएगा, ठीक है, ये वाली बात ठीक है। और इसमें जो ये दो टाइप की स्काउट हैं, जैसे भारत स्काउट एंड गाइड और हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड, उसमें जो भी सुधार करना जरूरी उन सभी चीजों की बातें की जाएंगी, कैसे मैनेजमेंट को सुधारा जाए, कैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट को सुधारा जाए, ये सभी चीजें उसमें कुछ कुछ बताई भी गई चीजें कि कैसे आप संगठन को व्यवस्थित रख सकते हैं, कैसे एक स्थायी निगरानी समिति होनी चाहिए, दोनों जो संस्थाएं हैं उनके बोर्ड में एक गवर्नमेंट वाला प्रतिनिधि होनी चाहिए, और ये वाली बातें। तो ये देखिए क्वेश्चन इसमें ये आ सकता है कि जो हरीश मल्होत्रा की कमेटी किससे रिलेटेड है? ये स्काउट्स एंड गाइड से रिलेटेड है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसके बाद देखिए एक नेशनल स्पोर्ट डेवलपमेंट कोड डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट ने पहले बनाया था ये इंजेती श्रीनिवास के अंडर में कमिटी, लेकिन फिर ये बदल गए, इस समय हो गया राहुल भटनागर जी, इनके अंडर में है ये नेशनल स्पोर्ट्स डेवलपमेंट कोड। ये कमिटी किस लिए बनाई जा रही है? ताकि इंप्रूवमेंट लाया जा सके, जितने भी नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन है इंडिया में उनकी फंक्शनिंग को ठीक किया जा सके, उसमें और ज्यादा से ज्यादा इंप्रूवमेंट लाया जा सके। फिर देखिए ये है, इसके बाद इंडिया में ये अगर आप देखें तो अभी जो वर्ल्ड की यूथ वर्ल्ड यूथ बॉक्सिंग हुई थी उसमें इंडिया ने 5 गोल्ड जीते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। AIBA की जो वर्ल्ड वुमेन की मतलब महिलाओं की जो यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप हुई थी उसमें इंडिया ने पहली बार ओवरऑल चैंपियन बना है, ठीक है, और इसमें इससे पहले इंडिया ने सिर्फ 1 ब्रॉन्ज जीता था, लेकिन इस बार ये पूरी तरह से चैंपियन बना है। और ये वाला जो टूर्नामेंट हुआ था कहां पे हुआ था? असम में, ठीक है। कौन सा टूर्नामेंट है ये? AIBA वर्ल्ड वुमेन्स यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप। उसके बाद देखिए श्रीलंका में जो टूर हुआ था इंडिया का 2000, श्रीलंका टीम का मतलब इंडिया में जो टूर हुआ था उसमें टेस्ट भी खेले गए थे, वनडे भी खेले गए थे, और ये T20 भी खेले गए थे। हालांकि इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार देख लीजिए। देखिए जो टेस्ट सीरीज में कितना हुआ था, इंडिया जीत गई थी 1-0 से, और उसके प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन बने थे? विराट कोहली, बस इतना याद रखिए उसमें। फिर उसके बाद वनडे वाली जो सीरीज हुई थी उसमें इंडिया जीत गई थी 2-1 से, और उसके प्लेयर ऑफ द सीरीज बने थे शिखर धवन। उसके बाद जो T20 वाली सीरीज हुई थी उसमें भी इंडिया जीती थी 3-0 से, और उसके प्लेयर ऑफ द सीरीज बने थे जयदेव उनादकट, ठीक है। एक बात और है ये कि पूरी दुनिया में आर अश्विन ऐसे बन गए हैं बॉलर जिन्होंने सबसे जल्दी 300 विकेट ली है टेस्ट की क्रिकेट की हिस्ट्री में। 54वें मैच में ही आर अश्विन ने 300 विकेट ले लिए हैं टेस्ट क्रिकेट मैच की हिस्ट्री में। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड है। आर अश्विन के नाम पे और भी बहुत सारे रिकॉर्ड है, किसी को कोई अगर क्रिकेट का दीवाना हो तो जरा लिख दे कमेंट में, ताकि बाकी लोगों को भी थोड़ी इंफॉर्मेशन मिल सके।
फिर देखिए 2017 में जो अभी अबू धाबी की ग्रांड प्रिक्स हुई थी, इसमें बस आपको याद रखना है जीता कौन था, वाल्टेरी बोटास, ठीक है। फिर देखिए ये नेक्स्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, इंटरनेशनल मिलिट्री गेम्स जो होने वाले हैं सातवें, वो कहां पे होंगे, चाइना में होंगे, चाइना के हुबेई प्रोविंस में होंगे, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जितने भी जो मिलिट्री गेम्स है, जैसे इंटरनेशनल जो मिलिट्री गेम्स है, मिलिट्री वाले लोग जो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, अब ये होंगे 2019 में, 2019 में होंगे और कहां पे होंगे, चाइना में होंगे। तो क्वेश्चन बस यही आ सकता है कि जो सातवें इंटरनेशनल मिलिट्री गेम्स है वो कहां पे होने वाले हैं, चाइना में होने वाले हैं, 2019 में होंगे, हुबेई प्रोविंस में, ठीक है। तो वर्ल्ड की ये मिलिट्री वर्ल्ड गेम्स है, ये मतलब टॉप ये स्पोर्ट इवेंट माना जाता है मिलिट्री पर्सनल के लिए। 329 कॉम्पिटिशन होंगे, 27 कैटेगरी होंगी, 8,000 से ज्यादा इसमें पार्टिसिपेट होंगे। उसके बाद देखिए ये इंडिया के जो पैडलर हैं, ठीक है, ये जी सत्यन, इन्होंने जापान के कुजुरिको को हरा दिया था और ये मेन सिंगल गोल्ड मेडल जीत गया था 2017 ITTF चैलेंज स्पेनिश ओपन में, ये वाली बात है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, इंडिया ने 10 मेडल जीते हैं पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में, उसमें से 2 गोल्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में इंडिया ने 10 मेडल जीते हैं, ठीक है। इंडिया के पारुल परमार ने हराया था थाईलैंड के को, और प्लस एक और है परमार ने, एक ये जापान के है अकीको सुगिनो के साथ भी गोल्ड जीता है। तो ये वाली बात है, पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में कितने जीते हैं, इंडिया ने 10 मेडल जीते हैं, ठीक है। ये मतलब डायरेक्टली जो MPPCS टाइप के फैक्चुअल टाइप के एग्जाम होते हैं उसमें यही पूछ लेते हैं कि मान लो यही पूछ लिया कि इंडिया ने कितने मेडल जीते थे पैरा बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में, तो 10 जीते थे, 2 गोल्ड जीते थे, बस ये इंपॉर्टेंट वाली चीज आप जरूर याद रखिए। गवर्नर्स जो गोल्ड कप हुआ था उसको जीता किसने, मोहन बागान ने, ठीक है। फुटबॉल का क्लब है ये, फुटबॉल का क्लब है मोहन बागान, उसने 37वां ऑल इंडिया गवर्नर्स गोल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट जीत लिया, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है। तो मोहन बगान ने किसको हराया, पर्था चक्र को, और 37वां ऑल इंडिया गवर्नर्स गोल्ड कप जीत लिया इन्होंने। इसी के साथ इन्होंने 10वीं बारी वाला कप जीता है, और ये जो फाइनल मैच हुआ था कहां पे हुआ था, गैंगटॉक सिक्किम में हुआ था। उसके बाद देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कविता देवी ऐसी पहली भारतीय महिला बन गई, पहली भारतीय महिला रेसलर बन गई जिन्होंने WWE के साथ करार किया है, और ये वैसे है कहां की, ऑब्वियसली बात है हरियाणा की ही होंगी ये, और इनको जो प्रोफेशनल रेसलर मतलब किसके गाइडेंस में मिला था ये सब, ये खली की कुल मिला के गाइडेंस में है, और प्लस इन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता था 2016 के साउथ एशियन गेम्स में। तो काफी इंपॉर्टेंट है ये पूछा जा सकता है आपसे डायरेक्टली कि कौन है पहली भारतीय महिला रेसलर जिसने साइन किया WWE के साथ, उनका नाम है कविता देवी, या फिर ये पूछ सकते हैं ज्यादा से ज्यादा कि वो कहाँ की है, तो वो कहाँ की है, हरियाणा की है, ठीक है, बस इससे ज्यादा नहीं पूछेंगे। अगर और भी उसमें घुस गए कि और भी किसके अंडर गाइडेंस में किया, तो द ग्रेट खली, और इन्होंने 2016 में साउथ एशियन गेम्स जीता था, यही वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। फिर देखिए श्री संत पे जो लाइव बैन लगाया था इन्होंने, ये BCCI ने स्पॉट फिक्सिंग के मामले में 2015 में, उसमें फिर ये हाईकोर्ट ने बोला है कि ये जो जैसे BCCI का निर्णय है उनके खिलाफ नहीं जाएंगे हम, लाइव बैन जो है कंटिन्यू रहेगा। और प्लस अभी अगर आप लेटेस्ट इसमें देखेंगे तो ये जो श्री संत जी हैं, अभी कल परसों की बात है, सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने अपील की है, क्योंकि कोर्ट ने बोला है इससे पहले वाले डिसीजन में कि जुडिशियल रिव्यू नहीं करना चाहिए जो भी BCCI ने इम्पोज किया है बैन। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है बिल्कुल कि पूरी दुनिया में हाईएस्ट अर्निंग क्रिकेट कोच कौन है, इस समय है रवि शास्त्री, मतलब आप यकीन नहीं मानेंगे इसमें, अगर आपको नहीं पता होगा, मुझे भी अभी जैसे मैं देख रहा था तो मुझे यकीन नहीं हुआ इस चीज का कि इनकी जो सैलरी है वो कोहली से भी ज्यादा है, मतलब $1.17 million पर ईयर कमाते हैं ये, और इनकी जो सैलरी है इंडियन क्रिकेट टीम के जो कैप्टन है कोहली से भी ज्यादा है, और ये वाली सिर्फ सैलरी है, इसके अलावा जो इनको एडवर्टाइजमेंट मिलते हैं इतने सारे, उससे पैसे मिलते हैं, वो सभी चीजें अलग है। सेकेंड नंबर पे जो कोच है वो है ऑस्ट्रेलिया के डरेन लेमन। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हाईएस्ट जो अर्निंग कोच है पूरी दुनिया के कौन है, रवि शास्त्री जी। देखिए इंडिया के मेन कोच रवि शास्त्री है, बॉलिंग कोच कौन है, प्लस फील्डिंग कोच कौन है, प्लस असिस्टेंट कोच कौन है, ये सब मैं इससे पहले वाली वीडियो में बता चुका हूं, ठीक है। उसके बाद फिर ये है मैक्स वेस्टापेन, इन्होंने जीता है मैक्सिकन ग्रांड प्री टाइटल ये, और लेविस हैमिल्टन को मिला है 2017 का फॉर्मूला वन चैंपियनशिप टाइटल, बहुत इंपॉर्टेंट है, चौथी बार मिला इनको। अच्छा लेविस हैमिल्टन है कहां के वैसे, ये आप बता दीजिए। फिर इसके बाद देखिए वेस्ट बंगाल ने बोला है कि ये फुटबॉल सेंटर बनाने के लिए 15 एकड़ का लैंड देंगे ये, और 1 रुपए की लीज पे देंगे ताकि नेशनल सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाया जा सके, काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो ये ऐसे आ सकता है किस स्टेट ने दिया है लीज पे फुटबॉल सेंटर बनाने के लिए, तो वो दिया है वेस्ट बंगाल ने, पश्चिम बंगाल ने।
इंडिया की टेबल टेनिस जो प्लेयर है दिया चिताले, इन्होंने अभी सिल्वर मेडल जीता है 2017 का ITTF वर्ल्ड कैडेट चैलेंज में सुआ फीजी में जो कि हुआ था, ठीक है। तो इंडिया की टीटी प्लेयर है दिया चिटाले, ये देखिए ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं लेकिन फिर भी एक बार याद, अगर मान लीजिए ये आपसे पूछ लिया गया कि दिया चिटाले जो है वो कहां से संबंधित है, किस चीज से संबंधित है, किस खेल से है, तो वो टेबल टेनिस की प्लेयर है, ठीक है। वो है कहां से, मुंबई की है वो, और ये इकलौती ऐसी प्लेयर थी जिन्होंने एशिया को रिप्रेजेंट किया था और इन्होंने एक टीम इवेंट मतलब एशिया की हुई थी उसमें भी गोल्ड मेडल जीता है। तो ये टीटी की प्लेयर है दिया चिताले, इन्होंने जीता है 2017 का ITTF वर्ल्ड कैडेट चैलेंज जो कि हुआ कहां पर था, सुआ फीजी। इसीलिए मैंने इंपॉर्टेंट जो मुद्दे वाली चीजें वही लिखी है बस। देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट है, अभी कॉमनवेल्थ शूटिंग चैंपियनशिप हुई थी, हुई कहां पे थी, हुई थी ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में, और इसमें इंडिया की जो शूटर है हिना सिद्धू, इन्होंने जीता है गोल्ड, काफी इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये पूछा जा सकता है एग्जाम में आपसे कि जो हिना सिद्धू है किस खेल से संबंधित है, शूटिंग से संबंधित है, ठीक है। और इंडिया के जो दीपक कुमार है उन्होंने जीता था ब्रॉन्ज, तो ये किस खेल से संबंधित है, ये भी शूटिंग से। और कॉमनवेल्थ शूटिंग चैंपियनशिप हुआ कहा था ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। देखिये पूरे जितने भी 2018 में जो खेल होने वाले हैं उन सबके वेन्यू मैं बता चुका हूं इससे पहले वाले वीडियो में, वो जरूर देख लीजिएगा क्योंकि कॉमनवेल्थ 2018 कहां पे होगा ये आपको पता होना चाहिए, विंटर ओलंपिक 2018 कहां पे होगा ये भी आपको पता होना चाहिए, और 2018 में और कौन कौन सी मेजर इवेंट होने वाली है क्योंकि एशियन गेम्स होने वाले, काफी सारी चीजें होने वाली है, सब मैं इससे पहले बता चुका हूं। फिर देखिए जसप्रीत बुमराह, ये जो है इनकी रैंकिंग वन स्पॉट आ गई थी अक्टूबर 2017 में, लेकिन अभी कितनी रैंक पे है, अभी इनकी चौथी रैंक है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आप याद रखिएगा क्योंकि देखिए आईसीसी की जो रैंकिंग है वो तो बदलती रहती है डे वाइज ही, मतलब डे वाइज नहीं मंथली मंथली तो बदलती रहती है, काफी टाइम पे बदलती रहती है। तो ये इंडिया की कौन सी रैंकिंग चल रही है ओडीआई में T20 में, मेरे हिसाब से तो ऐसे सवालों को लेटेस्ट ही देख लो आप तो सही है। अभी जैसे आप ओडीआई में अगर बैटिंग में बात करें तो कोहली है नंबर वन पे, और बॉलिंग में है इमरान ताहिर, ठीक है, साउथ अफ्रीका का। और अगर आप बात करेंगे इसमें ऑस्ट्रेलिया का, सॉरी आईसीसी का ओडीआई ऑलराउंडर कौन है इस समय, जो लेटेस्ट रैंकिंग आई है, शाकिब अल हसन जो कि बांग्लादेश का है। और उसके बाद T20 में अगर बैटिंग की बात करें तो कौन है, बाबर आजम पाकिस्तान का T20। बॉलिंग में अगर आप बात करेंगे तो है मिशेल सेंटनर करके न्यूजीलैंड का, और जसप्रीत बुमराह है इस समय फोर्थ नंबर पे इंडिया आईसीसी T20 बॉलिंग में। और ऑलराउंडर में कौन है आईसीसी T20 में नंबर वन पे, शाकिब अल हसन। तो ये है कुल मिला के ये सब चीजें, ठीक है। ये वाला थर्ड पार्ट फोर्थ पार्ट था, ये इससे पहले वाले जो आप तीन पार्ट है वो जरूर देख लीजिएगा। और देखिए जो मैंने बोला था आपसे क्वेश्चन का आंसर दे देता हूं, वो तो आंसर तो आपको मिल ही गया होगा। ये वाली जो है देखिए, ये टोटल 10-11-12 वीडियो बनाऊंगा मैं, और ये आपके 18 फरवरी से पहले ही खत्म हो जाएंगे। जो भी लोग MPPCS दे रहे हैं या फिर CGPCS दे रहे हैं या फिर जो अभी यूपी पुलिस का है उसकी तैयारी कर रहे हैं या फिर RO की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वाली जो न्यू पूरी सीरीज है इसको जरूर देख लीजिएगा। इसके लिए मैंने एक प्लेलिस्ट भी बना दी है, ठीक है, प्लेलिस्ट इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक मैंने प्लेलिस्ट बनाई करंट अफेयर्स 2018, ठीक है, फुल ईयर करंट अफेयर्स की बनाई प्लेलिस्ट, आप उसको देख लीजिएगा। वो जितनी भी मैं वीडियो है सब मैं उसी में डायरेक्टली एड करता जा रहा हूं ताकि आप लोग वहीं से देख लें। और दूसरी बात यह है कि जो लोगों ने भी ये टेलीग्राम में हमारा ग्रुप में ज्वाइन किया है, जो टेलीग्राम में पब्लिक चैनल है उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि यूट्यूब में नोटिफिकेशन नहीं आता है। टेलीग्राम जो चैनल है उसमें अगर आपको कोई भी चीज चाहिए होती है, कोई भी PDF या फिर कोई भी वीडियो, जो भी फ्री वाली चीजें सब उसमें आपको शेयर कर दी जाती है, और या फिर इवन कोई भी मेरा वीडियो मैं उसमें जरूर शेयर करता हूं, तो वो वाला ग्रुप आप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम में पब्लिक चैनल है, उसकी लिंक दी हुई डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। देखिए इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, टारगेट ओलंपिक पोडियम की अध्यक्षता कौन करेंगे, अभिनव बिंद्रा कमिटी करेगी। और ये बेसिक बात यही है कि 2020 और 2024 में ओलंपिक गेम्स में हमको पदक लाना है, उसी के लिए सरकार ने बनाई है। इंडिया की रैंक कौन सी थी, ये वाली का आपने अब तो समझ ही गए होंगे, थर्ड रैंक थी ये, ठीक है। नंबर वन पे कौन था, रशिया, नंबर टू पे था इटली। तो इसी के साथ समाप्त होती है, प्लीज लाइक और शेयर कर दिया करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। थैंक यू फॉर लिसनिंग, कोई और कमेंट हो तो प्लीज बता दीजिएगा।
ये जो हमारा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ये टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे जितने भी वीडियोस हैं सबके नोटिफिकेशन नहीं आते हैं यूट्यूब में, और सब मैं कब लाइव आने वाला हूँ, कौन सा वीडियो डालने वाला हूँ नया, सबका सब आपको यहीं पे मिलेगा टेलीग्राम में। टेलीग्राम में हर नोटिफिकेशन जाता है, आप इसको तुरंत ज्वाइन कर लीजिए अगर आपको मेरे वीडियोज ये पता भी नहीं लग पाते हैं कि कब आए कब गए, ठीक है। तो और बहुत सारे टॉपिक पे मैं बनाता रहता हूँ, लोग फिर भी पूछते रहते हैं कि मैंने कौन सा बनाया है उस पर कि नहीं। जैसे मैंने इंडियन पॉलिटी बाई लक्ष्मीकांत के करीबन 60% चैप्टर खत्म कर लिए हैं वीडियो बना के, बहुत सारी विपिन चंद्रा के वीडियोस बनाए हैं, प्लस करंट अफेयर्स का ये पांचवा वीडियो हो रहा है ये, और भी बहुत सारी चीजें चल रही हैं, ठीक है। तो ये वाला जरूर इसमें ज्वाइन कर लीजिएगा, और देखिए इसमें आपकी एक प्लेलिस्ट भी बना दी है मैंने। देखिए अगर आप इस हमारे चैनल में जाएंगे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में, ठीक है, तो ये होम है, ये वीडियोस और ये प्लेलिस्ट है। तो प्लेलिस्ट में जाएंगे तो जितने भी एग्जाम्स हैं प्लस जो भी अलग अलग प्लेलिस्ट मैंने सबकी बना रखी है, ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं इसमें। और ये जो है ये करंट अफेयर 2018 वाली जो प्लेलिस्ट है, ये वाला आप प्लेलिस्ट फॉलो करिएगा अगर आप एमपीपीसीएस के लिए या फिर सीजीपीसीएस के लिए या फिर किसी भी एग्जाम्स के लिए जा रहे हैं, और आपको 1 जनवरी 2017 से लेके पूरा 31 जनवरी 2018 तक का करंट अफेयर सब इसी में है। बजट वाले वीडियोज भी इसी में है, पूरे बजट से रिलेटेड जो टॉप क्वेश्चन है वो भी इसी में, ठीक है, सब कुछ इसी में। देखिए बजट के क्वेश्चन है इसमें, प्लस टोटल करंट अफेयर है, प्लस और भी इकोनॉमिक सर्वे है, बेस्ट स्पोर्ट करंट अफेयर है, सब कुछ इसी में, पद्मा अवार्ड है, और भी जो पॉलिटी टेस्ट और इंपॉर्टेंट वाली चीजें। चलिए इसमें स्टार्ट कर लेते हैं फिर, ठीक है, इसमें स्टार्ट कर लेते हैं इसको, और चलो इसको स्टार्ट कर लेते हैं। ये पांचवा वीडियो है, हम लोग ये सब कुछ कर चुके हैं, सब कुछ देख चुके हैं इसमें, ठीक है, ये सब देख चुके हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में मैं बता चुका हूं। अब ये देखिए हम लोगों ने इस वाले में ये जो जो बची खुची खबरें थी वो मैं बता दे रहा हूं आपको, ठीक है, यहां तक हम लोग कर चुके थे कि इंडिया के फास्ट बॉलर जो जसप्रीत बुमराह हैं उनकी अक्टूबर 2017 में रैंकिंग थी चौथी, ठीक है, अभी कोहली है ओडीआई में नंबर वन पे, और बाकी मैंने रैंकिंग आपको बता दी थी इसमें। फिर ये है कि देखिए साइना नेहवाल, मैं इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा, बस फैक्ट फैक्ट वाली चीजें जो भी एग्जाम में आ सकती हैं। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप हुई, उसमें साइना नेहवाल को क्या मिला, ब्रॉन्ज मेडल मिला, और इन्होंने किसको ये किससे हारी थी, ये नोजोमी ओकुरा से, ठीक है, तो ये वाली बस बात आपको याद रखनी है। लास्ट जो एडिशन हुआ था जकार्ता का उसमें साइना ने जीता था सिल्वर। फिर देखिए उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाली न्यूज आप देख लीजिएगा, 2017 का जो सैफ अंडर 15 चैंपियनशिप हुआ था, ठीक है, पहली बात तो उसमें होस्ट कंट्री कौन थी, बस यही पूछा जा सकता है, नेपाल थी। कहां पे हुआ ये, ललितपुर और काठमांडू, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस ये याद रखिए नेपाल थी। 2017 का सैफ अंडर 15 चैंपियनशिप जीता किसने, इंडिया ने जीता, दूसरा टाइटल था, इंडिया ने नेपाल को हरा के जीता, ठीक है, तीसरे नंबर पे आया था बांग्लादेश, बस इतना याद रखिएगा। इसमें फेयर प्ले अवार्ड मिला था इसमें किसको, बांग्लादेश को। तो बस देखिए जो भी ऐसे स्पोर्ट, जैसे आप एमपीपीसीएस का अगर आप पेपर उठा के देखेंगे उसमें अगर क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही आएगा कि सैफ जो अंडर 15 चैंपियनशिप थी वो कहां पे हुई थी, या तो ये क्वेश्चन आ सकता है, या फिर किसने जीती, इंडिया ने जीती थी, क्योंकि हुई कहां पे थी, नेपाल में हुई थी, इंडिया चैंपियन था, नेपाल रनर अप था, थर्ड नंबर पे बांग्लादेश, और भी बहुत ज्यादा पूछ लिया तो फेयर प्ले अवार्ड किसको मिला था, बांग्लादेश को, ठीक है, और टॉप स्कोरर कौन थे, फैसल अहमद, और बेस्ट प्लेयर थे विक्रम प्रताप सिंह, इतना खैर नहीं इसमें पूछेंगे। फिर देखिए ये जो वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप हुई थी इसमें, ये टोटल इसमें देख लीजिए, देखिए मैंने पूरा ये पिक काट पीट के बनाई, इसमें वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2017 की हुई थी, पहली बात तो इसमें नंबर वन पे था चाइना, इतना नहीं पूछेगा कोई, इंडिया से रिलेटेड बस चीजें आप याद रखिए। वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में इंडिया ने दो इसमें मेडल जीते थे, एक जीता था सिल्वर और एक जीता था ब्रॉन्ज। अब देखिए सिल्वर किसने जीता था, सिल्वर जीता था पीवी संधू ने। पीवी संधू ने 2017 में कौन कौन से मेडल जीते थे वो सब मैं पार्ट सेकंड में बता चुका हूं, आप उसको जरूर देख लीजिएगा। और इसमें जीता था ब्रॉन्ज किसने जीता था, साइना नेहवाल ने, जो अभी अभी मैंने बताया आपको। फिर देखिए ये जो बार्सिलोना के ये स्टार हैं लियोनल मेसी, ठीक है, तो पहली बात तो किस टीम के हैं ये, बार्सिलोना के हैं ये लियोनल मेसी, और ये पहले ऐसे प्लेयर बन गए हैं जिन्होंने 350 गोल करे हैं ला लीगा में, तो ये इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे। और ये पूरे यूरोपियन फुटबॉल में इकलौते दूसरे ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने 350 का गोल का जो है वो माइलस्टोन कवर किया है, ठीक है। उसके बाद फिर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट वाली चीज है, ये आ सकती है, ये पूछा जा सकता है आपसे कि जो पहला एडिशन हुआ था ग्रामीण खेल महोत्सव का, ठीक है, ग्रामीण खेल महोत्सव का हुआ था, ये पहली बात कहां पे हुआ था, पहला एडिशन हुआ था 2017 में और ये दिल्ली में हुआ था, ठीक है,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्पज वही था कि जो भी आपके ये इंडिजिनाइज खेल है, जैसे रेसलिंग हो गया, एथलेटिक्स हो गया, और कुछ फन गेम्स होते हैं, मटका रेस हो गया, टग ऑफ वॉर जो आपने स्कूल में खेला होगा, ये सभी सीनियर सिटीजन के लिए आपको ऑर्गेनाइज करना था इसमें, ठीक है। और ये यूनियन जो मिनिस्ट्री है यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स की, वो अभी एक स्पोर्ट टैलेंट सर्च पोर्टल भी करने वाली थी 2017 में ही, ताकि जो भी टैलेंटेड लोग हैं उनको पाया जा सके, ये वाली बात है बस। तो इसमें पूछ क्या सकते हैं आपसे कि जो पहला एडिशन था रूरल गेम्स का, यानी कि ग्रामीण खेल महोत्सव, वो कहाँ पे हुआ था? दिल्ली में। ये बस इंपॉर्टेंट बात है, बस इतना याद रखना है यहाँ पे। फिर दूसरी बात इसमें यह है कि लागोज में जो भी ये, जैसे इंडिया ने लागोज इंटरनेशनल चैलेंज हुआ था, देखिए कहाँ पे हुआ था, नाइजीरिया इंडिया में हुआ था, ठीक है। इंडिया के जो शटलर हैं सी राहुल यादव, इन्होंने सिंगल्स में जीता था, और दूसरा जो मेंस डबल्स में अगर आप देखें तो मनु अट्री और बी सुमित रेड्डी ने जीता था मेंस डबल्स में। खैर ये मेरे हिसाब से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार बता दे रहा हूं कि अगर मान लीजिए कुछ ऐसा वैसा क्वेश्चन पूछ लिया, फिर आप कोई भी, मतलब कोई भी छूटेगा नहीं इसमें। करंट अफेयर जो स्पोर्ट्स का है अभी खत्म है, तीसरा पार्ट में खत्म है। चेक बॉक्सिंग ये टूर्नामेंट हुआ था, इसमें इंडिया ने 5 गोल्ड 2 सिल्वर 1 ब्रॉन्ज जीता था, ये वाली बात है, ठीक है। 48 ग्रांड प्रिक्स ये हुआ था, और कहाँ हुआ था? चेक रिपब्लिक में, चेक गणराज्य में। तो ये वाली बात है, इसमें बस इतना याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। अल्टीमेट टेबल टेनिस चैंपियनशिप, ठीक है, इसके विनर कौन थे? ये इस बार नई, ये आपकी इंडिया में ही ये नई फ्रेंचाइजी स्पोर्ट ली गई है, अल्टीमेट टेबल टेनिस, और इसको जीता किसने? जीता है फाल्कन्स टीटीसी ने। तो इसमें ये पूछा जा सकता है आपसे, अल्टीमेट टेबल टेनिस का चैंपियन कौन बना था पहली बार? वो है आपका फाल्कन सीटीसी, और इसने हराया किसको? शेज चैलेंजर्स को, बस इतना याद रखिएगा। स्वीडिश ओपन हुआ था, उसको किसने जीता? कैटरीना सिनियाकुआ ने, और ये किसकी है? चेक गणराज्य की है, बस इतना याद रख सकते हैं आप। और 2017 का जो स्वीडिश ओपन था, ये नवा एडिशन था वुमेन कैटेगरी में, तो बस इतना आप याद रखिएगा, ठीक है। जॉर्डन में जो आपका हुआ था ये जूनियर कैडेट ओपन टी टूर्नामेंट हुआ था, उसमें इंडिया ने 24 मेडल जीते थे, बस इतना याद रखिएगा बस। और ये हाँ हुआ कहां पे था? अम्मान में। फिर देखिए इसमें ये इम्पोर्टेंट चीज है, देखिए ये एक सेलेब ड्रेसेल है करके, यूएस के हैं ये, इन्होंने एक ही नाइट में 3 गोल्ड मेडल जीते हैं, और ये ऐसा करने वाले पहले स्विमर बने हैं, पहले तैराक बने, इनका नाम जरूर याद रखिएगा। जैसे आप देखें कि अभी तक जो अगर टोटल ये जो अगर आप गोल्ड मेडल की बात करें, तो हाईएस्ट किसके पास है? माइकल फिलिप्स के पास, जो कि यूएस के हैं, ठीक है। अब अगर ये बात करी जाए, एक ही नाइट में 3 गोल्ड मेडल जीतने वाले, एक ही मतलब आप ये समझ सकते हैं, एक ही लगातार सिंगल इवेंट में इन्होंने 3 गोल्ड मेडल जीते हैं, ठीक है। 3 गोल्ड मेडल जीतने वाले कौन है? उनका नाम है सेलेब ड्रेसेल, और ये भी यूएस के ही है, ठीक है, ये बस आपको याद रखना है। तो ये पहले स्विमर बन गए, पहले तैराक बन गए, जिन्होंने लगातार सिंगल इवेंट में 3 गोल्ड मेडल जीते हैं, और इन्होंने ये दूसरे भी ऐसे स्विमर बन गए हैं जो 7 गोल्ड मेडल जीत चुके हैं एक सिंगल वर्ल्ड चैंपियनशिप में, माइकल फिलिप्स के बाद। और वैसे भी अगर आप पूरी दुनिया में भी रिकॉर्ड की बात करेंगे तो माइकल फिलिप्स ही नंबर 1 पे है, ये वाली बात है। देखिए फीबा वुमेन एशिया कप जो हुआ था आपका, बास्केटबॉल से रिलेटेड है ये, ठीक है। तो इंडिया की जो महिलाओं की टीम है उन्होंने कजाकिस्तान को हराया था, बस इतना याद रखना है। अगर आपसे ये पूछा जाएगा एग्जाम में, फीबा वुमेन एशिया कप किसने जीता था? इंडिया ने जीता था। किसको हराया था? कजाकिस्तान को हराया था। कहां पे हुआ था? बेंगलुरु में। बस ये 3 चीजें याद रखनी है, बाकी इसमें कहानी नहीं याद रखनी, कितने गोल किए ये सब चीजें नहीं, ठीक है। तो ये वाली बात है। और इसमें अब इसके साथ अब इसको इंडिया को प्रमोट कर दिया गया डिवीजन ए में। फिर ये इंडिया, ये जो जूनियर स्क्वैश हुआ था उसमें इंडिया ने 6th ओवरऑल फिनिश किया था, गर्ल टीम इवेंट थी ये, और ये हुई कहाँ थी? टोरंगा न्यूजीलैंड में, बस इतना याद रखना है। इंडिया के जो लवप्रीत सिंह है उनको ब्रॉन्ज मेडल मिला था एशिया एशियन यूथ और जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में, जो कि काठमांडू में हुई थी। तो देखिए ये पूछे जा सकते हैं, कई सारे एग्जाम्स जैसे होते हैं आरआरबी और बाकी जो एग्जाम्स हैं उसमें ये पूछ सकते हैं कि लवप्रीत किससे रिलेटेड है, तो वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड है। बस ये वाली चीजें भी याद रखना चाहिए, कई बार एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। धनराज पिल्लई को तो आप जानते ही होंगे, ठीक है, इनको मिला है इस बार भारत गौरव, तो ये पूछ सकते हैं आपको धनराज पिल्लई को कौन सा अवार्ड मिला है, तो ये मिला है भारत गौरव। और ये हॉकी के कैप्टन थे इंडियन हॉकी टीम के, और इसको इनको दिया किसने? ईस्ट बंगाल का जो फुटबॉल क्लब है उसका हाईएस्ट ऑनर है भारत गौरव, तो ये मिला है धनराज पिल्लई को, ठीक है। इसके बाद देखिए ये इंपॉर्टेंट है कि पहले ऐसे कौन भारतीय बने जिन्होंने पूरी जो रेस अक्रॉस अमेरिका है वो कंप्लीट की है, 49 किलोमीटर की रेस है ये, उनका नाम है श्रीनिवास गोकुलनाथ।
सोलो कैटेगरी में इन्होंने ये रेस कंप्लीट की, रेस अक्रॉस अमेरिका, ठीक है। और ये एक्चुअली टाइम दिया गया था 12 दिन का, लेकिन इन्होंने 13 घंटे पहले ही कर दी। और इन्होंने जो रेस अटेम्प्ट की थी वेस्ट कोस्ट से लेके ईस्ट कोस्ट तक, सेकेंड अटेम्प्ट में किया है यही। नाम याद रखिएगा बस इनका कि पहले इंडियन कौन है, वो श्रीनिवास गोकुलनाथ। देखिए जो इंपॉर्टेंट वाली जो करंट अफेयर्स है स्पोर्ट वाली, वो मैं पहले और दूसरे पार्ट में बता चुका हूं, खैर वो वाला वीडियो जरूर देख लीजिएगा। इसमें काफी लेस जो रिलीवेंट है, लेकिन फिर भी मैं कंप्लीट करा रहा हूं क्योंकि कोई भी चीज छूट नहीं जाए बस आपकी। अगर कहीं से भी क्वेश्चन पूछे तो अगर आपने वीडियो भी देखा हो तो थोड़ा बहुत भी अगर दिमाग में अवशेष बचे हैं तो कर लें आप। फिर देखिए चंडीगढ़ की है ये यशस्विनी सिंह देसवाल, इन्होंने जीता है जूनियर वर्ल्ड चैंपियंस, ठीक है, वुमेन की 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट थी उसमें जीता इन्होंने, यशस्वी सिंह देसवाल। और ये कहां की है, चंडीगढ़ की। तो ये दो चीज आप याद रखिएगा। और ये कहां पे हुई थी, सोल जर्मनी में, ये वाली बात है। तो देखिए बस ये याद रखिएगा कि यशस्वी सिंह ने जीता है ये आईएसएसएफ का जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप, ठीक है, तो इसमें इनको मिला ये। और ये 10 मीटर की एयर पिस्टल इवेंट थी, तो ये वाली बात आप याद रखिए कि कहाँ की है, चंडीगढ़ की। फिर देखिए उलान बटार कप हुआ था और उसमें इंडियन बॉक्सर को मिले हैं काफी सारे पदक, एक गोल्ड, एक सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मिले हैं। तो ये उलान बटार कप पहली बात तो किससे रिलेटेड है, ये आपका रिलेटेड है बॉक्सिंग से, ये पूछा जा सकता है। हुआ कहाँ पे था, मंगोलिया में। तो ये दो चीज आपको याद रखनी है बस इसमें। उसके बाद फिर देखिए फेडरर ने जो है 9th हेल टाइटल जीता है ये। और ये देखिए ये 2017 की एक्चुअली इवेंट है ये है, और इन्होंने बराबरी कर ली थी किसकी, जो नडाल हैं उनकी बराबरी कर ली थी कि एक ही टूर्नामेंट को 8 बार से ज्यादा जीतने का रिकॉर्ड अब फेडरर और नडाल दोनों के नाम हो गया। वैसे भी फेडरर के नाम सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने का तो अवार्ड है ही। देखिए टेस्ट स्टेटस मिल गया है अफगानिस्तान को और आयरलैंड को, इसका यह मतलब है कि अब आयरलैंड और अफगानिस्तान भी टेस्ट मैच खेल सकते हैं, ये वाली बात है इसमें। अभी तक ये एसोसिएट मेंबर थे, ठीक है, तो अब जो टेस्ट प्लेइंग कितने नेशन हो गए हैं, 10 से लेके 12 हो गए हैं। अब अफगानिस्तान और आयरलैंड नए मेंबर हैं, ये वाली बात है, बस इतना याद रखना है। ये पूछ सकते हैं आपसे कि अभी किसको किसको जोड़ा गया है टेस्ट प्लेइंग नेशन की लिस्ट में, तो अभी जोड़ा गया किसको, अफगानिस्तान और आयरलैंड को, 10 से हो गए 12। तो इसमें ये याद रखना है आपको कि अभी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि टेस्ट प्लेइंग नेशन का अभी किसको किसको मिला है दर्जा, अफगानिस्तान और आयरलैंड को, तो 10 से हो गई 12 टीम अब, ठीक है। लास्ट दर्जा किसको मिला था, बांग्लादेश को मिला था 2000 में। फिर इंडिया ने ये जो देखिए ये पहला ब्रिक्स गेम्स हुआ था, ये अभी चाइना में हुआ है और इसमें इंडिया की वुशु टीम ने 6 मेडल जीते हैं, ये वाली बात है इसमें, ठीक है, बस इतना याद रखिए, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। चैंपियंस ट्रॉफी कौन जीता था 2017 में, वो तो मैं पहले ही बता चुका हूं। क्रिकेट वाली पूरी इवेंट 2017 में कौन जीता, कहां पे जीता, ये सब कुछ मैं दूसरे वाले वीडियो में बता चुका हूं, ठीक है। एक बार फिर आ गई है ये न्यूज, तो चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान जीती थी ब्रिटेन की कैपिटल लंदन में, तो ये वाली बात है इसमें। फिर देखिए इंडिया की बिगेस्ट विन हुई है, मतलब सबसे बड़ी जीत हुई है पाकिस्तान के खिलाफ, और ये कहां पे हुई है, ये 2016-17 का जो मेंस आपका ये हॉकी FIH हॉकी वर्ल्ड लीग फाइनल हुआ था उसमें हुई है, ठीक है, उससे उसका जो सेमीफाइनल था, सॉरी। अब देखिए ये जो FIH है हॉकी वर्ल्ड लीग फाइनल है 2016-17 वाला, ये हुआ है 1 से लेकर 10 दिसंबर तक भुवनेश्वर में, और फाइनली इसमें जीता कौन है, इसमें जीता है ऑस्ट्रेलिया, सेकंड नंबर पे रहा है अर्जेंटीना और थर्ड नंबर पे रहा है इंडिया। तो ये जो हॉकी वर्ल्ड लीग फाइनल था उसमें इंडिया का थर्ड पोजीशन था, इतना याद रखना है आपको। 10 दिसंबर को ये इवेंट, कोई बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है, और हुई कहां पे थी, भुवनेश्वर में हुई थी। हॉकी वर्ल्ड लीग फाइनल की किसने जीता है, ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, सेकंड टाइटल है उनका, अर्जेंटीना सेकंड है, थर्ड नंबर पे है इंडिया। और इनका जो सेमीफाइनल हुआ था उसमें इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर सबसे बड़ी जीत दर्ज की थी, 7-1 से हराया था, ये वाली बात बस है। तो ये न्यूज है करीबन अप्रैल के आसपास की, मई के आसपास की, और जो ये वाली न्यूज है आपकी वो है दिसंबर की। तो ये इसीलिए मैं पूरी कंटिन्यूटी में रखता हूं कि जो FIH का वर्ल्ड हॉकी लीग फाइनल हुआ था उसमें कौन जीता था, उसमें जीता था ऑस्ट्रेलिया, इंडिया था नंबर 3 पे, और उसके सेमीफाइनल में इंडिया ने पाकिस्तान के ऊपर सबसे बड़ी जीत दर्ज की, ये वाली बात है, बस इतना याद रखना है। देखिए ये कुछ कुछ और न्यूज है, विराट कोहली फास्टेस्ट बैट्समैन बन गए थे और 9000 ओडीआई रन पूरे करने वाले। साउथ अफ्रीका के हासिम अमला है इस फास्टेस्ट बन गए थे, 7000 रन इन्होंने बहुत कम मैचों में कंप्लीट किए हैं। फिर ये वाली बात है कि थर्ड जो आपका ये फुटबॉल एसोसिएशन चैलेंज कप हुआ था, हर साल होता है ये, इसको जीता कौन था, आर्सेनल,
बस इतना याद रखना है इसमें। एफए कप हुआ था थर्ड वाला, उसको कौन जीता था? आर्सेनल जीता था चेल्सी को हरा के। और ये होता क्या है, फुटबॉल एसोसिएशन चैलेंज कप। इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2017 में जो सीएट क्रिकेट रेटिंग का अवार्ड मिला था वो किसको मिला था? आर अश्विन को। इतना याद रखना है बस। फिर देखिए, पहले एम्पटी बन गए हैं जिन्होंने रेड सी को पूरा क्रॉस किया है स्विम करके, तैर के मतलब। उनका नाम है क्या? ओमार हिगाजी, इजिप्ट के हैं ये, ठीक है। ये बस आपको याद रखनी है। आइस हॉकी वर्ल्ड टाइटल किसने जीता था? स्वीडन ने जीता था 2017 वाला आइस हॉकी वर्ल्ड चैंपियनशिप कनाडा को हरा के, और ये स्वीडन का 10वां टाइटल था। बस इतनी सी याद रखनी है चीजें इसमें। इंडिया ने देखिए, ये टेबल टेनिस का जो हुआ था साउथ एशिया जूनियर टेबल टेनिस चैंपियनशिप हुई थी आपकी श्रीलंका में, वहां पे 10 के 10 मेडल जीत लिए थे इंडिया ने, ठीक है। तो गर्ल्स कैटेगरी में 4 जीते थे और टोटल मिला के 14 मेडल जीते हैं, तो ये वाली बात है। रोजर फेडरर को अभी 2018 में मिला है 20वां ग्रैंड स्लैम, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के ओपन फाइनल में जो है अभी 2018 में मेंस में जीते हैं रोजर फेडरर, ठीक है। अच्छा ये बताइए, रोजर फेडरर किस कंट्री के हैं? और इसका जो 2018 का ऑस्ट्रेलिया का ओपन फाइनल हुआ था उसमें वुमेन में किसने जीता है? ये वीनस विलियम 36 एज में ओल्डेस्ट ग्रैंड स्लैम पहुंचने वाली बन गई थी, सेमीफाइनल पहुंची थी ये 2017 की, हालांकि ये न्यूज है। अफ्रीकन फुटबॉलर का अवार्ड किसको मिला है? अल्जीरिया के ये हैं प्लेयर रियाज महरेज, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे। ऑस्ट्रेलिया के जो डेविड वार्नर हैं वो 5वें ऐसे बैट्समैन बन गए हैं जिन्होंने लंच से पहले अपनी सेंचुरी कंप्लीट कर ली थी। ये वाला भी थोड़ी सी अलग सी न्यूज थी इसलिए मैंने बता दी आपको। फिर देखिए, ये सुपर सिटीजन है रॉबर्ट मार्चंड, इन्होंने साइकिलिंग की है 105 साल की एज में, और इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है अपना ही, 22 किलोमीटर, 22.547 किलोमीटर है 1 घंटे में, ठीक है। इतनी बात याद रखनी है बस। देखिए सैफ जो वुमेन चैंपियनशिप हुई थी आपकी, ये 2016 में, मतलब 2016 वाली हुई थी लेकिन 2017 में फिनिश हो पाई थी फाइनली, करीबन 5-6 जनवरी के आसपास। सैफ वुमेन चैंपियनशिप की अगर हम बात करेंगे, सैफ का मतलब क्या है? साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन वुमेन कप, और ये अभी तक चारों की चारों बार इंडिया ही जीता है। 3 बार इसने नेपाल को हराया है, चौथी बार हराया था बांग्लादेश को, और अभी 5वीं बार होना है नेपाल में, ठीक है। तो बस इतना याद रखना है आपको। सैफ के मेंबर तो आप जानते ही, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, 2-2 सालों में होता है हर बार ये। सोमदेव वर्मन ने रिटायरमेंट ले लिया है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है, देखिए ये पूछ सकते हैं कि किस प्लेयर को, किस बैडमिंटन प्लेयर को इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी एथलीट्स कमीशन में जगह दी गई, वो है साइना नेहवाल, ठीक है। फिर एशिया की जो पैरा रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप है उसको कौन जीता है? उसको इंडिया ने 3ों मेडल जीत लिए हैं उसमें, ठीक है। 2017 की न्यूज है ये, और ये हुआ कहाँ पे था? बहराइन में हुआ था। फिर देखिए, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन में पूजा गटकर को मिला था इंडिया का पहला मेडल, ठीक है। पूजा गटकर किससे रिलेटेड है? शूटिंग से। फिर इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन अवार्ड की अगर आप बात करें तो इसमें इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन मेल प्लेयर का अवार्ड मिला है किसको? बेल्जियम के कप्तान जॉन जॉन डोमेन को। और फीमेल वाला अवार्ड किसको मिला है? नीदरलैंड की नाओमी वैन एस को। तो बस ये दो नाम याद रखिएगा, बस दो इंडियंस भी थे, ये भी नाम आप याद कर लीजिएगा, शायद पूछ लें। श्रीजस नॉमिनी थे और एक और थे हरमनप्रीत सिंह, ठीक है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन अवार्ड में। फिर इसके बाद ये इंडिया को ये कंबाइंड, देखिए 2020 में एक्चुअली टोक्यो ओलंपिक होने वाला है, उससे पहले क्या होगा, एक कंबाइंड वर्ल्ड कप होगा शूटिंग के लिए 2019 में, तो इंडिया को उसकी होस्ट करने की पावर मिल गई, मतलब इंडिया होस्ट करेगा, इंडिया में होगा वो 2019 का कंबाइंड वर्ल्ड कप, जो कि एक क्वालिफाइंग इवेंट किसके लिए होगा? 2020 का जो टोक्यो ओलंपिक होगा। तो ये वाली बात आप याद रखिएगा, ठीक है। और ये 3ों कैटेगरी में शॉट गन, राइफल और पिस्टल 3ों में किया जाएगा। T20 ब्लाइंड वर्ल्ड कप में आपको बता चुका हूँ ये वाली न्यूज पहले भी, लेकिन एक बार फिर से देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए T20 ब्लाइंड वर्ल्ड कप जो हुआ है 2 बार हुआ है, दोनों बार इंडिया ने जीता है, दोनों बार पाकिस्तान को हराया है, और दोनों बार बेंगलुरु में हुआ है ये, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिर ये इंडिया के जो ऑफ स्पिनर आर अश्विन, उन्होंने 250 जो टेस्ट विकेट है सबसे कम मैचों में ले लिए, 45वें मैच में ले लिए, ठीक है। तो डेनिस लिली का रिकॉर्ड तोड़ दिया, उन्होंने 48 मैच में लिया था, और अभी तक 6 ऐसे बॉलर हो गए जिनके, 6 ऐसे इंडियन बॉलर हो गए जिनके 250 टेस्ट से ज्यादा विकेट है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं। खैर, कबड्डी चैंपियनशिप को कौन जीता था 2017 में जो हुई थी? पंडित
दीनदयाल उपाध्याय मेमोरियल ऑल इंडिया नेशनल स्टाइल कबड्डी चैंपियनशिप को कौन जीता था? हरियाणा जीता था और इसने हराया था किसको? इंडियन रेलवे को। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे। नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप जो 2017 में हुई थी उसको कौन जीता था? सौरभ वर्मा। तो देखिए एमपे पीसीएस में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सौरभ वर्मा किससे रिलेटेड है? बैडमिंटन से रिलेटेड है। मेन सिंगल टाइटल इन्होंने जीता था और वुमेन का जीता था ऋतुपर्णा दास ने। बस ये दो चीज याद रखनी है। ऊर्जा किससे रिलेटेड है ये पूछ सकते हैं आपसे। ऊर्जा टैलेंट हंट टूर्नामेंट 2017 का किससे रिलेटेड है? देखिए ये जितनी भी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस हैं उनसे रिलेटेड है ये, अंडर 19 फुटबॉल को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, तो ये वाली बात है। तो सीएपीएफ ने इनको ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज कराया था। अच्छा ये बताएंगे आपकी सीएपीएफ में कौन कौन सी फोर्स आती है? सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज में, ये मैं बता चुका हूं वैसे पहले। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा जा सकता है बिल्कुल। पहली ट्रांसजेंडर एथलीट मीट कहां पे हुई थी? ये हुई थी केरला के तिरुवनंतपुरम में। 132 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और ये केरला स्पोर्ट काउंसिल और सेक्सुअल जेंडर मिनिस्टर, ये माइनॉरिटी फेडरेशन ऑफ केरला ने कराई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मुझे लगता है इससे क्वेश्चन आ सकता है। पहली ट्रांसजेंडर एथलेटिक मीट कहां पे हुई थी? केरला में हुई थी। ठीक है, फिर देखिए ये जो T20 डीफ एंड डम्ब एशिया कप हुआ था, पहली बात तो उसमें इंडिया जीता था, इंडिया ने बांग्लादेश और पाकिस्तान को हराया था, और दूसरी बात ये कि यशवंत नायडू जो आंध्र प्रदेश के हैं उनको मैन ऑफ द टूर्नामेंट डिक्लेयर किया गया, तो ये आप याद रखिएगा। फिर देखिए 2018 में जो वर्ल्ड कप होगा, फीफा वर्ल्ड कप होगा रशिया में जो होने जा रहा है, उसमें वीडियो असिस्टेंट रेफरी का जो टेक्निक है वो यूज किया जाएगा। इसको सबसे पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था 2016 में। ठीक है, इसमें जो भी मेजर इंसिडेंट होते हैं जैसे गोल हुआ है कि नहीं उसको करके देखेंगे, पेनल्टी और ये सब चीजें। ठीक है, तो वीडियो असिस्टेंट रेफरी ये यूज की जाएगी 2018 वाले फीफा वर्ल्ड कप में। देखिए जो इंडिया की, वैसे तो आप देखेंगे तो इंडिया की पहली महिला कौन है जिनको इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी का मेंबर बनाया गया था? वो थी नीता अंबानी। अब इनको दो और जो इंपॉर्टेंट कमीशन है पूरी दुनिया के ग्लोबल स्पोर्ट के, उसका भी मेंबर बना दिया गया है, वो है ओलंपिक चैनल और ओलंपिक एडुकेशन कमीशन। ठीक है, तो नीता अंबानी अब हो गई है इसकी मेंबर और पहली, भारत की पहली महिला भी यही है इंडियन ओलंपिक कमिटी की। ये कहां पे बेस्ड है? मैड्रिड में है इसका हेड ऑफिस। अब देखिए ये एक क्वेश्चन है कि ये एथलीट है मान कौर, 101 साल की है और इन्होंने वर्ल्ड मास्टर गोल्ड में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा था। तो इन्होंने ये देखिए, ये इसको बोलते हैं ओलंपिक फॉर वेटरन्स, 100 मीटर की जो इसमें रेस है वो हुई थी कहां पे? न्यूजीलैंड में हुई थी और इन्होंने 1:14 में ये कंप्लीट की है, और पिछली बार कितने में की थी? 1:21 में, तो अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया इन्होंने। फिर मनप्रीत कौर है, इंडिया की शॉर्ट पुटर है, इनको गोल्ड मिला था एशियन ग्रांड प्रिक्स एथलेटिक्स में। बस इतना याद रखिएगा, ये याद रख लीजिएगा कि मनप्रीत कौर किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है आपके शॉर्ट पुट से। ठीक है, फिर हरियाणा ने केरला को ये नेशनल यूथ एथलेटिक्स मीट में हरा दिया, ये इंपॉर्टेंट है। बस ये पूछ सकते हैं कि नेशनल यूथ एथलेटिक्स मीट जो हुई थी उसमें कौन सी टीम जीती थी? हरियाणा। ठीक है, तो इसमें ये हरियाणा केरला को जो मतलब गर्ल्स के लिए टॉप अवार्ड मिला था और हरियाणा के बॉयज ने टॉप किया था। देखिए वैसे इस वीडियो की कोई इतनी जरूरत नहीं थी, जो मैं सेकंड वाले में बता चुका हूँ वो सब कुछ हम लोग कवर कर चुके हैं। ठीक है, ये सब कुछ हम लोग देखिए, जैसे ये हम लोग कवर कर चुके हैं पूरा, तो सेकंड वाला जो पार्ट है वो जरूर देख लीजिएगा आप। कहाँ गया ये वाला जो पार्ट है ये हम मैं पूरा बता चुका हूँ इसमें पूरी। अब ये स्पोर्ट करंट अफेयर हो चुकी है हमारी। ठीक है, जो भी स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज है सब कुछ हम लोग कर चुके हैं। ठीक है, पूरी हो चुकी है सब। मैंने पूरे ये बताया थे कहाँ पे 2017 का ये सब हुआ था, हॉकी वाला कहाँ पे हुआ, ब्लाइंड वर्ल्ड कप से रिलेटेड सब कुछ, ये पूरी T20 वर्ल्ड कप सब ये फर्स्ट और सेकंड वाले पार्ट में हो चुका है, वो जरूर देख लीजिएगा आप। ठीक है, तो अभी तक जो हमारा करंट अफेयर्स होना था 2017 वाला कंप्लीट, उसमें क्या क्या हो चुका है, जितने भी 2017 में एप्स कौन कौन से लॉन्च किए गए हैं, कौन सी मिनिस्ट्री ने पोर्टल किया है वो हो चुका है, प्लस इसमें कौन कौन सी कमिटीज हो चुकी हैं वो कमिटी वाला मैं बता चुका हूं आपको। ठीक है, ये कमिटी वाला देखिए मैं बता चुका हूं, ये इंपॉर्टेंट कमिटीज के नाम पूरा बता चुका हूं, और प्लस इसमें आपको पूरी स्पोर्ट्स हो गई है। अब बची है आपकी इंटरनेशनल न्यूज और नेशनल वाली, तो 5 वीडियो और लगेंगे, वो हो जाएगी 10 फरवरी तक कंप्लीट करीबन, मतलब आपके एमपीपीसीएस से पहले तो हो ही जाएगी, 10 को नहीं भी हो पाई तो 12 फरवरी तक हो जाएगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। कोई अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट में करते हैं, मैं कमेंट में जवाब दे रहा हूँ। थैंक यू फॉर लिसनिंग।
और देखिए ये चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा स्टडी फॉर सिविल सर्विस टेलीग्राम, ये हमारा चैनल, इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे मैं वीडियो बता देता हूँ, क्योंकि नोटिफिकेशन तो आएगा नहीं, तो ये वाला जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। ये है इसका एड्रेस, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, और ये जो है टोटल करंट अफेयर 2018 की प्लेलिस्ट है, पूरी प्लेलिस्ट बना दी है मैंने, आप इसमें जाके देख लीजिए। थैंक यू फॉर लिसनिंग। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। सबसे पहले तो आपको हैप्पी न्यू ईयर 2018 और नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये वाला जो वीडियो है इसमें टॉप 50 हम लोग न्यूज करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, जो कि 2017 में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉप 50 है वो इसमें है, और इसने कुल मिला के बहुत सारी हिस्ट्री बदल दी, इतिहास बदल दिया है। देखिए इसमें पूरा मैं हिंदी में डिक्टेट करूंगा, हिंदी इंग्लिश में ही होगा ये, ठीक है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात एक ये है कि इसमें कई जगह मैंने कुछ कुछ क्वेश्चन भी पूछे हैं, ताकि जो कम्युनिकेशन रहे हमारा और आपका, दोनों का ही कम्युनिकेशन रहे। कुछ हम आपसे पूरी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे, आप भी थोड़ा बहुत इन्वॉल्व हो, और प्लस कमेंट करके जरूर बताइएगा। पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा, ये वाला जो वीडियो है ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। इसके बाद अगर आप लोग कमेंट करके ये बताएंगे कि टॉप 500 जो पूरे 2017 में इवेंट हुई है, क्या वो वाला भी वीडियो चाहिए, तो फिर हम लोग उसके लिए भी बनाएंगे, ठीक है। पहले इसमें टॉप 50 करंट अफेयर देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है कि समीप एक प्रोग्राम है, जो कि किसने चालू किया है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने। ये इसलिए चालू किया गया, इसका एम क्या है, ताकि जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी है और प्लस जो डिप्लोमेसी है वो आप बता सकें स्मॉल टाउन में जाके और प्लस सिटीज में। इसके जो भी मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के ऑफिसर्स हैं, अंडर सेक्रेटरी हैं, उनसे बोला गया है कि वो डिप्लोमेसी क्या होती है ये लोगों को सिखाएं, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स क्या काम करती है वो लोगों को सिखाएं, इंडिया के क्या क्या ग्लोबल एम्बिशंस हैं, और प्लस डिप्लोमेसी को अगर कोई एज अ करियर ऑप्शन बनाना चाहता है, डिप्लोमेसी में आना चाहता है, तो उसको बता सकें। समीप का मतलब क्या है, स्टूडेंट एंड MEA एंगेजमेंट प्रोग्राम, और ये किसका है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का, ठीक है। सेकेंड न्यूज है, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो न्यूज है ये ROLL होगा, यहाँ पे GST को रोल आउट कर दिया गया है फाइनली 17 सालों के डिस्कशन के बाद। 1 जुलाई 2017 से ये डेट, ये GST इंप्लीमेंट हुआ था, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा आप ये बताइए, आप ये तो हो गया, इसमें कौन कौन से स्लैब्स हैं, इसमें 4 स्लैब है कि 5 स्लैब है, जो भी स्लैब है वो कमेंट करके बताइए, 5% है, 10% है, कितने परसेंट है। फिर देखिए इंपॉर्टेंट न्यूज है, रामनाथ कोविंद जी 14 प्रेसिडेंट बने थे, ये आप याद रखिएगा, और ये सेकंड दलित प्रेसिडेंट है RK नारायण के बाद, और इनको ओथ किसने दिलाई थी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उस टाइम कौन थे, JS KR। देखिए इसमें मैंने टू द पॉइंट चीजें लिखी हैं, ताकि आपको एग्जाम में डायरेक्टली यही सब पूछी जाएंगी। एग्जाम में पूछा जाता है कि आप ये जो रामनाथ कोविंद जी हैं ये कौन से नंबर के प्रेसिडेंट हैं, तो ये है 14 नंबर के, ठीक है। इसके बाद ये वेंकैया नायडू जी किस नंबर के वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति हैं, ये 13 नंबर के वाइस प्रेसिडेंट है, और इनको ओथ कौन दिलाता है, प्रेसिडेंट यानी कि इनको ओथ दिलाई थी रामनाथ कोविंद जी ने।
उसके बाद निर्मला सीतारमन इंडिया की पहली फुल टाइम वुमेन डिफेंस मिनिस्टर बन गई है, ये इंपॉर्टेंट बात है, जेएनयू की एलुमनाई है। अच्छा ये बताइए आप, ये निर्मला सीतारमन जी जैसे इंडिया की पहली डिफेंस मिनिस्टर फुल टाइम है ये, इनसे पहले और कौन प्रधानमंत्री है हुई है जो कि महिला रही है और वो वुमेन सॉरी जो महिला रही है और वो वुमेन डिफेंस मिनिस्टर बनी है, बताइए कौन थी वो। मतलब निर्मला सीतारमन कुल मिला के सेकेंड डिफेंस मिनिस्टर है जो वुमेन है, इनसे पहले एक और रही है वो वुमेन थी और डिफेंस मिनिस्टर बनी, उनका नाम बताइए आप। नीति आयोग के नए चेयरमैन है, नए वाइस चेयरमैन है राजीव कुमार, और ये जो इनकी पोस्ट होती है कैबिनेट मिनिस्ट्री के इक्वल होती है लगभग। और ये बताइए आप कि नीति आयोग को कॉन्स्टिट्यूट कब किया गया था, डेट एग्जैक्टली आपको रटी होनी चाहिए। दीपक मिश्रा इस समय है 45th चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब ये बताइए कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की ओथ को एडमिनिस्टर कौन करता है, और ये जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है किस एज तक ये कोई भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन सकता है, ये बताइए आप। के वेणुगोपाल ये तो है अटॉर्नी जनरल इस समय के, ये बताइए कि कौन, अगर मान लीजिए कोई एडवाइस दिए अटॉर्नी जनरल ने और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने, तो किसकी एडवाइस को प्रेफर किया जाएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा सोच समझ के इसमें आंसर दीजिएगा। उसके बाद है मिस वर्ल्ड 2017 का खिताब जीता है मानुषी छिल्लर ने, ये कहाँ की है ये आप बताएं कमेंट करके। 17 सालों के बाद मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है और ये 67th एडिशन था, ये सानिया चाइना में हुआ था। उसके बाद देखिए 15th फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट कर दिया गया है, इसका हेड किसको बनाया गया है, एनके सिंह को बनाया गया है। 280 आर्टिकल यानी कि 280 अनुच्छेद के क्लॉस एक में लिखा हुआ है कि फाइनेंस कमीशन को हर 5-5 साल में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। अब इसमें देखिए और भी कुछ इसके मेंबर है, शशिकांत दास है, अशोक लहरी है, रमेश चंद जी हैं, और ये प्लस जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है अनूप सिंह जी। अब ये बताइए कि ये 15वां जो फाइनेंस कमीशन है, 15वां जो वित्त आयोग है, इसकी जो रिकमेंडेशन होंगी वो किस ईयर से इंप्लीमेंट होंगी वो बताइए आप। देखिए थेरेसा मे ये इंग्लैंड की सेकेंड प्राइम मिनिस्टर है जो कि लेडी प्राइम मिनिस्टर है, सेकेंड फीमेल प्राइम मिनिस्टर है ये, और इनका ये बताइए किस पार्टी से है, और पहली लेडी प्राइम मिनिस्टर इंग्लैंड की कौन थी। फ्रांस के इस समय प्रेसिडेंट दोनों 2017 में चेंज हुए, इमैनुअल मैक्रॉन है, प्राइम मिनिस्टर है एडवर्ड फिलिप। उसके बाद देखिए 7th पे कमीशन जो इसकी रिकमेंडेशन आ गई थी, सैलरी बढ़ गई कई सारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की, वो हुई थी किस डेट से, 1 जुलाई 2017 से इंप्लीमेंट हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक स्कीम लॉन्च की थी, उसका नाम था सौभाग्य। पूरी स्कीम का नाम क्या है, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, 16,320 करोड़ रुपए की ये टोटल योजना है, और इसका पर्पस क्या था, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन देना करीबन 40 मिलियन फैमिलीज से ज्यादा लोगों को, रूरल और अर्बन दोनों एरियाज में, ये जरूर याद रखिएगा। और ये कब तक देना है, दिसंबर 2018 से पहले, ये जो इंपॉर्टेंट चीज है ये बताइए, ठीक है याद रखिएगा। अब ये बताइए कि मान लीजिए जो भी सहज के बेनिफिशरीज हैं उनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा, और क्या ये स्कीम का मतलब है कि सब्सिडी पे आउट मिलेगा आपको, मतलब सब्सिडी मिलेगी क्या, इसका मतलब है। फिर नेक्स्ट है उड़ान स्कीम, ये देखिए रीजनल कनेक्टिविटी प्रोग्राम है, कई बार हम लोगों पे इस पर डिस्कस कर चुके हैं। पहली फ्लाइट जो है शिमला से लेके आपकी दिल्ली तक की थी, और इसका फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक, इसका बेसिक पर्पस है कि जो मिडिल मैन है उसकी रीच में, मतलब उसकी जो भी उसकी कैपेसिटी उस हिसाब से आप उसको हवाई यात्रा करा दें, सस्ता कर दें कुल मिला के, 1 घंटे की यात्रा, 500 किलोमीटर की यात्रा, और या फिर 30 मिनट की करीबन यात्रा का कैप रखा गया है 2,500 रुपए के करीब हर जो एयरक्राफ्ट है, धीरे धीरे उसमें कुछ कुछ सीटें इन लोगों के लिए रखेंगे। भीम ऐप को लॉन्च किया गया था 14 अगस्त 2017 को, ये 126th बर्थ एनिवर्सरी किसकी थी ये आप बताइए। हमराज ऐप ये किसके लिए लॉन्च किया गया था, सोल्जर्स के लिए, जो भी जवान है उनके लिए, सैनिकों के लिए किया गया है ताकि वो अपने प्रमोशन को, पोस्टिंग को और पेमेंट को ट्रैक कर सके। ये देखिए आधार लिंक है क्योंकि सिक्योरिटी रीजन है, इसमें OTP आता है तभी जाके ये ऐप इंस्टॉल हो सकता है, आप इसमें रजिस्टर कर सकते हैं। नेक्स्ट स्कीम है इसमें देखिए, पहले तो ये मिशन इंद्रधनुष था, अब इसको एक PM ने दूसरा ये मिशन लॉन्च किया है, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष, और ये कहां से लॉन्च किया गया है, गुजरात के वाडनगर से 8 अक्टूबर 2017 को। इसका मतलब ये है कि पहले जो है आपका 2020 तक, चलिए मैं इसमें बता दे रहा हूं, 2020 तक आपने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टारगेट किया था कि करीबन जो भी बच्चे हैं जैसे 2 साल से कम वाले प्लस जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको 2020 तक 90% तो फुल इम्यूनाइजेशन करना पड़ेगा, जो वैक्सीनेशन देना होता है, जो बेसिक वैक्सीनेशन कई सारी जैसे बीमारियों का, डिप्थीरिया, ये सब चीजें, टिटनेस, ये सब
ठीक है, टिटनेस नहीं है इसमें। इसमें आप बताइए कौन कौन सी डिसीज है ये आप बता दीजिए। अब इसमें यह है कि 2 साल से जो कम बच्चे होंगे प्लस जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उनको, ये था मिशन इंद्रधनुष, ठीक है, टीकाकरण वाला। अब इसको इंटेंसिफाई कर दिया गया, मतलब और ज्यादा जल्दी कर दिया गया। पहले 2020 तक करना था, अभी 2018 तक करना है, 90% कवरेज, इसीलिए इसको इंटेंसिफाइड बोला गया। नेक्स्ट इसमें न्यूज है, इंडिया का पहला कॉन्सेप्चुलाइज डिजाइंड और मैन्युफैक्चर्ड इंडस्ट्रियल रोबोट का नाम है ब्रेवो। ब्रेवो यानी कि ब्रेवो रोबोट, और ये किसके लिए डेवलप किया गया, एमएसएमई इंडस्ट्रीज के लिए, ठीक है, मीडियम एंड स्मॉल आप ये समझ सकते हैं, ठीक है उसके। और ये किसने किया, टीएएल मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशंस ने, जो कि टाटा मोटर्स की एक सब्सिडरी है। नेक्स्ट इसमें न्यूज है, 1 अप्रैल 2017 को, देखिए डेट भी याद रखिएगा, 1 अप्रैल 2017 को स्टेट बैंक और प्लस उनकी जो 5 एसोसिएट बैंक है उनका मर्जर हो गया, और प्लस इसमें भारतीय महिला बैंक को भी मिला दिया गया, और अब स्टेट बैंक जो है वो पूरी दुनिया में टॉप 50 में आ गई है। पहले इंडिया की कोई भी बैंक नहीं थी। 5 एसोसिएट बैंक कौन कौन सी है, स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ ट्रावन कोर, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें न्यूज, सुप्रीम कोर्ट ने BS3 व्हीकल्स की जो सेल है वो बैन कर दी 1 अप्रैल 2017 से। BS6 के बारे में भी एक न्यूज है कि BS6 अभी तक 2022 तक आने वाला था, लेकिन अभी 2020 तक आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, HDI की इंडिया की अगर आप रैंकिंग देखिए, 2016 में इंडिया की रैंकिंग हो गई 131, 2015 में कितनी थी 130, यानी कि हम एक और पायदान नीचे गिर गए, 188 कंट्रीज में 131 नंबर पे है। 2016 की जो HDI की लेटेस्ट रैंकिंग है, नॉर्वे नंबर 1 पे है, श्रीलंका 73 पे, मालदीव 105 नंबर पे है, मतलब ये दोनों, ये भी हमसे ऊपर है, श्रीलंका और मालदीव जैसे कंट्रीज भी। और ब्रिक्स में तो ऑब्वियसली इंडिया सबसे लास्ट पे ही है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें न्यूज है, इंडिया में अगर आप FDI इनफ्लो देखेंगे तो इंडिया 9th नंबर पे है 2016 में, US नंबर 1 पे है, जहां पे करीबन कितना आया 2016 में, ये आया $391 बिलियन, और इंडिया में कितना आया, इंडिया 9th नंबर पे आ गया है, करीबन $44 बिलियन आया है FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट न्यूज है, बहुत ही बड़ी न्यूज है ये, 104 सैटेलाइट को एक सिंगल फ्लाइट में लॉन्च कर दिया था PSLV C-37 ने, ठीक है। और ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि कार्टोसैट 2 सीरीज का सैटेलाइट इसमें लॉन्च किया गया था, प्लस 103 पैसेंजर को पैसेंजर सैटेलाइट थे, छोटे छोटे थे, सबसे भारी यही था कार्टोसैट 2, और प्लस 103 में से आपके जो 2 तो नैनो सैटेलाइट थे, एक IRS इसरो नैनो सैटेलाइट और एक दूसरा ये INS2, 101 जो पैसेंजर सैटेलाइट थे उसमें से सबसे ज्यादा थे US के, फिर नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, इसराइल, कजाकिस्तान और UAE का एक एक था। नेक्स्ट इसमें काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, देखिए यूएस ने बहुत जगह से विड्रॉ किया है, पहले तो यूएस के प्रेसिडेंट जब से ट्रंप आए उन्होंने बहुत जगह से विड्रॉ किया है, इन्होंने TPP से विड्रॉ कर लिया, इन्होंने जो पेरिस क्लाइमेट डील है उससे बोला है कि विड्रॉ कर लेंगे, लेकिन इसमें थोड़ा थोड़ा निगोशिएशन के लिए बोले कि अगर रीनिगोशिएट हो सकता है तो बिल्कुल करेंगे, और UN माइग्रेंट और रिफ्यूजी पैक्ट से भी उन्होंने अभी यूएस ने पुल किया है, यूएस और इसराइल ने यूनेस्को से भी हट गए हैं, ये मतलब यूनेस्को से भी यूएस और इसराइल हट गए हैं, बोला है कि बायस्ड है ये यूनेस्को और ये एंटी इसराइल पॉलिसी चलाता है। नेक्स्ट है इसमें UN, देखिए यूएस ने पहले रिकॉग्नाइज किया था जेरूसलेम को कि जेरूसलेम की जो है इसराइल की कैपिटल है, तो इसराइल को देखिए इसमें दो चीजें हैं, पहली बात तो ये कि इसराइल को ऑफिशियल रिकॉग्निशन देने वाला पहला कंट्री कौन था वो आप बताएंगे, और इसराइल मानता है कि जेरूसलम इसकी कैपिटल है, लेकिन कोई दुनिया में कोई कंट्री नहीं मानते हैं ज्यादातर, यूएस ऐसा पहला कंट्री बना था जिसने इसराइल की कैपिटल को माना है जेरूसलम, और इन्होंने ये भी बोला था कि जो तेल अवीव है वहां से लेके जो अपना दूतावास है, एम्बेसी है, ये यहाँ पे खोल देंगे जेरूसलम में। अब लेकिन UN ने उसको डिनाउंस कर दिया, UN ने नहीं माना है, लेकिन यूएस ने बोला है कि नहीं, होते में से हटा के आपका जेरूसलम में ही बनाएगा। नेक्स्ट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, इंडिया बनने जा रहा है या बन गया है वासेनार अरेंजमेंट का 42nd मेंबर, ये एग्जैक्टली यही याद रखिएगा, इंडिया 42nd मेंबर किसका बन गया है, मल्टीलेटरल फोरम है एक्सपोर्ट कंट्रोल का, डिफेंस और स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है वासेनार एग्रीमेंट, और ये लिया गया कहां पे निर्णय, ये लिया गया आपका, इनकी मीटिंग हुई थी वियना में। इंडिया देखिए 35th मेंबर बन गया था MTCR का, तो जो 4 मेजर एक्सपोर्ट कंट्रोल रिजीम है उनमें से इंडिया वासेनार का हो गया और MTCR का हो गया, याद रखिएगा एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है इसमें, नासा पहला मिशन डेवलप कर रहा है
जो कि एक प्लानिटरी डिफेंस मैकेनिज्म का मिशन होगा ये। और इसमें यही है कि मतलब फ्यूचर में अगर कोई कॉस्मिक बॉडी कोई पोटेंशियल ऐसा है कि वो इम्पैक्ट कर सकती है अर्थ से, उसी के रिलेटेड है कि उसमें अर्थ को बचाया जाएगा, उसमें डिफेंस मैकेनिज्म बना रहा है नासा। नाम क्या है? डबल एस्टेरॉयड रिडायरेक्शन डार्ट, सॉरी टेस्ट डार्ट है ये। तो डार्ट किसका मिशन है? नासा का है। जूनो मिशन भी नासा का है जो कि जुपिटर से रिलेटेड है। उसके बाद है ब्रिटेन का, देखिए ये पूछा जा सकता है वर्ल्ड का पहला प्रेग्नेंट मैन कहाँ का है, वो ब्रिटेन का है, उसका नाम है हिडन क्रॉस। हालांकि ये कोई प्रेग्नेंट मैन नहीं है, पहले ये फीमेल था, मतलब पहले बंदी थी फिर ये बंदा बना, सॉरी पहले ये देखिए पहले ये मेल था, मतलब पहले बंदा था फिर बंदी बनी और फिर ये प्रेग्नेंट बनी या बना, जो भी आप समझ लें। राइट टू प्राइवेसी, ये सुप्रीम कोर्ट की 9 जज की बेंच ने ये रूल किया है कि ये आर्टिकल 21 में आता है और ये इंटीग्रल पार्ट है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का, यानी कि एक फंडामेंटल राइट है ये। ये ऐसा नहीं कि इसके जुड़ जाने से फंडामेंटल राइट 6 से 7 हो गए, ये उसी में से एक सब कैटेगरी बना दी गई है। ठीक है, देखिए जो वर्ल्ड सिटी है अहमदाबाद, अहमदाबाद को इंडिया का पहला वर्ल्ड हेरिटेज सिटी डिक्लेयर किया है वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी ने, जो इनकी जो मीटिंग हुई थी पोलैंड के क्राकोव में। उसके बाद है देखिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस की आपने बात सुनी होगी, इंडिया और फ्रांस ने ये इनिशिएटिव लिया था और ये फाइनली ये था कि जो भी कंट्रीज इक्वेटर के ऊपर नीचे हैं, मतलब इक्वेटर के सराउंडिंग में करीबन 121 कंट्री है, तो वहां पे सनलाइट 365 में से सबसे ज्यादा दिन रहती है, तो इसीलिए इन कंट्रीज का एक कोलिशन बना के इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाएंगे। और फाइनली ये देखिए लॉन्च किया गया था 2015 में जब यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हुई थी पेरिस में, अभी ये फाइनली ये इन्फोर्स किया गया है, मतलब फोर्स में आ गया है 6 दिसंबर 2017 को। और इसमें ये था कि 15 लोग अगर इसमें जो मेंबर बन जाएंगे ट्रीटी में तो ये जो ट्रीटी लागू हो जाएगी, और गिनिया जो है सॉरी गिनी गिनी 15th मेंबर बन गया इसका। ठीक है, उसके बाद है इंडिया ने 2 ILO कन्वेंशन को रेटिफाई किया है, और ये आईलो जो है इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में। 2 कन्वेंशन कौन कौन से हैं? पहला है मिनिमम एज कन्वेंशन नंबर 138 और दूसरा है वर्स्ट फॉर्म ऑफ चिल्ड्रन जो चाइल्ड लेबर कन्वेंशन 182 वाला। नेक्स्ट है इसमें यूनियन मिनिस्ट्री जो है लॉ एंड जस्टिस की, उसने देखिए मतलब कुल मिला के मेन बात यह कि कम्बाला पहले एक जो होती थी ये, ठीक है कम्बाला ये ट्रेडिशनल ये ट्रैक बफेलो रेस होती थी, अब इसमें मतलब बफेलो रेस होती थी ये, तो ये कम्बाला कहाँ पे होती थी? कर्नाटक में, ये इंपॉर्टेंट है। अब इसको ये लीगलाइज कर दिया गया है, मतलब यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने एक बिल पास कर दिया है जो कि था प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल, कर्नाटक का बिल था, तो इसने पास कर दिया, मतलब अब कम्बाला जो है लीगलाइज हो गई, जो कई सारे लोग ह्यूमन राइट और जो ये एनिमल एक्टिविटीज है इसके खिलाफ आवाज उठाते थे कि इसमें जानवरों के साथ बहुत नाइंसाफी होती है, लेकिन नाइंसाफी उस जगह नहीं होती है जब जानवर काटे जाते हैं और खाए जाते हैं। चलिए खैर, नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने इंडिया का इनोवेशन इंडेक्स अभी लॉन्च किया है, ये इंडिया का पहला ऑनलाइन इनोवेशन इंडेक्स है पोर्टल, जो कि स्टेट की रैंकिंग करेगा उनकी इनोवेशन के हिसाब से कि किस स्टेट में कितनी ज्यादा इनोवेशन होती है। ठीक है, ज्वाइंट इनिशिएटिव नीति DIPP और CII का। नेक्स्ट है इसमें नीति आयोग ने एक दूसरा प्रोग्राम भी है इसी साल लॉन्च किया, साथ या मतलब है इसका सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल कैप, ये जो को ये आप बात करते रहते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, उसी हिसाब से है कि स्टेट गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे ट्रांसफॉर्म करने में एडुकेशन और हेल्थ सेक्टर में, वहां पे स्टेट गवर्नमेंट को ये नीति आयोग सपोर्ट करेगा, सेंटर मतलब कुल मिला के सपोर्ट करेगा। उसके बाद नेक्स्ट है इंडिया ने अपना तीसरा नेशनल वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान इंट्रोड्यूस कर दिया है, 2017 से लेकर 2031 तक है। इससे पहले 2 वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान और आए थे, वो बताइए आप किस किस ईयर में आए थे। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि पहली बार इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया है कि क्लाइमेट चेंज और इससे रिलेटेड मतलब कंसर्न दिखाया है, मतलब चिंता जाहिर की है इसके इंपैक्ट होते हैं वाइल्ड लाइफ पे, और इसीलिए स्ट्रेस किया है कि इसके मिटिगेशन और एडेप्टेशन पे कैसे कैसे फोकस किया जाए। ये प्लान फोकस करेगा प्रिजर्वेशन पे, जेनेटिक डाइवर्सिटी को प्रिजर्व करने के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, और इसमें 5 कंपोनेंट है, 17 थीम है, 103 कंजर्वेशन एक्शंस है, 250 प्रोजेक्ट है। इंडिया की पहली प्राइवेट रेलवे स्टेशन ये कहाँ पे आएगा? हबीबगंज में, जो कि भोपाल में 8 साल के लिए इनको दिया जाएगा बंसल ग्रुप को, कि ये लोग इसको पूरी तरह से मेंटेनेंस और ऑपरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सकें। नेक्स्ट है इसमें IUCN ने यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर ने ये अनाउंस किया है कि जो स्नो लेपर्ड है
जो स्नो लेपर्ड है वो अब इंडेंजर्ड स्पीसीज नहीं है, उसको एक कम मतलब अर्जेंट कैटेगरी में, वल्नरेबल कैटेगरी में अब इसको मूव कर दिया है। मतलब कि ये है कि पहले कंजर्वेशन की ज्यादा जरूरत थी, अब थोड़ी सी कम है, अभी भी है जरूरत तो है, वल्नरेबल तो है वो। नेक्स्ट है इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये क्रिकेट की न्यूज है, अभी तक देखिए डबल सेंचुरी जो है वनडे में कई सारे लोगों ने मारी है, जैसे कि सब दो दो डबल सेंचुरी वाले कौन कौन है, क्रिस गेल वेस्ट इंडीज के, मार्टिन गुप्तिल हैं न्यूजीलैंड के, और रोहित शर्मा एक इकलौते ऐसे प्लेयर बन गए जिन्होंने 3 डबल सेंचुरी मार दी है ODI में। ये बताइए आपकी सबसे पहली डबल सेंचुरी कब मारी थी और किसने मारी थी। रवि शास्त्री, देखिए क्रिकेट से रिलेटेड न्यूज है, रवि शास्त्री इस समय हेड कोच है इंडियन क्रिकेट टीम के, भारत अरुण है बॉलिंग कोच, और मिथाली राज, ये वुमेन क्रिकेट का अगर आप देखें तो मिथाली राज पहली ऐसी क्रिकेटर बन गई है जिन्होंने 6,000 रन को क्रॉस कर दिया है, सबसे ज्यादा जो रन का रिकॉर्ड है वो मिथाली राज के नाम ही है। नेक्स्ट है इसमें डेथ से रिलेटेड, शशि कपूर की डेथ हो गई, ओमपुरी की डेथ हो गई। बिटकॉइन पॉपुलरिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज है इस पूरे साल की, पहले ये इसमें काफी ज्यादा ये कंफ्यूजन रहता था, लेकिन फिर एकदम से जब इसमें पढ़ना चालू हुआ कितना ज्यादा प्राइस बढ़ गया, आप देखते हैं डेली न्यूज आया करती है इसकी। उसके बाद है देखिए लास वेगास में एक किलिंग हुई थी 32nd फ्लोर में, और इसमें 500 से ज्यादा लोग करीबन मारे गए थे, म्यूजिक कॉन्सर्ट चल रहा था, तो ये डेडलीस्ट मास शूटिंग है यूएस की हिस्ट्री में अगर आप देखेंगे, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री में। उसके बाद है ये और दूसरी न्यूज है, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 5 सितंबर को एक प्लान ये जो है था इसमें डिफर्ड एक्शन फॉर चाइल्डहुड अराइवल्स इसको खत्म कर दिया है। इसका ये मतलब है कि देखिए ओबामा एरा की पॉलिसी थी ये, इसमें ये था कि जो 8 लाख से ज्यादा करीबन यंग माइग्रेंट्स हैं जिनको कि डिपोर्ट कर दिया जाता था किसी तरह इलीगली, तो उनको एक स्टेटस दे दिया जाता था कि मतलब वो यूएस में माइनर का जो स्टेटस मिला था वो हट जाएगा, मतलब इनको वापस जाना पड़ेगा। उसके बाद देखिए एक वीडियो आया था जिसमें जिराफ एक बर्थ दे रहा था अपने बच्चे को, वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ था, करीबन 1.2 मिलियन लोगों ने एक साथ लाइव देखा था यूट्यूब पे, वो शायद इस साल का पूरा सबसे ज्यादा पॉपुलर वीडियो था, सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग वाला वीडियो वही था। हरिकेन से रिलेटेड मारिया वाला आया था ये कैरिबियन में, उसके बाद जोज वाला भी आया था यूएस में। देखिए यूएस और नॉर्थ कोरिया का जो पूरे साल झगड़ा चला है, जिसे कोल्ड वॉर हुई है, कभी नॉर्थ कोरिया पे सैंक्शन लगाते हैं फिर वो बोलते हैं कि नहीं हम तो जो भी अपने न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम है उसको कंटिन्यू रखेंगे, यूएस कह रहा है कि नहीं इसको ना कंटिन्यू करो, तो कुल मिला के घेरा गया है जो पूरे साल ये न्यूज हमेशा रही है। नेक्स्ट है डोनाल्ड ट्रंप ने 45th प्रेसिडेंट ऑफ यूएस स्टेट का ये शपथ ली थी, मतलब ये जो डोनाल्ड ट्रंप है 45th प्रेसिडेंट है, आप याद रखिएगा, इंडिया के प्रेसिडेंट 14th है, इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट 13th है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं आपके 14th, और इंडिया के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 45th है, और जो प्रेसिडेंट है यूएस के वो भी 45th है। आरबीआई के गवर्नर जो उर्जित पटेल जी वो कौन से नंबर के, ये आप बताइएगा। मी टू मूवमेंट बहुत ज्यादा फेमस हुआ था 2017 में पूरे, इसको टाइम्स मैगजीन 2017 पर्सन ऑफ द ईयर भी मिला है। इसमें जो वुमेन का सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन करते हैं उसके खिलाफ आवाज उठाई गई थी, पहला टोटल सोलर इक्लिप्स हुआ है यूएस में 1918 के बाद 90 सालों के बाद इस बार 2017 में। इसी के साथ ये न्यूज पूरी खत्म होती है, टॉप 50 से ज्यादा ही न्यूज मैंने बताई है आपको, 50 से ज्यादा ही न्यूज है इसमें। अब ये आप एक बात बताइएगा कि जो मैंने क्वेश्चन पूछे थे पहले तो वो बता दीजिएगा, प्लस ये बताइएगा टॉप 500 अगर आपको करंट अफेयर्स चाहिए तो ज्यादा से ज्यादा लोग इसको कमेंट और लाइक और शेयर कर दिएगा, अगर ज्यादा मैंने देखी डिमांड तो मैं उस पर जरूर बना दूंगा और वो भी 2-4 दिन के अंदर ही दे दूंगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज टू लाइक एंड शेयर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए अभी पद्मा अवार्ड की लिस्ट आ गई, पद्मा अवार्ड सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है, सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्योंकि हर बार एग्जाम में पद्मा अवार्ड से रिलेटेड क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, 3 टाइप के पद्मा अवार्ड होते हैं, पद्म अवार्ड मतलब पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री। मतलब देखिए इंडिया का हाईएस्ट अवार्ड तो हो गया आपका भारत रत्न, ठीक है, सेकंड हाईएस्ट वाला हो गया आपका ये पद्म विभूषण, फिर आपका पद्म भूषण और फिर पद्मश्री। ठीक है, तो ये वाली आप इसमें जरूर याद रखिएगा। और जो ये अवार्ड दिए जाते हैं किस किस फील्ड में दिए जाते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्ट में दिए जाते हैं, सोशल वर्क में, पब्लिक अफेयर्स में, साइंस एंड इंजीनियरिंग में, ट्रेड एंड इंडस्ट्री में, मेडिसिन, लिटरेचर, एडुकेशन, स्पोर्ट्स, सिविल सर्विसेज, इन सब में दिए जाते हैं। पद्म विभूषण दिया जाता है एक्सेप्शनल और डिस्टिंग्विश सर्विस के लिए, बहुत ही तगड़ी सर्विस के लिए, मतलब आप समझ सकते हैं पद्म विभूषण भी है, डिस्टिंग्विश सर्विसेज ऑफ हाई ऑर्डर मतलब थोड़ा सा पद्म विभूषण से कम, पद्मश्री है डिस्टिंग्विश सर्विस इन एनी फील्ड। ठीक है, तो ये वाली है, इसमें 3 टाइप के अवार्ड हैं। ये जो अवार्ड है हर बार ये अनाउंस किए जाते हैं आपके रिपब्लिक डे के अवसर के एक दिन पहले,
और फिर ये दिए जाते हैं आपके कब, ये मार्च के आसपास दिए जाते हैं, मार्च अप्रैल में राष्ट्रपति भवन में दिए जाते हैं। उसके बाद देखिए इस बार जो टोटल पद्म अवार्ड है, टोटल मिला के हैं पद्म अवार्ड 85 अवार्ड इस बार दिए गए हैं, ठीक है। इसमें से 3 तो है पद्म विभूषण, 9 है पद्म भूषण और 73 है पद्मश्री। अब देखिए इसमें 3 जो पद्म विभूषण है, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछे जाएंगे बिल्कुल जितने आने वाले एग्जाम है, पद्म भूषण के और पद्मश्री के जो आपके बहुत ही फेमस लोग हैं उनका नाम जरूर आप याद रखिएगा, ठीक है। इसमें से पूरी लिस्ट तो नहीं रटी जा सकती लेकिन इनके जो इंपॉर्टेंट वाले हैं नाम वो जरूर याद रखिएगा। देखिए 85 में से 14 जो अवार्डी हैं वो है वुमेन, 14 महिलाओं को अवार्ड मिला है, और इस लिस्ट में 16 जो पर्सन है वो फॉरनर्स की कैटेगरी में आते हैं, एनआरआई पीआईओ सीआई सबकी कैटेगरी में आते हैं, 10 है इसमें करीबन आसियान देशों से। तो ये वाली बातें हैं इसमें। देखिए सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि सबसे ज्यादा जो पॉपुलर इसमें कौन कौन से हैं जिनको लोग जिन लोगों को मिला है। सबसे पहले तो ये है, ये श्री इलैया राजा तमिलनाडु के हैं ये, ठीक है। ये फिल्म कंपोजर है और म्यूजिशियन है, तमिलनाडु के हैं, तो इनको मिला है ये पद्म विभूषण। श्री गुलाम मुस्तफा को मिला है, ये क्लासिकल म्यूजिशियन है, ठीक है, महाराष्ट्र के, ये इनको मिला है पद्म विभूषण। और ये जो श्री परमेश्वरम परमेश्वरन परमेश्वरन है, ये है आपके आरएसएस के आइडियोलॉग, तो ये इनको मिला है पद्म विभूषण, ये 3 को ये मिला है। फिर देखिए पद्म भूषण में सबसे इंपॉर्टेंट जो नाम है पंकज अडवाणी का है, स्पोर्ट्स के बिलियर्ड्स स्नूकर से संबंधित है, कर्नाटक के हैं ये। और महेंद्र सिंह धोनी सबसे इंपॉर्टेंट नाम है, ये झारखंड के हैं, ठीक है, तो इनको मिला है पद्म भूषण। तो ये दोनों नाम जरूर आप याद रखिएगा इसमें, ठीक है। इनके बाद ये जैसे और भी इनको मिला है, ये फिलिप्स मार क्रिस्टो क्रिसोसोस को है, ये मिला है स्पिरिचुअल के लिए, ये केरला के लिए मिला है इनको, ठीक है। मतलब देखिए इतने इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन कम से कम धोनी का नाम आप जरूर याद रखिएगा और अडवाणी का नाम याद रखिएगा। बाकी तो इसमें काफी सारी लिस्ट है, जैसे वेद प्रकाश नंदा को मिला है, रामचंद्र नागास्वामी को मिला है, लक्ष्मण पाई को मिला है, अरविंद पारिक को मिला है, शरद शारदा सिन्हा को मिला है, सॉरी। तो ये नाम है कुछ, इनके नाम आप देख लीजिए, पंकज अडवाणी, फिलिप्स मार क्रिसोस्टोम को और धोनी को और प्लस अलेक्जेंडर कडाकिन को, ठीक है। तो ये है उसमें से, ये फॉरेनर भी है और पोस्टमैन भी है, मतलब मरने के बाद मिला। आप देखिए पद्मश्री अवार्ड में बहुत सारे ऐसे लोगों को गवर्नमेंट ने चुना है जो लोग मतलब आम आदमी टाइप के लोग हैं और उनको बहुत अच्छी सर्विसेज जो कर रहे थे लेकिन उनको किसी ने भी रिकॉग्नाइज नहीं किया था, तो ये वाली बात है यहाँ पे, ठीक है। इसमें से बहुत सारे लोग हैं, कुछ डुओ भी हैं इसमें, अभय भंग है, बैंग है प्लस रानी बैंग, इनको डुओ में मिला है मेडिसिन में। तो इसमें भी देखिए बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बहुत सारे जो नाम है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे आपके हो गए स्कल्पचर है ये जो न्योमन न्यूत्रा को, ठीक है, उनको मिला है, ये इंपॉर्टेंट है नाम इनका। उसके बाद जो आपके इंपॉर्टेंट हैं, ये मलेशिया के कल्चरल आइकन है डांसर है दातुक रामली इब्राहिम को, और उसके बाद कंबोडिया के जो यंगेस्ट पार्लियामेंट्रियल हैं हुन को, उनको मिला है और उनके सन को मिला है, ठीक है, हुन सेन को। ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है, बाकी पद्मश्री की तो बहुत बड़ी श्रेणी है इसमें। देखिए एक है आर वासुदेवन को बोला जाता है प्लास्टिक रोड मेकर ऑफ इंडिया, इनको मिला है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पद्मश्री इनको मिला है। फिर एक है मुरलीकांत पेडकर, ये इंडिया के पहले पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट है, 1972 में हुए थे ये, इनको मिला है। उसके बाद है आपके सुभाषनी मिस्त्री, ठीक है, सुभाषनी मिस्त्री को मिला है, ये गरीब महिला एक्टिविस्ट है जो कि ह्यूमैनिटी हॉस्पिटल चलाती है ये वेस्ट बंगाल में, ठीक है। उसके बाद मिला है किसको, सुला गट्टी नरसिम्हा को, जो कि एक फॉर्म लेबरर थी है ये, और ये कर्नाटक में काफी काम कर रही है। उसके बाद मिला है ये येशी दोदिन को, जो कि एक तिब्बतीन मॉन्क है ये। उसके बाद विजयलक्ष्मी नवनीता कृष्णन को मिला है, विजयलक्ष्मी नवनीता कृष्णन को तमिल फोक आर्ट एक्सपोनेंट थी, और भी बहुत सारे लोग को मिला है। तो ये एक पूरी लिस्ट है, ये आप देख सकते हैं इसमें, ठीक है। इसमें और इसमें देखिए जैसे एक और है, ये लक्ष्मी कुट्टी है, ये 75 ईयर की ओल्ड वुमेन ट्राइबल वुमेन है, इनको बोला जाता है ग्रांड मदर ऑफ जंगल, जंगल की दादी। तो ये मतलब जो जिसको सांप वाप काट लेता है उसके लिए दवाई देती है ये। ऐसे कई सारे मतलब जो आम लोग हैं उनको इस बार गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज करके और जिनको कोई नहीं मतलब एक तरह से पूछती तो उनको ऐसे करके अवार्ड दिया गया है। बाकी देखिए ये लिस्ट तो बहुत लंबी है, ये आप एक बार देख लीजिएगा, लेकिन ये 85 के 85 नाम याद रखना बड़ी बड़ी थोड़ी मुश्किल सी बात है। 2 डुओ मिले हैं यहाँ पे, ठीक है, डुओ मतलब एक साथ 2 लोगों को मिला है यहाँ पे, ये एक डुओ है और एक ये डुओ है,
पोस्टमस भी मिलता है, ये जो पद्म अवार्ड है मतलब मरने के बाद भी दिया जाता है, ये वाली बात भी आप याद रखिएगा, इसमें ये पूछा जा सकता है ऑप्शन में, ठीक है। तो ये जैसे एक ये डुओ है अभय बंग और रानी बैंग, तो और दो डुओ मिले हैं कुल मिला के, 10 ऐसे लोग हैं जो कि आसियान कंट्री से आए हैं, उनको मिला है, जिन लोगों ने इस बार रिपब्लिक डे में पार्टिसिपेट किया है। देखिए पद्म विभूषण, जो पद्म विभूषण है इनको जरूर याद रखिएगा, श्री इलैया राजा, गुलाम मुस्तफा खान और परमेश्वरन परमेश्वरन, और इसमें जो है पद्म भूषण में पंकज अडवाणी, मयंक सिंह धोनी, इनका तो नाम आप जरूर याद रखिएगा, फिलिप्स मार्कुस सोस्टोमकर और प्लस एलेक्जेंडर कडाकिन को, तो ये कुछ नाम है इसमें, शारदा सिन्हा, अरविंद पारिक है, लक्ष्मण पाई है, वेद प्रकाश नंदा है, रामानंदा नागा, रामचंद्र नागास्वामी, तो ये इन लोगों को मिला है। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज लाइक एंड शेयर। ये लिस्ट आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री में ही है, सभी की लिस्ट डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए बजट जो 2018-19 वाला आया था उसमें 9 जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स हैं, योजनाएं, वो आपको जरूर याद रखनी चाहिए। हालांकि मैं इसके पहले पूरा बजट का एनालिसिस कर चुका हूँ, प्लस बजट से रिलेटेड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन वाला पीडीएफ भी दे चुका हूँ, वीडियो भी दे चुका हूँ, और प्लस इकोनॉमिक सर्वे के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी दे चुका हूँ, तो बजट उसमें लगभग कंप्लीट हो चुका है। लेकिन फिर भी ये जो नई 9 योजनाएं हैं इनको जरूर याद रखिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा एग्जाम में, आईएएस पीसीएस के एग्जाम में आप देखिएगा, ये वाली 9 एकदम रट लीजिएगा, ठीक है। पहला है कि, और देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है क्योंकि लोगों को बहुत समस्याएं रहती हैं इन सब चीजों से। पहली है नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम, ये किसके अंडर की जाएगी? आयुष्मान भारत स्कीम के अंडर में 2 प्रोग्राम लॉन्च किए जाएंगे। पहला उसमें होगा नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम, जो कि 10 करोड़ गरीब लोगों को कवर करेगी, गरीब परिवारों को कवर करेगी, और इसमें 5 लाख रुपए बीमा मिलेगा प्रति परिवार, मतलब पर फैमिली आपको मिलेगा 5 लाख का इंश्योरेंस कवर, हर फैमिली को दिया जाएगा हर साल, सेकेंडरी और टर्शरी केयर इंस्टीट्यूशंस के लिए। और इसमें टोटल बेनिफिशियरी कितने होंगे? 50 करोड़, मतलब ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा गवर्नमेंट फंडेड हेल्थ केयर प्रोग्राम होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसमें रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, पूछ सकते हैं आपसे कि आयुष्मान भारत किस चीज से रिलेटेड है, तो ये आपको याद रखना है कि किससे रिलेटेड है, नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम है। दूसरा ऑपरेशन ग्रीन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, 500 करोड़ रुपए इसका टोटल फंड होगा। इसमें देखिए जो प्राइस फ्लक्चुएशन होता रहता है टमाटर प्याज और आलू, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए, ये सभी चीजों पे डिस्कस किया जाएगा और उससे रिलेटेड कदम लिए जाएंगे। मतलब इसका बेसिक पर्पस क्या है कि जो प्राइस फ्लक्चुएशन रोकना, कहाँ कहाँ टमाटर ओनियन और ये आपका तो पोटैटो, आलू टमाटर और प्याज, मतलब बेसिक एम तो वही है, 2022 तक जो हमारे किसानों की आय है उसको डबल करना है, तो उसी से रिलेटेड गवर्नमेंट बहुत सारे प्रोग्राम चला रही है, ये भी उसी लाइन में एक प्रोग्राम है ऑपरेशन ग्रीन्स, ठीक है। इसमें देखिए ये 3 चीज जरूर याद रखिएगा कि टमाटर प्याज और आपका आलू, इन तीनों के प्राइस जो फ्लक्चुएशन होते हैं उनसे रिलेटेड फोकस रहेगा यहाँ पे बहुत ही ज्यादा, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो स्कीम है ये है एकलव्य स्कूल, ये इस पे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, जैसे नवोदय विद्यालय अभी तक होता था लेकिन वो सभी चीजों के लिए, सभी मतलब कैटेगरी के लिए होता था, उसमें कुछ लोगों की मतलब एग्जाम लेके और बाकायदा उनको पढ़ाते हैं, यहाँ पे क्या है ये एकलव्य स्कूल करेंगे, लेकिन ये सिर्फ होगा ST कैंडिडेट के लिए, अनुसूचित जनजाति के लिए, ठीक है, ये अनुसूचित जाति नहीं, सॉरी यहाँ पे गलत लिख गया, ये अनुसूचित जनजाति के लिए होगा, सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल ट्राइब के लिए होगा, और उसमें भी ट्राइबल ब्लॉक ऐसे सिलेक्ट किए जाएंगे जहां पे आपकी या तो 50% पॉपुलेशन ट्राइबल है और या फिर 20,000 कम से कम वहां पे ST लोग रहते हैं, यानी किस अनुसूचित जनजाति लोग वाले लोग रहते हैं, उनको वहां पे नवोदय विद्यालय की तर्ज पे एकलव्य विद्यालय किया जाएगा, खोला जाएगा, मतलब ट्राइबल पे फोकस किया जाएगा कि उनकी, और देखिए ये भी चीज फोकस की जाएगी कि जो भी उनका लोकल आर्ट और ये कल्चर है वो प्रिजर्व रहे, उसी के साथ उनको पढ़ाया जाए, उनको स्किल डेवलपमेंट किया जाए, उनको शिक्षित किया जाए, तो ये सभी चीजें इसमें, खेल और कौशल विकास पे भी पूरा ध्यान दिया जाएगा। फिर नेक्स्ट स्कीम है राइस स्कीम, इसमें क्या किया जाएगा, जो भी इंडिया में हायर इंस्टीट्यूशंस है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, उनको कम ये मतलब कम रेट पे उनको ये लोन दिया जाएगा, ठीक है, और ये इसका नाम है टोटल रिवाइटलाइजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और सिस्टम्स इन
एजुकेशन, मतलब कि जो आपके हायर इंस्टीट्यूशंस हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको आप लोन देंगे ताकि वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी क्रिएट करी जा सके, और प्लस टोटल 1 लाख करोड़ का इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट होना है अगले 4 सालों में, ताकि जो हमारे यहाँ पे हायर एजुकेशन है उनकी और अच्छे से अच्छी फैसिलिटी हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा हो सके और इंडिया को फायदा हो सके। क्योंकि जब हायर एजुकेशन वाले लोग जो हैं वो रिसर्च में आएंगे, फिर बाकी सारी कई सारी नई नई टेक्नोलॉजी लाएंगे, इनको इसीलिए फाइनेंस किया जाएगा हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी से, ठीक है, जो कि एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होगी। फिर उसके बाद है प्राइम मिनिस्टर फेलोशिप स्कीम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आईआईटी और आईएससी में पीएचडी के लिए 1000 बीटेक छात्रों को चुना जाएगा, ठीक है, 1000 जो प्राइवेट कॉलेज से होते हैं उनको चुना जाएगा, और उनको आईआईटीज में और आपके आईएससी में आपको पीएचडी करने का मौका दिया जाएगा। बेसिक पर्पज यही कि जो रिसर्च है इंडिया में उनको और ज्यादा उसको प्रमोट किया जा सके, और प्लस जैसे लोग यहाँ से रिसर्च करने बाहर भाग जाते हैं तो वो ब्रेन ड्रेन को रोका जा सके, जो यहाँ के लोग वो यहीं पे रहे, ये बेसिक फोकस है। नेक्स्ट स्कीम है ये किसान जो क्रेडिट कार्ड है, इसको आपको एक्सटेंड कर दिया गया है फिशरमैन और कैटल ओनर्स के लिए, जो मछुआरे होते हैं, मवेशी मालिक होते हैं, उनको किया जा गया है, मतलब वो लोग को भी अब लोन मिल जाएगा, ठीक है, बहुत ईजी लोन मिल जाएगा किसान क्रेडिट कार्ड से, तो उनको भी फायदा रहेगा अपनी सर्विसेज को बढ़ाने में, अपने बिजनेस को बढ़ाने में, ये सभी बातें हैं इसमें। अफोर्डेबल हाउसिंग फंड, देखिए मैं इसमें केवल एक ओवरव्यू बता रहा हूँ, इससे रिलेटेड चीजें आप एक बार और देख लीजिएगा गूगल पे, ताकि ये पूरी तरह से पक्का हो जाए। ये वाले क्वेश्चन आएंगे जरूर, क्योंकि नई स्कीम है ये। अब इसमें इसको किया जाएगा नेशनल हाउसिंग बैंक के थ्रू। अब देखिए इसमें एक चीज ये याद रखिएगा, 2022 तक हाउसिंग फॉर ऑल स्कीम है, तो ये भी पूछा सकता है कि उसका टारगेट कब है, कब तक हाउसिंग फॉर ऑल देना है, 2022 तक है वो, ठीक है। तो इसमें 1 करोड़ घर बनाए जाएंगे रूरल एरियाज में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ही, और ये जो फंड होगा इसको ये प्रायोरिटी जो सेक्टर लेंडिंग होती है, आपने देखा होगा आरबीआई में ये सब होती है, आपने आरबीआई की वेबसाइट पर जाकर देखेंगे तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का पूरी लिस्ट मिल जाएगी कि कौन कौन जो है इस प्रायोरिटी सेक्टर में आते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है इसमें यहाँ पे। और फिर नेक्स्ट है इसमें गोवर्धन योजना। गोवर्धन योजना का मेन पर्पस क्या है कि जो विलेजर्स हैं, जो गांव में रहने वाले लोग हैं, उनकी लाइवलीहुड को इम्प्रूव किया जा सके। पूरा नाम क्या है, गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स फंड स्कीम है ये। और ये बेसिक फोकस क्या है कि जो भी गोबर होता है वहां पे, सॉलिड वेस्ट होता है, उसको चेंज कर देंगे कंपोस्ट में, बायोगैस में और बायो सीएनजी में। और सबसे लास्ट में बंबू जो है, इस बार देखिए फाइनेंस मिनिस्टर ने बंबू को बोला है ग्रीन गोल्ड, और इसीलिए जो नेशनल बंबू मिशन है उसको रिवैम कर दिया गया, फिर से इसको स्टार्ट किया जाएगा, और 1290 करोड़ रुपए इसको एलोकेट भी कर दिए गए हैं, ताकि बंबू जो प्रोडक्शन है उसकी इंडस्ट्री को इंडिया में डेवलप किया जा सके, और ये फायदा भी करेगा जो रूरल एरियाज है, ट्राइबल एरियाज है, ठीक है। ये वाली पीडीएफ मैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के टेलीग्राम में शेयर कर दे रहा हूँ, अगर आपको ज्वाइन ये पीडीएफ चाहिए तो आप उससे ले लीजिएगा जाके, ठीक है। ये है हमारा स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का टेलीग्राम चैनल, आप इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। जितने भी वीडियोस आते हैं सबको मैं यहाँ पे कर देता हूँ आपको शेयर, क्योंकि यूट्यूब में नोटिफिकेशन नहीं आ पाते हैं सभी के, तो इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए जिनको भी हमारी वीडियो चाहिए। और आने वाले टाइम पे हम लोग यूपीएससी के लिए भी टेस्ट सीरीज और प्लस आपकी एनसीईआरटी का पूरा कवरेज लाने वाले हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए ये मोस्ट एक्सपेक्टेड फैक्ट्स हैं, क्वेश्चन है बजट से रिलेटेड। इससे पहले मैं पूरी बजट की एनालिसिस वाला वीडियो दे चुका हूं आपको, वो देख लीजिएगा, प्लस बजट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस है वो देख चुका हूं, उसके अलावा भी कुछ फैक्ट बच गए थे तो वो इसमें कवर करेंगे, लेकिन ये जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें हिंदी में लिखा हुआ है पूरा लगभग। देखिए सबसे पहली बात तो बजट में एक आपके लिए स्कीम ये बोलने बोल रहे हैं, ये आयुष्मान स्कीम है ये, और ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना लॉन्च करेंगे, 10 करोड़ लोगों को कवर करेंगे इसमें, और 5 लाख रुपए प्रति परिवार मिलेगा। तो ये बहुत देखो इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो मैं बता रहा हूँ, बस आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है ये, ठीक है। 10 करोड़ इसमें कवर होंगे लोग, और 5 लाख रुपए प्रति परिवार मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा टीवी के मरीजों के लिए 600 करोड़ रुपए का पैकेज है, इस बार 500 रुपए पर मंथ मिलेगा इसमें। उसके बाद देखिए कह रहे हैं कि 2022 तक सबके पास एक घर होगा, तो वो ऑल हाउस जो स्कीम है आपकी हाउसिंग फॉर ऑल वो कब तक होगी, 2022 तक, और 51 लाख घर बनाए जाएंगे। उज्ज्वला योजना थी जिसमें फ्री एलपीजी सिलेंडर जो बांट रहे थे, 5 करोड़ लक्षिता अब 8 करोड़ कर दिया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है बहुत, याद रखिएगा इसको। देखिए इनकम टैक्स में कोई भी जो आयकर की दर है उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, और ये एक डेटा आया है कि 2016-17 में 85 लाख नए करदाता जुड़े हैं। टोटल इस समय कितने इनकम टैक्स पेयर हैं,
वो आप बताइएगा। मैंने बजट एनालिसिस वाले में बताया था आपको एग्जैक्टली वो चीज़ याद रखनी चाहिए। और प्रत्यक्ष कर डायरेक्ट टैक्स में ये पिछले बार कितनी की वृद्धि हुई, 12.6% की, ठीक है। ये देखिए अब जितने भी लोग सैलरी क्लास है 40,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन देना पड़ेगा। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो अभी तक आपको ट्रैवल अलाउंस और मेडिकल अलाउंस मिलता था उसका आपको बिल देना पड़ता था वो करीबन 34,000 कुछ था, और अब ये 40,000 में आपको बिल देने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली क्लेम कर सकते हैं आप। उसके बाद ये है कि जो भी सीनियर सिटीजन के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं, 10,000 तक वैसे इंटरेस्ट फ्री रहता था, अब इनको 50,000 तक कर दिया गया है। फिर उसके बाद देखिए उड़ान योजना जो थी आपकी रीजनल कनेक्टिविटी वाली स्कीम, उसके तहत 56 हवाई अड्डे और 31 हेलीपैड में स्टार्ट की गई कनेक्टिविटी। उसके अलावा देखिए जो उड़ान योजना से जुड़ने के लिए 10 जो प्रमुख प्रतिष्ठित ये आपके ये पर्यटन स्थल है उनको ही किया जाएगा, ठीक है। बिटकॉइन को सरकार ने बोला है कि इलीगल टेंडर है, उसको प्रमोट नहीं करेंगे ये लोग। उसके अलावा जीएसटी जो लागू हुआ था, कब हुआ था डेट आपको याद रखनी चाहिए, एग्जैक्ट डेट याद रखिएगा, बताइए कब हुआ था। वो बोल रहे हैं कि इसमें इसकी वजह से 41% ज़्यादा ये इनकम टैक्स रिटर्न भरे गए हैं और काफ़ी सारी चीज़ें हुई हैं इसमें। देखिए डिफेंस के लिए कितना ये बजट किया गया है, 2.95 लाख करोड़, ठीक है, करीबन 3 लाख करोड़ का बजट होगा। दो इंडस्ट्रियल इसमें ये प्राइवेट डिफेंस कॉरिडोर भी बनाए जाएंगे। डिजिटल इंडिया का बजट डबल कर दिया गया है, 3,073 करोड़ का है। ग्रामीण जो एरिया है उसमें 5 लाख वाईफाई हॉटस्पॉट बनाए जाएंगे। उसके अलावा देखिए रेलवे का टोटल इस बार का कितना है, ये है बजट 1.48 लाख करोड़ है, ठीक है, 1.48 लाख करोड़ है ये। और इसमें मेन फोकस किया जाएगा कैपेसिटी एनहेंसमेंट पे, 3600 किलोमीटर की नई ये जो पटरियां हैं उनका नवीनीकरण किया जाएगा, 600 प्रमुख स्टेशनों पे रीडेवलपमेंट किया जाएगा वहां पे। देखिए जैसे जवाहर नवोदय विद्यालय होता था वैसे ही जो एसटी कैंडिडेट हैं, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब यानी कि अनुसूचित जनजाति, उनके लिए एकलव्य मॉडल कॉलेज बनाया जाएगा। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात ये क्या है, कहाँ कहाँ बनाया जाएगा, या तो आपकी वहाँ पे 50% आबादी एसटी हो किसी ट्राइबल ब्लॉक में, और या फिर कम से कम 20,000 लोग एसटी हो वहाँ पे। उसके अलावा एक राइज योजना स्टार्ट की जाएगी शिक्षा में, शिक्षा से रिलेटेड है, एडुकेशन से रिलेटेड है ये, और जो भी शिक्षक हैं उनकी क्वालिटी बढ़ाने के लिए ये इंटीग्रेटेड बीएड प्रोग्राम चालू किया जाएगा। और इसमें फिर ये इसकी अभी स्कीम आएगी, ये जल्दी ही आएगी, इसमें हर 3 लोकसभा पर एक मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये पूछ सकते हैं एग्जाम में आपसे कि जो कि कितनी लोकसभा पर एक मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा, तो हर 3 लोकसभा की सीटों पे एक मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा, और इस बार 24 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। देखिए एक ऑपरेशन फ्लड की तरफ पर ऑपरेशन ग्रीन्स चालू होगा, जो प्राइस फ्लक्चुएशन होता रहता है ना पोटैटो ओनियन और टोमेटो 3 चीज़ों में, उसके लिए बनाया जाएगा ऑपरेशन ग्रीन्स, उसको मैनेज करने के लिए 500 करोड़ रुपये का फंड है। उसके अलावा देखिए जो MSP देती है सरकार हर बार, वो बोला है इन्होंने कि खरीफ जो आने वाली क्रॉप है उनके लिए 1.5 गुना देंगी प्रोडक्शन कॉस्ट का, ठीक है। सौभाग्य स्कीम जो थी वो किस चीज़ से रिलेटेड बताइए आप जल्दी से, 4 करोड़ गरीबों को इसमें बिजली कनेक्शन दिए जाएंगे। और स्वच्छ भारत जो स्कीम थी उसमें अगले साल 2 करोड़ शौचालय बनाने की बात कही गई है। फिर ये किफ़ायती जो आवास निधि है इसमें बोल रहे हैं कि ये जो इसमें आप समझ सकते हैं इसमें कि ये इसमें ये देखिए जो 2022 तक सभी के पास अपना घर हो उसके लिए है ये। और प्रधानमंत्री आवास योजना है जैसे, उसमें आप क्या कह रहे हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में 1 करोड़ से अधिक घर बनाए जाएंगे, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। फिर ये देखिए इस बार ऐसा है कि जो किसान क्रेडिट कार्ड है उसको ये आप मछुआरों के लिए और पशुपालकों के लिए एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज के लिए भी एक्सटेंड किया जाएगा, तो ये वाली बात है, इससे उनको लोन जल्दी मिल जाएगा, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। फिर मोदी केयर है जैसे, अब मोदी केयर यही है जैसे वहाँ पे ये, यहाँ पे किस लिए बोला है मोदी केयर, क्योंकि जैसे ओबामा केयर था ना वहाँ पे US में आ रहा था, उसी टाइप का ये लोग बोल रहे हैं कि पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ये हेल्थ और मेडिकल इंश्योरेंस प्रोग्राम बनाएंगे। 10 करोड़ लोगों को कवर किया, 10 करोड़ परिवारों को कवर किया जाएगा, 5 लाख रुपये पर फैमिली मिलेगा, ये काफ़ी बड़ी बात है ये। और अभी तक जैसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना थी उसमें 30,000 मिलता था, लेकिन इसमें कह रहे हैं 5 लाख रुपये तक, पैसे कहाँ से आएंगे वो सब चीज़ें अभी धीरे धीरे आएंगी। फिर देखिए एक है ये गोवर्धन योजना, इसमें क्या किया गया है, देखिए इसमें गोवर्धन का पहले फुल फॉर्म लिखा हुआ है, गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन। तो इसमें क्या किया जाएगा, जो भी गोबर और खेत में जो होते हैं सॉलिड वेस्ट होता है उनको कंपोस्ट, बायोगैस और बायोसीजिंग बदला जाएगा, तो ये कुल मिला के रूरल एम्पावरमेंट टाइप का है ये कुछ। और ये उज्ज्वला योजना जो है जैसे, इसमें फ्री LPG बांटते थे, 5 करोड़ दे रहे थे, अब 8 करोड़ लोगों को देंगे, 8 करोड़ जो गरीब घरों की महिलाएं हैं। राष्ट्रीय बांस योजना, देखिए जो नेशनल बंबू मिशन है उसको
इस बार ये लोग मतलब फिर से लॉन्च करेंगे ये अच्छी तरीके से, और इसमें 1290 करोड़ रुपए लगाए जाएंगे। एक चीज और है यहाँ पे कि बजट में बोला गया है ग्रीन गोल्ड, ठीक है, तो ग्रीन गोल्ड किसके लिए बोला गया है, बम्बू के लिए, बांस बोलते हैं इसको हिंदी में। सौभाग्य योजना क्या है, ये बिजली कनेक्शनों के लिए है। ये अभी मैंने पूछा था, ये आप सुन भी लीजिए, ग्रामीण जो इलाके हैं रूरल एरियाज में 4 करोड़ परिवार तक करा जाएगा इसमें, और 16,000 करोड़ का इसमें टोटल बजट है। उड़ान योजना को और ज्यादा विस्तार किया जाएगा, ये बता चुका हूँ। एकलव्य स्कूल बता चुका हूँ, किसके लिए होगा, एसटी के लिए, एसटी के लिए होगा, जहां पे कोई ऐसे ट्राइबल ब्लॉक है जहां पे 50% ज्यादा एसटी लोग रहते हैं और 20,000 से ज्यादा उनकी आबादी है, ठीक है, तो ये नवोदय विद्यालय की तरह होंगे। फिर ये प्रधानमंत्री फेलोशिप योजना, ये भी मैंने आपको बता दिया, ये एक्चुअली प्रधानमंत्री रिसर्च फेलोशिप योजना है। ये बीटेक जो भी छात्र होंगे प्राइवेट कॉलेजों के, उनको आईआईटी आई आई ट्रिपल आईटी और आईआईएससी में पीएचडी करने का अवसर दिया जाएगा। और दूसरी बात, ब्रेन ड्रेन भी जो हो रहा है उसके लिए रोका जाएगा। अब देखिए, ये क्वेश्चन है, मैं बता चुका हूँ ऐसे, लेकिन ये टॉप 50 में आने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। फ्रेजाइल 5 की बात की गई, तो फ्रेजाइल 5 में पांचों कंट्री आती है, तुर्की, ब्राजील, भारत, दक्षिण अफ्रीका और इंडोनेशिया, पांचों आती हैं, ठीक है, यही मैंने पूछा भी था आपसे। सेकंड वाला क्वेश्चन है, इसमें से आपको गलत वाला चुनना है। देखिए, पहला जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है और दूसरा वाला स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है कि जो 2015-16 से लेकर 16-17 तक 7.5% की एवरेज ग्रोथ रेट की है इंडिया ने अचीव, और अब भारत हो गया 2.5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी, 7वें नंबर पे है। ये दोनों स्टेटमेंट सही है, याद रखिएगा। परचेजिंग पावर पैरिटी में इंडिया 3rd नंबर पे है, बिल्कुल याद रखिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है यहाँ पे। GDP जो ग्रोथ करेगी, सेकेंड क्वार्टर होगा 2017-18 में, 7.2 से 7.5% करेगी, और एक्सपोर्ट कितना ग्रोथ करेंगे, 15%। देखिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाएगा, मान लीजिए आपसे पूछ लिया जाएगा 2017-18 में कितना ग्रोथ एक्सपेक्टेड किया है बजट ने, तो कितना किया है, 15%। दोनों स्टेटमेंट सही है। फिर ये वाला भी क्वेश्चन मैं आपको बता ही चुका हूँ कि जो आपका फिस्कल डेफिसिट है 2018-19 के लिए कितना रखा गया है, 3.3%। 2017-18 के लिए कितना होगा, 3.5%। और डिस इन्वेस्टमेंट टारगेट इस बार का कितना था, 2017-18 का 72,500 करोड़, अगली बार कितना है, 80,000 करोड़, लेकिन इस बार का जो टारगेट है वो कह रहे हैं कि 72,000, ये 72,500 से क्रॉस कर जाएगा, 1 लाख तक जाएगा। और ये वाला भी स्टेटमेंट सही है कि गवर्नमेंट बोल रही है कि FRBM जो एक्ट है उसको मॉडिफाई करके 3% फिस्कल डेफिसिट टारगेट लाएंगे 2021 तक। सैलरी किसकी किसकी बढ़ा दी गई, वाइस प्रेसिडेंट की कर दी गई 4 लाख, 1.1 लाख से प्रेसिडेंट की कर दी गई है 5 लाख, 1.5 लाख से वो गवर्नर की कर दी गई है 1.1 लाख से 3.5 लाख करीबन। और MPMLA के लिए भी बोला गया है कि हर 5 साल में इन्फ्लेशन के हिसाब से इनकी बढ़ाएंगे, और ये जो सैलरी है इसकी अप्रूवल किसका अप्रूवल चाहिए, पार्लियामेंट का अप्रूवल चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। फिर ये ग्रीन गोल्ड मैंने बताया किसके लिए रिफर किया गया, बैम्बो के लिए, तो ये पूछ सकते हैं आपसे। 2022 तक हर जो ब्लॉक होंगे उसमें, देखिए ये मैंने एकलव्य मॉडल जो स्कीम बताई थी उससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन यहाँ पे दिए हुए हैं, 2 स्टेटमेंट। ये किसके लिए, ये एसटी के लिए है, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है, बाकी सही है, ये नवोदय विद्यालय की तर्ज में होंगे। ये वाला वीडियो मैं बना चुका हूँ, आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये वाला स्टेटमेंट देखिए, 10th वाले में उज्ज्वला योजना को 5 करोड़ से 8 करोड़ कर दिया जाएगा, बिल्कुल सही है ये। सौभाग्य योजना में 4 करोड़ लोगों को कवर किया जाएगा, 16,000 करोड़ का बजट है, और हाउसिंग फॉर ऑल के लिए आपके 2019 में अर्बन एरियाज में 1 करोड़ घर डेवलप किए जाएंगे, तीन ये है इसमें, ठीक है। पहला दूसरा सही है, तीसरा गलत है, क्योंकि यहाँ अर्बन एरिया लिखा है, यहाँ पे रूरल एरिया होना चाहिए। फिर इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, गवर्नमेंट अब कह रही है कि जो पे एज टू यूज, मतलब जितना आप यूज करो उतना पे करो, ये कहाँ पे इंट्रोड्यूस करने जा रही है, टोल टैक्स में, ई वाला सिस्टम आ रहा है, डिजिटाइज कर रहे हैं उसको। ऑपरेशन ग्रीन किस लिए किया जाएगा, प्राइस फ्लक्चुएशन पोटैटो टोमेटो ओनियन के लिए। CBEC का नाम अब बदल के रख दिया गया है, CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम, ठीक है। फिर प्रोजेक्ट ई विधान जो चालू किया है किसके लिए किया है, स्टेट लेजिस्लेचर की जो फंक्शनिंग है उसको पेपरलेस बनाने के लिए ई संसद किया है, पार्लियामेंट के लिए। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा गलत है, ठीक है। इसमें देखिए, मैं पूरा ये डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये सब चीजें डिस्कस कर चुका हूँ मैं, ये टॉप 50 में फैक्ट बता रहा हूँ, 50 से ज्यादा ही फैक्ट बता रहा हूँ आपको, ये एक एक फैक्ट याद रखेंगे तो इससे बाहर तो कुछ नहीं आएगा। जो मैंने टोटल वीडियो अभी डाले हैं बजट और इकोनॉमिक सर्वे के, एक एनालिसिस डाला है, एक मैंने क्विज डाली है, एक ये वाला डाल रहा हूँ, ठीक है, 3 ये हो गए, इकोनॉमिक सर्वे की एनालिसिस डाली है और इकोनॉमिक सर्वे की क्विज डाली, 5 वीडियो देख लीजिए, इकोनॉमिक सर्वे और बजट से रिलेटेड मैक्सिमम क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। और उस सबके लिए एक मैंने प्लेलिस्ट बना रखी, करंट अफेयर 2018 की, उसमें सब दिया हुआ है, उसमें मैंने पिछले साल का जो करंट अफेयर है पूरा बेस्ट स्पोर्ट करंट अफेयर सब कुछ दे रखा है उसमें, ठीक है, पूरा 2017 का कवर है उसमें। फिर ये कह रहे हैं कि एक वेब बेस्ड गवर्नमेंट इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम बन रहा है, इसको कौन एडमिनिस्टर करेगा, CAG।
हिंदी में भी लिखा हुआ है ये सब चीजें। फिर ये देखिए, अभी तक जो सेस लगता था 3% लगता था, उसको बोलते थे एजुकेशन सेस। 2% लगता था प्राइमरी के लिए और 1% लगता था आपका सेकेंडरी के लिए। आप ये कह रहे हैं एजुकेशन को खत्म करके हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लाएंगे और ये लगेगा 4%, ठीक है? तो ये वाली बात है, और इससे 11,000 करोड़ आएगा करीबन। तो इस दोनों स्टेटमेंट में दोनों ही सही है। फिर ये जो कुछ और इसमें बोला गया कि कौन कौन से करेक्ट हैं, देखिए जो मेजर पोर्शन आता है वो आता है सैलरीड क्लास से इनकम टैक्स में, और ये एवरेज टैक्स पेमेंट इनका कितना है, 76,000 करोड़ है। बिजनेस का कितना है, 25,000 करोड़ है एवरेज टैक्स पेमेंट। कॉरपोरेट टैक्स से रिलेटेड देखिए एक चीज समझनी बहुत जरूरी है, पिछला जो बजट आया था 2017-18 का, उसमें इन्होंने क्या बोला था कि जिन लोगों ने 2015-16 में जो कंपनियां ऐसी हैं जिनका 50 करोड़ से कम है टर्नओवर, उनको कॉरपोरेट टैक्स 25% देना है, 30% नहीं देना है। इस बार बोला इन्होंने कि इस वाले बजट में अगर आप देखें कि जो भी कंपनियां ऐसी हैं जिनका 250 करोड़ से कम टर्नओवर है 2016-17 में, उनको देना है कितना, 25%, और बाकी कितनी टोटल कंपनियां कितनी इंडिया में, 7 लाख है करीबन। अब इस जो नेट में अगर आप देखें 25% वाले में कितनी आ गई, करीबन 99%। अब सिर्फ 7,000 कंपनियां ऐसी बचेंगी जिनको कि 30% वाला कॉर्पोरेट टैक्स देना है। इसमें देखिए सबसे ज्यादा शेयर किसका है, ये पूछ रहा है कि टोटल जो एक्सपेंडिचर होता है कहाँ सबसे ज्यादा करेंगे। सबसे ज्यादा तो है ये सेंट्रल शेयर स्कीम का, और सेकंड नंबर पे ये, और थर्ड नंबर पे आपका सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सबसे ज्यादा पैसा कहाँ से आएगा, जीएसटी वाले से। सेकंड नंबर पे आएगा कॉर्पोरेशन टैक्स, थर्ड नंबर पे आएगा इनकम टैक्स। उसके बाद ये बजट जो है कहीं भी यूज नहीं किया, सही है। बजट स्टेटमेंट होता है रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर का, दोनों स्टेटमेंट सही है। देखिए इसमें फैक्ट याद रखिएगा बस जो मैं बता रहा हूँ। अब देखिए ये बजट की स्टेजेस हैं, इसके लिए क्या ट्रिक है, PDSVAF, प्रेजेंटेशन डिस्कशन स्क्रूटनी और आपका वोटिंग और प्रोप्रिएशन बिल और फाइनेंस बिल, ये है स्टेजेस, याद रखिएगा एकदम एग्जैक्टली। यही डिफेंस आउटले कर दिया है, 2.82 लाख कर दिया है ये करीबन, ये ऊपर शायद गलत लिख गया था, 2.82 लाख है ये करोड़ डिफेंस वाला। और ये जो आपकी तीन इंश्योरेंस कंपनी इनको मर्ज करके बना देंगे, क्रिप्टो करेंसी को गवर्नमेंट स्टॉप करेगी लेकिन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को प्रमोट करेगी, तो तीसरा गलत है, बाकी तो सही है। उसके बाद मिनिमम सपोर्ट प्राइस मैंने आपको बता ही दिया, खरीफ को जो प्राइस, खरीफ की जो फसल है उसमें 1.5 गुना देंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का। और जो ये एमएसपी डिक्लेयर कौन करता है, सीएसईपी। मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि जो जैसे ये जो फार्मर्स हैं, ये संकट, ये जब मतलब काफी ज्यादा इनके पास जब फूड ग्रेन प्रोडक्शन हो जाता है तो कम से कम उनको उतना प्राइस तो मिल जाए मार्केट में, क्योंकि प्राइस कई बार गिर जाते हैं काफी, तो उनको सपोर्ट करने के लिए फार्मर्स को। आयुष्मान भारत किससे रिलेटेड है, हेल्थ और मेडिकल सेक्टर से, बता चुका हूँ मैं ये सब। रेलवे के लिए ये चारों स्टेटमेंट पांचों सही है, ठीक है, हिंदी में भी लिखा हुआ है, ये पांचों स्टेटमेंट सही है, देख लीजिएगा आप। और ये लास्ट वाला है कि आपका लॉन्ग टर्म जो कैपिटल गेन्स टैक्स है 1 लाख से ऊपर पे लगेगा 10%, और शॉर्ट टर्म पे वही 15% रहेगा। तो ये टॉप 50 फैक्ट थे, उसमें जो मैंने पांच, देखिए इससे पहले मैंने कौन कौन सी वीडियो बनाए देख लीजिए एकदम एग्जैक्टली। एक बनाया मैंने आपका बजट एनालिसिस, पूरा एनालिसिस 1 घंटे का है वो। एक बनाया है कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फ्रॉम बजट, उसमें करीबन 27 क्वेश्चन है, यही वाले जो थे उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन लेवल पे बनाया है मैंने ये। और प्लस ये वाला जो बचा है ये वाला आप देख लीजिएगा, और प्लस इकोनॉमिक सर्वे का एनालिसिस और प्लस इकोनॉमिक सर्वे के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, ये हो गए। और प्लस इसमें मैंने इन सब के लिए एक करंट अफेयर 2018 नाम की प्लेलिस्ट बना दी, उससे देख लीजिए। अब जो लोग मान लीजिए जिनको 1 जनवरी 2017 से लेकर 31 जनवरी 2018 तक का करंट अफेयर चाहिए, वो भी मैंने उसी लिस्ट में अपडेट कर रखा है। बेस्ट स्पोर्ट करंट अफेयर, टोटल करंट अफेयर, लिस्ट ऑफ कमिटीज हो गई आपकी, और प्लस जितने भी आपके एप्स ये किए हैं सरकार ने, सब कुछ उसमें दिया है। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज टू लाइक एंड शेयर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक सर्वे के सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, वो जो सभी एग्जाम में आ सकते हैं, एसएससी, यूपीएससी, आईएएस, पीसीएस, जितने भी एग्जाम्स हैं। अभी देखिए ये वाला एक पहला पार्ट है, इसके बाद एक और पार्ट लाऊंगा उसमें काफी ज्यादा डिटेल्ड में क्वेश्चन होंगे, इसमें काफी ज्यादा बेसिक्स क्वेश्चन है, ठीक है। ये सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट, और ये हिंदी इंग्लिश दोनों में। देखिए इससे पहले आप लोग ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए अगर आपको ये वाली पीडीएफ फ्री में चाहिए, ठीक है। ये टेलीग्राम वाला चैनल है हमारा, फ्री में ही है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज आप डालेंगे इसमें @study for civil services, ये वाली पीडीएफ मैं वहां पे शेयर कर दे रहा हूं, जिसको पीडीएफ चाहिए वो वहां से ले ले। और चलिए यहां पे स्टार्ट कर लेते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखे हुए हैं मैंने। देखिए सबसे पहले बात तो ये है कि
इकोनॉमिक सर्वे या फिर आर्थिक सर्वेक्षण होता क्या है, ये कुल मिला के एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो पिछले साल का, देखिए जो बजट आता है वो किसका आया है, वो बजट आया है 2018 से लेके 19 तक का, ठीक है। लेकिन जो इकोनॉमिक सर्वे होता है, आर्थिक सर्वेक्षण होता है, वो किसका होता है, वो पिछले साल का 2017 तक में जो पॉलिसीज आई, गवर्नमेंट की प्रोग्राम्स आए हैं, जो भी वित्तीय वर्ष का टोटल मूल्यांकन किया जाता है इसमें, ठीक है। तो आर्थिक सर्वेक्षण होता है पिछले साल का 2017-18 में, और प्लस इसमें स्मॉल और मीडियम टर्म्स के लिए लिए बताते हैं पूरी कि क्या ये गवर्नमेंट आने वाले टाइम पे सुधार करने वाली, ये सब चीजें। लेकिन जो बजट है वो 2018 से 19 तक में, मतलब पैसा जो आएगा इनके पास, पैसा कहां से आएगा, खर्चा कहां करेंगे, ये सभी चीजें, ठीक है। तो ये वाली बात है इसमें। और जो आर्थिक सर्वेक्षण है, ये जैसे बजट आपने देखा है 1 फरवरी को किया गया जारी, और उससे 2 दिन पहले होता है आपका आर्थिक सर्वेक्षण, तो ये वाली बात है। यहाँ पे 31 जनवरी 2017 लिखा है, ये गलत है, ये 29 जनवरी 2018 है यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाली बात है। अब कौन तैयार करता है आर्थिक सर्वेक्षण को, तो ये जो आपके मुख्य आर्थिक सलाहकार है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, वो करते हैं, ठीक है। तो ये 2018 के लिए आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगे, ठीक है, ये वाली बात है। फिर इनका महत्व तो क्या है, इसका महत्व मैंने आपको बता दिया कि जितने भी पिछले साल के जो भी प्रोग्राम हुए उनके बारे में ये बताया जाता है, और प्लस आगे आने वाले टाइम पे क्या क्या हो सकता है। यही सभी चीजें हिंदी में भी लिखी हुई है, यही सभी चीजें इंग्लिश में भी लिखी हुई है। अब चलिए एक बहुत अच्छा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी 10 न्यू फैक्ट्स आए जो इंडियन इकोनॉमी के, वो वाले में से मैंने ये क्वेश्चन बनाया, काफी इंपॉर्टेंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर अटेम्प्ट करिए। देखिए आप अटेम्प्ट करिए, क्वेश्चन जो आंसर है इन सबके मैं एंड में दूंगा, ठीक है, आप लोग अटेम्प्ट करते जाइए। अभी देखिए 2017-18 के हिसाब से इनमें से 2 स्टेटमेंट दिए हैं आपको, इनमें से बताना है कौन सा करेक्ट है। पहला है कि इंडियन सोसाइटी हैज ए स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर मेल चाइल्ड, वही चीजें यहाँ पे हिंदी में भी लिखी हुई है। दूसरा है आपका ये है कि जो ग्रोथ होता है सेविंग में वो इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं लाता है, बल्कि जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो ग्रोथ लाता है। तो इनमें बताइए से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, यहाँ पे सॉरी इनकरेक्ट वाला चूज करना है आपको। तो बताइए पहले का आंसर क्या होगा, सबका लास्ट में बताऊंगा मैं, ठीक है। पहले का बताइए, फिर ये मैं बता ही चुका हूं आपको अभी, उसके बाद फिर और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, 20-25 करीबन क्वेश्चन है। अब देखिए आर्थिक सर्वेक्षण बनाता कौन सा मंत्रालय है, ये आपको पता होना चाहिए। ये कौन बनाता है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री का, वो बनाता है इकोनॉमिक सर्वे। अच्छा बजट कौन बनाता है, ये आप बताइए। चलिए इसमें कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर एक वो तो एक हो गया एक क्वेश्चन, उसके अलावा ये पहला क्वेश्चन है कि आपका जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स है वो कब प्रेजेंट करता है इकोनॉमिक सर्वे को, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया ये सब चीजें, पहले वाले का आंसर बताइए। फिर दूसरी बात है कि हर साल संसद में आर्थिक सर्वेक्षण कौन पेश करता है, देखिए पेश करता अलग है, और यहां पे एक और चीज है, पहली बात तो कौन प्रेजेंट करेगा इकोनॉमिक सर्वे को वो अलग है, लेकिन पार्लियामेंट में जो आपका एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो किसके नाम पे किया जाता है, ये मतलब आप बताइए कि मतलब फॉर्मली कि हु कॉजेज टू बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बजट नहीं लिखा हुआ है, वहां पे लिखा हुआ है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो किसके नाम पे किया जाता है वो आप बताइए, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर बताइए, इकोनॉमिक सर्वे जो अभी आया है लेटेस्ट वाला, इसके हिसाब से इंडिया की जीडीपी कितनी प्रोजेक्ट ये है, प्रोजेक्ट की गई है फाइनेंशियल ईयर में 2019 में कितनी हो गई है, आप बताइए। इसमें 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन है। पॉलिसी एजेंडा क्या होगा आपका जो अभी इकोनॉमिक सर्वे रिलीज किया गया है, ये 4 ऑप्शन दिए हैं, एग्रीकल्चर, प्राइवेटाइज, एयर इंडिया, बैंक रिकैपिटलाइजेशन, और या फिर ऑल ऑफ द अबव, यही चीजें हिंदी में भी लिखी हुई है। इसके बाद देखिए आर्थिक सर्वेक्षण 2018 के हिसाब से अगर आप देखें कच्चे तेल में कितना ये प्रेडिक्ट किया गया, कितना प्राइस इनका बढ़ेगा, कितना परसेंट, तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं, आप बताइए इनमें से कौन सा होगा। बिगेस्ट सोर्स कौन सा है ग्रोथ बेस्ड, ग्रोथ का मतलब आप ये बताइए, इकोनॉमिक सर्वे 2018 के हिसाब से कौन सा बिगेस्ट सोर्स है, तो ये 4 चीजें दी हुई, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन दिए हुए हैं। ये बताइए कितना जो एक्सपेक्ट किया गया है फाइनेंशियल ईयर 2019 में जीवीए कितना परसेंट बढ़ेगी, ये आप बताइए जल्दी से, ए बी सी डी, ये आप 4 ऑप्शन दिए गए, जल्दी से बताइए आप, ठीक है, जल्दी बताइए यहाँ पे, ये मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, लास्ट में मैं आंसर दिखाऊंगा पूरे, और जो आंसर शीट है और प्लस ये पूरी पीडीएफ जो है ये दोनों आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, आप जरूर देख लीजिएगा। फिर ये 2017 ये अब फाइनेंशियल ईयर 2018 में अगर आप देखें तो कितना रियल जीडीपी का ग्रोथ होगा, ये आप बताइए, 4 ऑप्शन दिए हैं, आप बताइए जल्दी से, इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन आ रहा है। अब ये बताइए कितना परसेंट इनडायरेक्ट टैक्स पेयर ये जो है इंक्रीज हुए हैं जीएसटी रिपोर्ट के हिसाब से, 40%, 50%, 60%, 55%, ये आप बताइए जल्दी से। उसके बाद ये इकोनॉमिक सर्वे 2018 के हिसाब से एक्सपेक्टेड ग्रोथ कितनी है एग्रीकल्चर सेक्टर में, ये 4 ऑप्शन दिए, जल्दी से बताइए आप,
देखिए ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो आपको बेसिक वाले क्वेश्चन पता ही रखने चाहिए। बजट वाली समरी भी मैं अभी रात तक दे दूंगा आपको, और प्लस उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी, और फिर एक काफी ज्यादा यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू जोन आएंगे काफी डिटेल्ड में। ये वाले तो आपको एसएससी एग्जाम, एसआई एग्जाम, यूपी पीसीएस एग्जाम, आरओ एग्जाम सभी में ये वाले क्वेश्चन आपके काम आएंगे। चलिए ये वाला बताइए, एक्सपेक्टेड ग्रोथ कितना है सर्विस सेक्टर में, चार ऑप्शन दिए हैं। एक्सपेक्टेड ग्रोथ कितना है इंडस्ट्रियल सेक्टर में, ये वाला सब मैं बता चुका हूं ऑलरेडी, ठीक है। तो औद्योगिक वृद्धि में, औद्योगिक क्षेत्र में कितनी वृद्धि हो सकती है, उसके बाद कितना परसेंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ये है जो ग्रो हुआ है, मतलब बढ़ा है ये 2016-17 में, ये आप बताइए 13 क्वेश्चन। फिर ये पहली बार इंडिया में क्या हुआ है इन चारों चीजों में से, ये बताइए आप पहली बार किससे मतलब डील किया गया है, ये आप समझ सकते हैं कि क्या हुआ, इंटरनेशनल इंपोर्ट हुआ, इंटरनेशनल एक्सपोर्ट को हमने देखा है, मतलब किसका डेटा लिया गया है कुल मिला के 14 क्वेश्चन। फिर उसके बाद 15 क्वेश्चन है, कितना अमाउंट को ये गवर्नर गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है इंटरेस्ट सबवेंशन के लिए 2017-18 में, ये बताइए आप 15 क्वेश्चन। 16 क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एवरेज रिटेल इन्फ्लेशन, कितना रहा है ये 2018 के जो सर्वे आया है उसके हिसाब से, ये वाला क्वेश्चन बताइए। फिर उसके बाद देखिए एवरेज सीपीआई इन्फ्लेशन कितना रहा है 2017-18 में, वो आप बताइए। ये सब मैं बता चुका हूं 17 वाले क्वेश्चन का, 17वें वाले क्वेश्चन का आंसर है। फिर 18वें वाले क्वेश्चन का बताइए कितना जीडीपी ग्रोथ होगा एवरेज परसेंट में 2000 मतलब हुआ है 2014-15 से लेकर 17-18 तक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, किसी किसी एग्जाम में ये भी पूछ सकते हैं फुल फॉर्म क्या है जीवीए का, ये भी देख लीजिएगा। फिर ये वाला है कि एक टर्म यूज किया था आरओएसएल, उसमें से एल का क्या मतलब है, देखिए ये क्वेश्चन आ सकते हैं ऐसे तो आपको याद रखने चाहिए ये। उसके बाद आईटीसी का क्या मतलब है ये आप बता दीजिए। उसके बाद है 22, कितना परसेंट जो जीडीपी है इंडिया का इंटरनल ट्रेड में गुड्स एंड सर्विसेज में, वो एक्चुअली और ज्यादा हायर है वो, ये बताइए आप, ठीक है। तो ये आप बता दीजिए 22 वाले क्वेश्चन का आंसर, और इसी के साथ ये खत्म होते हैं। चलो आंसर देख लेते हैं फिर, ठीक है, जितने लोगों ने बताए, ठीक है, एक एक करके देख लेते हैं। पहली बात तो ये वाला मैं आपको बता ही चुका हूं कि जो इसका आंसर क्या होगा, देखिए इसका आंसर बताइए जल्दी से, ये दो स्टेटमेंट दिए इनमें से कौन सा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे करेक्ट लिखा है या इनकरेक्ट लिखा है, लेकिन आपको इनकरेक्ट चूज करना है तो ये गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे इनकरेक्ट वाला चूज करना है आपको, यहाँ पे ये गलत है, तो यहाँ पे आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसमें दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, इसीलिए इसमें से कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, तो इसका आंसर आपका क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका ये डी वाला, क्योंकि कोई भी इनकरेक्ट है, कोई भी करेक्ट नहीं है, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, ये वाला हो गया, बाकी तो ये तो बेसिक बताया था मैंने, ठीक है, ये बेसिक एसिक था ये। अब देखिए क्वेश्चन, देखिए पहला वाला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, पहले वाले क्वेश्चन का आंसर होगा कि हर साल ये कब प्रस्तुत करते हैं, ऑब्वियसली बात है मैंने पहले बताया था आपको, ए आंसर होगा बजट से पहले, ठीक है। फिर उसके बाद आप अगर दूसरे पे चलेंगे इसमें कि दूसरा वाला क्वेश्चन देखें कि आर्थिक सर्वेक्षण कौन पेश करेगा, पेश कौन करेगा, सेकंड वाले आंसर का, सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर होगा वित्त मंत्री। लेकिन जो मैंने इसके बाद क्वेश्चन पूछा था कि कौन किसके नाम पे बजट रखा जाता है पार्लियामेंट यानी संसद में, वो होते हैं राष्ट्रपति जी, इसका आंसर क्या होगा, राष्ट्रपति जी, ठीक है। उसके बाद फिर थर्ड वाले क्वेश्चन का अगर आप देखें कि इंडिया की जीडीपी कितनी प्रोजेक्टेड है ये 2019 में, तो ये कितनी है, आंसर है इसका ए, 7 से लेकर 7.5% तक बढ़ने के लिए। फोर्थ वाले क्वेश्चन का है जो क्या क्या पॉलिसी एजेंडा है इसका, ये तीनों ही पॉलिसी एजेंडे हैं, एग्रीकल्चर, प्राइवेटाइज एयर इंडिया, बैंक रिकैपिटलाइजेशन, तीनों, तो इसका आंसर होगा डी। उसके बाद है फिर देखिए ये हिंदी में लिखा हुआ है, कच्चे तेल में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है, फिफ्थ का आंसर है सी, 12% बढ़ सकता है ये। सिक्स वाला क्वेश्चन है कि क्या बिगेस्ट सोर्स होगा ग्रोथ बेस्ड का, वो है एक्सपोर्ट, 6 का आंसर है बी, ठीक है। सेवन क्वेश्चन में अगर आप देखें तो ये क्या आंसर होगा इसका, परसेंटेज अगर आप देखेंगे कितना जीवीए का ग्रोथ एक्सपेक्टेड है, देखिए जीवीए अलग है जीडीपी अलग है, जीवीए का कितना एक्सपेक्टेड है, सेवन का है 6.1%, बी आंसर इसका। एट वाले का देखेंगे तो रियल जीडीपी कितनी ग्रोथ होगी उसका आंसर अलग है, वो है 6.75, ठीक है। उसके बाद फिर नाइन्थ वाले क्वेश्चन का कि कितना परसेंट इनडायरेक्ट टैक्स पेयर बढ़े हैं, वो कितना बढ़े हैं, ये वाला मैंने बताया भी था 50% करीबन जीएसटी की रिपोर्ट के हिसाब से। फिर ये इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से एक्सपेक्टेड एग्रीकल्चर ग्रोथ कितनी होगी, वो होगी आपकी 2.1%, ये सब मैं बता चुका हूं इससे पहले वाले में। सर्विस सेक्टर में कितनी ग्रोथ होगी, वो होगी 8.3%, ठीक है। इंडस्ट्रियल वाले सेक्टर में कितनी होगी, 12 वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डी, यानी कि 4.4%। 13 वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है, कितने परसेंट ये जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ा है, वो है आंसर बी, 14.1%। इस समय उसे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना चल रहा है, $400 बिलियन के आसपास चल रहा है, और उसके चार जो मेजर कंपोनेंट है वो भी बताइए कमेंट करके। फिर ये है कि पहली बार हिस्ट्री में क्या हुआ है, ये हुआ है आपका
इंटरनेशनल एक्सपोर्ट का जो डेटा है स्टेट का वो हमने कंसीडर किया है, 14 का होगा। बी 15 क्वेश्चन है कि कितना आप ये इंटरेस्ट सबवेंशन करेंगे, ये करेंगे 20,339 करोड़, यानी कि आंसर होगा इसका बी। फिर ये है कि एवरेज रिटेल इन्फ्लेशन कितना रहा है, वो रहा है करीबन 3.3% आपके ये, तो इसका आंसर होगा सी। 17th वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इसमें सीपीआई इन्फ्लेशन कितना रहा है 2017-18 का, इसका आंसर है कितना डी 3.7%। फिर उसके बाद एवरेज परसेंटेज कितना ये 2014-15 से लेकर 17-18 तक रहा है, उसका आंसर है डी यानी कि 7.3%। और 19 वाले का तो आप जानते हैं बहुत ही सिंपल है, ग्रॉस वैल्यूएटेड, तो ए होगा इसका। 20 वाले का क्या है, आरओएसएल में एल क्या है, एल है इसमें आपका सी यानी कि लिवाइज, ठीक है। और 21 का आंसर क्या है, 21 का है ए इनपुट टैक्स क्रेडिट। 22 का आपका आंसर क्या है इसमें, इसका आंसर है सी, ठीक है। तो इसी के साथ इकोनॉमिक सर्वे की क्विज खत्म होती है, रात तक आप लोग वेट करते रहिए, आप लोग को बजट वाली पूरी समरी मिल जाएगी हिंदी इंग्लिश दोनों में, और प्लस उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी बताने की कोशिश कर रहा हूं। लेकिन ये दोनों अगर आपको पीडीएफ चाहिए, ये वाली पीडीएफ और प्लस इसकी आंसर शीट, वो दोनों को अगर आपको चाहिए तो ये वाला ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज टेलीग्राम में चैनल। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज डू लाइक एंड शेयर।